ठीक है, तो शुरू किया जाए फिर बिना किसी देरी के। ठीक है, आप सभी लोगों का जो है एग्रीमेंट मिलने के बाद मैं अब आगे बढ़ने की तरफ चलता हूँ। तो एक बड़ा ही ऐसे ही रील्स देखता रहता हूँ मैं, और रील्स में एक बड़ा ही फेमस गाना आजकल चल रहा है मेरा, एक आप लोग जानते हैं छोटा सा भांजा है, वो गाता रहता है गुलाब जैसन खिलल बाड़ू तू भौरा से मिलल बाड़ू। तो एग्जैक्टली ये जो है प्रोटीन के ऊपर बात करने वाले, प्रोटीन भी जो है ऐसे ही अमीनो एसिड के ऊपर बात कर रहा था कि एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से ही बोलता है कि गुलाब जैसन खिलल बाड़ू पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ल बालू, है ना। तो अब पेप्टाइड बॉन्ड जुड़ गए थे और हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की बात करी थी, और आज की क्लास प्रोटीन स्ट्रक्चर के ऊपर ही है, और बड़ा मजा भी आएगा और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है और क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो जब भी हम प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को ओवरव्यू के तौर पे मैंने एक्सप्लेन कर रखा था, और मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और क्वार्टनरी चारों हो सकते हैं, और प्राइमरी में लीनियर सिक्वेंसेस हो सकते हैं जिसमें स्पेसिफिक ऑर्डर या सिक्वेंसेस हो सकता है, और इनका जो मॉलिकुलर वेट है उसके ऊपर मैं बातचीत कर चुका हूँ कि कैसे आप मॉलिकुलर वेट पता कर सकते हैं, और उसके साथ सेकेंडरी स्ट्रक्चर का अब हमें जो इंफॉर्मेशन देखना था। लीनियर स्ट्रक्चर या प्राइमरी स्ट्रक्चर इज जस्ट द सिक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, बट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज द कॉन्फर्मेशन या फोल्डिंग ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, और उसमें जो फोल्डिंग में एक बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट मैंने शो किया था वो था हाइड्रोजन बॉन्ड। अब पेप्टाइड बॉन्ड तो रहते ही रहते, लेकिन अगर पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा एक बॉन्ड जो है वो इन्वॉल्व होता है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, और इस हाइड्रोजन बॉन्ड का नेचर मैंने इंट्रा चेन शो किया था या इंटरचेन शो किया था, इंट्रा चेन शो किया था। इस हाइड्रोजन बॉन्ड का नेचर आप कैसा शो करते हैं, इंट्रा चेन शो करते हैं। ये इंट्रा चेन भी हो सकता है और एज वेल एज इंटर चेन भी हो सकता है। ठीक है, अब इंटर चेन और इंट्रा चेन दोनों कैसी कहानी है, हम इस पे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। अब इंट्रा चेन और इंटर चेन दोनों ही जो आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड बनते हैं, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही क्रिटिकल होते हैं किसी लीनियर को, कोई लीनियर पेप्टाइड को ऐसे हेलिकल फॉर्म में आने के लिए, किसी ऐसे हेलिकल फॉर्म में आने के लिए, या किसी प्लीटेड शीट के फॉर्म में या बीटा स्ट्रैंड के फॉर्म में जाने के लिए। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट होता है कि मैंने आपको जब फोल्डिंग बता रहा था तो मैंने बताया था कि एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा से बीटा बनने के लिए बीच में ब्रेक होता है, वही ब्रेक टर्न या लूप बनाता है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस हेलिक्स नहीं बन सकता पूरा प्रोटीन, कॉन्टिन्यूअस जो है बीटा शीट नहीं बन सकता, थोड़ा सा हेलिक्स बनेगा फिर बीटा शीट, फिर ऐसे कर करके बहुत सारे फोल्ड्स बनते हैं, और वो सारे के सारे जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा है उनको एक दूसरे से टर्न या लूप से जुड़े होते हैं, और वो एब्रप्टली मुड़के एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो टर्न अल्फा और बीटा को जोड़े रखता है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि लोगों को लगता है कि बीटा शीट एक अलग ही स्ट्रक्चर है। बीटा शीट इज नथिंग, इट इज जस्ट द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ हेलिक्स। एक्सटेंडेड वर्जन जो हेलिक्स होता है उसको जब खींच देते हो तो वही आपके पास क्या हो जाता है, दैट इज बीटा शीट, ये कहानी होती है। ठीक है, तो हम बात करेंगे बीटा स्ट्रैंड, उसके ऊपर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करने जा रहे हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये बहुत ब्रॉड कैटेगरी है और पूरे प्रोटीन स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा वेटेज इसी का होता है। इसको डिटरमाइन करने के लिए दो टूल्स का यूज किया जाता है, एक टूल जो था वो था रामाचंद्रन प्लॉट, जो कि मैं डिस्कस कर चुका हूं, यस और नो। इसके बाद एक टेक्निक होती है जो कि मैं बताऊंगा टेक्निक क्लास में, जिसको बोलते हैं सर्कुलर डाइक्रोइज। क्या बोलते हैं जनाब, सर्कुलर डाइक्रोइज। इस सर्कुलर डाइक्रोइज जिसे आप बोलते हैं सीडी, सर्कुलर डाइक्रोइज स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर को बताता है, इसके बारे में डिटेल्ड अपन पढ़ेंगे टेक्निक्स में। और ये टर्शियरी स्ट्रक्चर या क्वार्टनरी स्ट्रक्चर को डिटेल्ड करने वाला सीडी नहीं है, रामाचंद्र प्लॉट नहीं है, ये नहीं कर सकते। इसके लिए आप क्या करेंगे, या तो एक्सआरडी यानी जिसको बोलते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन, सुना इसका नाम, टेक्निक्स में इसको भी पढ़ेंगे एक्सआरडी। ठीक है, या एक बहुत कॉमन आपने सुना होगा एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। सो अगर हमें किसी भी प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना होगा तो वी हैव टू यूज दीज टू टेक्निक्स, एंड द 2D स्ट्रक्चर के लिए हमें सर्कुलर डाइक्रोइज या रामाचंद्र प्लॉट फाई और साई एंगल से कर सकते हैं। टेक्निक्स पे ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि ये ज्यादा जाने के लिए अलग यूनिट बनी हुई है और बहुत बड़ी यूनिट है वो, और बहुत आराम से उसको भी पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के तौर पे
सेकेंडरी स्ट्रक्चर को शुरू करने जा रहा हूँ। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब हम क्लासिफाई करते हैं तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर रेगुलर भी हो सकते हैं और इररेगुलर स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। When you classify the secondary structure, this can be the regular structure as well as irregular structure. Regular structure का मतलब इसका एक pattern है। जैसे कोई बच्चा class में regular आता है, एक ही जगह पे regular बैठता है, तो we can simply say that कि इसका जो pattern है वो regular है। अब कोई जो है किसी दिन आ रहा है, किसी दिन नहीं आ रहा है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? Irregular। कुछ लोग मेरे लिए भी बोल सकते हैं कि आप एक irregular teacher है, किसी दिन आपकी क्लास हो रही है, किसी दिन नहीं हो रही है, है ना? तो ऐसे केसेस भी बोल सकते हैं। अब इसके बाद रेगुलर जो होते हैं जिसमें टॉर्सन एंगल फाई एंड साई रिमेंस द सेम और नियरली द सेम थ्रू आउट द सेगमेंट। अब रेगुलर स्ट्रक्चर वो होते हैं कि जो वो सेगमेंट है, जैसे जितना रीजन आपने हेलिक्स को शो किया, जितना रीजन अगर मैंने इतने रीजन को हेलिक्स को शो किया है, तो इस रीजन में अलग अलग एन सी अल्फा सी सी अल्फा एन सी अल्फा बहुत जगहों पे होंगे, तो इस पूरे रीजन में जो आपका फाई होगा और जो होगा साई डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे लगभग नियरली कैसे होंगे? सेम होंगे। ऐसा नहीं कि एक अमीनो एसिड के लिए अलग है, दूसरे के लिए अलग है, तीसरे के लिए, ये नियरली सेम है। ऐसे स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं रेगुलर स्ट्रक्चर्स। लेकिन इन सम ऑफ द स्ट्रक्चर्स जिसमें कि हर अमीनो एसिड के बाद जो फाई साई फाई साई फाई साई चलेगा, वो एंगल या वो फाई और साई ये वेरी करेगा, मतलब फाई एंड साई जो है ये वेरी करेंगे। जब ये वेरी करने लगे विद इन स्ट्रक्चर, मतलब एक ही सेगमेंट में, ये छोटा सा जो सेगमेंट देख रहे हैं इसी सेगमेंट में ही फाई साई वेरी कर रहा है, कोई अल्फा हो रहा है तो कोई टर्न हो रहा है, ऐसे को इररेगुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं या डी नेचर्ड बोलते हैं या अनस्ट्रक्चर्ड। इररेगुलर को एक और टर्म बोला जाता है अनस्ट्रक्चर्ड, जिसका कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्ड नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड। और जो प्रॉपर रेगुलर होगा इसको बोलेंगे स्ट्रक्चर्ड। ऐसा टर्म भी आपके स्टेटमेंट में मिलेगा, मैं इसलिए इस टर्म को जो है नोटिफाई कर रहा हूँ, रीजन बिंग दैट जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें ऐसा टर्म अनस्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड भी आएगा। दैट इज रिलेटेड टू द रेगुलर एज वेल एज इररेगुलर। रेगुलर में फाई और साई थ्रू आउट द सेगमेंट, मैं सेगमेंट बोल रहा हूँ, पूरा पेप्टाइड और प्रोटीन नहीं बोल रहा हूँ। सेगमेंट मीन जितना हेलिक्स है, उसके बाद तो टर्न होके हो सकता है सीट बन रहा हो सकता है, दोबारा हेलिक्स बन रहा, वी डोंट नो, इट डिपेंड्स ऑन द सीक्वेंसेस। बट फिलहाल के तौर पे ये जो एक सेगमेंट है हेलिक्स का, इस सेगमेंट में फाई और साई जितने जितने अमीनो एसिड के बीच में है वो सभी नियरली सेम होंगे। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड और इररेगुलर में ये फाई और साई जो अमीनो एसिड के बीच में होंगे, दे आर नॉट नियरली सेम या दे आर नॉट, कह सकते हैं कि इक्वल। अब आगे बढ़े तो जो रेगुलर स्ट्रक्चर्स होंगे इसमें कुछ कॉन्फॉर्मेशन के तौर पर आप शो करते हैं हेलिकल कॉन्फॉर्मेशन एज वेल एज प्लीटेड कॉन्फॉर्मेशन। एंड जो आपके इररेगुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं इनमें फाई और साई की वैल्यू थ्रू आउट द सेगमेंट सेम नहीं होता, इसके ज्यादातर एग्जांपल्स आपका कोई दिख, क्योंकि वो स्ट्रक्चर्ड ही नहीं है। तो जब स्ट्रक्चर्ड ही नहीं है प्रॉपर, तो उसका क्या ही आप पैटर्न बोलोगे कि वो हेलिक्स है कि सीट है? भैया कोई फाई और साई सीट बोल रहा है, कोई फाई साई जो है हेलिक्स बोल रहा है, क्योंकि अपने फाई और साई की वैल्यू मोटा मोटी लगभग रामचंद्र प्लॉट में देख रखी है। अच्छा, फाई और साई की वैल्यू याद किए हो एग्जाम्पल की नहीं है ना? कुछ बच्चे को इतना खतरनाक याद किया, सेल बायोलॉजी में जो है रवीना मैम को एक टॉपिक पढ़ा रही थी, उसमें टॉपिक क्या था, आरईआर का फंक्शन आता है जिसमें एक एंजाइम था पीडीआई डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो कोई बच्चा पूछ रहा है कि मैम ये फॉस्फोडाइस्टरेज आइसोमेरेज होगा ना, मतलब डाइसल्फाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में फॉस्फोडाइस्टरेज आइसोमेरेज कर क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये तो हालत हो गई कि कटरीना की शादी में जो सलमान खान दूल्हा बन के बैठा हुआ, दोनों का कोई मेल जोल नहीं है, बट इट इज समथिंग। फॉस्फो जब डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन है तो उसका नाम प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमेरेज, और ये मैं बता चुका हूँ, स्टिल ये हालत है। तो अगर इस तरीके से याद रख रहे हो तो कृपया करके ना करें, इस चक्कर में क्या होता है ना कि लुटिया डूब जाती है। कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन दिमाग में होनी चाहिए, बार बार उसको लिख के रिकॉल करके दिमाग में फिट करो, और ऐसे कम से कम अगर जवाब नहीं भी देना है गलत मत दो, ठीक है, मत जवाब दो लेकिन गलत नहीं देना चाहिए, क्योंकि गलत का मतलब है कि ना तो आपको पीडीआई पता था, ना ही आपको फॉस्फोडाइस्टरेज पता है कि उसका यूज का, आपको ना डाइसल्फाइड आइसोमेरेज पता ना डाइस्टरेज आइसोमेरेज पता है, दोनों ही नहीं पता, भी तो आप दोनों गलत दे रहे थे। इसलिए कभी कभी चुप रहना और खुद इवेल्युएट करना, खुद से गूगल करके सर्च करना भी अच्छी चीज होती है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जब मैं बात करने की कोशिश करूँ तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स रेगुलर और इररेगुलर स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में आ रहे थे, और रेगुलर जो थे वो आपके हेलिकल और प्लीटेड, इसको मैं भी आगे लेके चलूंगा, एंड इररेगुलर जो होंगे इनका कोई कॉन्फर्मेशन है ही नहीं, ये बिगड़े हुए स्ट्रक्चर्स है, इनका कोई प्रॉपर कॉन्फर्मेशन ना ही हेलिक्स ना ही शीट ना ही कोई
और फाई और साई वैल्यू थोड़ी थोड़ी याद करना है तो कर लेना, नहीं तो अभी मैं फिर पढ़ाते चलूंगा तो वहां पे आएगा और फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब इन जो स्ट्रक्चर्स थे रेगुलर स्ट्रक्चर्स, उसमें से सबसे कॉमन स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं हेलिकल कॉन्फॉर्मेशंस, हेलिक्स जैसा नजर आएगा, स्प्रिंग जिसे आप बोल सकते हैं, इट विल लुक लाइक द स्प्रिंग, हेलिक्स जैसा नजर आएगा। अब हेलिकल स्ट्रक्चर्स की जब बात करते हैं तो हेलिकल स्ट्रक्चर्स हो या कोई भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हो, इसमें होता क्या है अगर मैं चर्चा करूं तो इसमें होता क्या है जनाब, मेन चेन का रीअरेंजमेंट। मैंने जो हाइड्रोजन बॉन्ड शो किया था वो साइड चेन में शो किया था या मेन चेन में किया था, मेन चेन में, बैकबोन में। याद रखिए आप जब हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर रहे थे तो हाइड्रोजन बॉन्ड आपने बैकबोन में शो किया था, बैकबोन, ठीक है ना। जैसे आपका एक बैकबोन होता है मेरुदंड जिसे बोलते हैं, ठीक है, बोन मैरो जिसे बोलते हैं, आवर स्पाइनल कॉर्ड, राइट। तो वो जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो हमारा बैकबोन होता है, एग्जैक्टली प्रोटीन का एक बैकबोन है, दैट एनसी अल्फा सी, एनसी अल्फा सी, एनसी अल्फा सी, जो आपका मेन चेन चल रहा है, ठीक है, दैट इज द मेन चेन। उसी में जो CO और NH होते हैं वही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, और वही हाइड्रोजन बॉन्ड बना के जो है बेसिक तौर पे आपके स्ट्रक्चर्स। अब साइड चेन कंसीडर्ड नहीं हो रहा है, याद रखिए साइड चेन नॉट कंसीडर्ड, साइड चेन को कंसीडर नहीं किया जा रहा, क्योंकि साइड चेन कंसीडर कर लेंगे तो या साइड चेन में इंट्रैक्शन होने लगेगा तो वो टर्सियरी हो जाएगा, सेकेंडरी नहीं रहेगा। सेकेंडरी में सिर्फ मेन चेन में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसी को आप कंसीडर कर रहे हैं। एंड यहाँ पे जो स्टेबिलाईजेशन जिस बॉन्ड के थ्रू हो रहा है, जैसे मैंने बताया दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, मेन जो स्टेबिलाईजेशन हो रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के जो है वो थ्रू हो रहा है। नाउ मूविंग हेड, अगर इसके ऊपर बात करने की कोशिश करें तो इन्वॉल्व्स कार्बोनिल ऑक्सीजन एंड अमीनो जो है ग्रुप्स। अब जो सी ओ एच है आपके पास और सी ओ और एन एच, यही दो कहानी मैंने बताई थी, कार्बोनिल सी ओ ग्रुप एंड एन एच अमाइड हाइड्रोजन, और ये कहां पे पाया जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड के अलोंग, मेन चेन के अलोंग। लेट्स सी द स्ट्रक्चर हियर, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपके पास ये एक मैंने एन सी अल्फा सी, एन सी अल्फा सी, एन सी अल्फा सी का कॉन्सेप्ट जो है शो किया। अब देखो ये है एन एच, ये है सी अल्फा, फिर एच सी है, एक अमीनो एसिड है, फिर उसके बाद एन सी अल्फा सी दूसरा, एन सी अल्फा सी तीसरा, एन सी अल्फा सी फोर्थ, एन सी अल्फा सी फिफ्थ एंड एन सी अल्फा सी सिक्स, ये छह अमीनो एसिड है। अच्छा लीनियर पेप्टाइड है कि सर्कुलर है, लीनियर है। अच्छा मुझे बता दो कि अगर ये लीनियर पेप्टाइड है तो इसमें जो है एन टर्मिनल और सी टर्मिनल दोनों फ्री होगा कि जुड़ा होगा, फ्री होगा। आप ये बोल सकते हैं कि एन एंड द सी टर्मिनल जो है वो फ्री होंगे। कैन वी सो दैट कि ये पेंटा पेप्टाइड है, हेक्सा पेप्टाइड है, हेक्सा पेप्टाइड है, छह अमीनो एसिड है तो हेक्सा पेप्टाइड होगा। अच्छा इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा अगर ये लीनियर है तो, मैंने कुछ नहीं शो किया है, तो आप एवरेज मॉलिक्यूलर वेट लोगे और 110 में 6 मल्टीप्लाई करोगे और उसमें 18 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 678 डाल्टन, यही होगा। अगर लीनियर है तो 18 जोड़ना पड़ेगा, अगर सर्कुलर होता तो 660 होता। अब कुछ बच्चों को यही कंफ्यूजन हो रखा है कि लीनियर में 18 जोड़ क्यों रहे, इसको उल्टे तरीके से भी समझ सकते हो भाई। अगर सर्कुलर में, जैसे सर्कुलर की मैं बात करता हूं तो सर्कुलर में एक एक्स्ट्रा जितना लीनियर में पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा था उससे एक ज्यादा था, तो लीनियर का जो एक पेप्टाइड बॉन्ड ज्यादा बन रहा था तो एक वाटर ज्यादा रिलीज होगा, और एक वाटर जब रिलीज हो जाएगा तो H2O-18 हो जाएगा। यानी जब सर्कुलर का मॉलिक्यूलर वेट करोगे तो सर्कुलर का मॉलिक्यूलर वेट लीनियर में से 18 घटाओगे क्योंकि एक एक्स्ट्रा जो है वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है, तो जब लीनियर में से 18 घटाओगे तो सर्कुलर आएगा। क्योंकि 18 क्यों घटाया आपने, क्योंकि सर्कुलर जब बन रहा था तो उसमें एक पेप्टाइड बॉन्ड एक्स्ट्रा बनता है और एक वाटर एक्स्ट्रा रिलीज होता है। और अगर इस इक्वेशन को उल्टा कर दो तो लीनियर क्या हो जाएगा, सर्कुलर प्लस 18। तो यानी कि लीनियर जब कैलकुलेट करोगे तो सर्कुलर में 18 जोड़ोगे। लेकिन इसके लिए भी कई लोग जो है पूरा धरना देके बैठे हुए हैं अलग अलग, ये कैसे आगे, कुछ चीजें जो है थोड़ा सा ध्यान में रखने की कोशिश किया करो, और थोड़ा जो नॉलेज आपके पास आता है उसको इर्द गिर्द भी घुमा करो, ऐसे एकदम घोड़े की तरह नहीं रहना कि बस अगर सीधे चलने को कह दिया जाए तो सीधे चलना है, थोड़ा इधर उधर नहीं देखना है, भटकना है। अब ये कुछ इन्फॉर्मेशन इस पेप्टाइड के बारे में किया था। इस पेप्टाइड में जो मेन चेन आप शो कर रहे थे वो मेन चेन देखो ये रहा एन सी अल्फा सी, फिर उसके बाद एन सी अल्फा सी, एन सी अल्फा सी एंड सो ऑन। अच्छा इसमें एन सी अल्फा के बीच में जो डाईहेड्रल एंगल होगा इसको क्या बोलोगे आप, फाई, और सी अल्फा सी के बीच में जो होगा वो
साइट, यानी हर अमीनो एसिड के बीच में, देखो पहले अमीनो एसिड में एन सी अल्फा के जो है बीच में क्या होगा, फाई होगा, और फिर सी सी अल्फा में साई होगा, दूसरे में भी फाई और साई होगा, तीसरे में भी देखो एन सी अल्फा में फाई और सी सी अल्फा में साई, ऐसे फोर्थ में होगा। ईच एंड एवरी अमीनो एसिड इन देयर बैकबोन दे कंटेन्स द फाई एंड साई। अगर ये थ्रू आउट द स्ट्रक्चर, अगर ये कोई एक डोमेन बना रहा है, कोई हेलिकल कॉन्फॉर्मेशन बना रहा है, थ्रू आउट दैट रीजन अगर ये फाई और साई नियरली इक्वल हो तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को ही तो आप रेगुलर बोलते हैं, और अगर ये अलग अलग हो जाएगा तो ऐसा स्ट्रक्चर्स क्या कहलाएगा, इररेगुलर, कोई उसका रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसी मेन चेन में आपके पास NH दिख रहा होगा, कैन यू सी हियर NH, एंड साथ में आपको क्या दिख रहा है, CO दिख रहा है, एंड क्या हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट अगर रिकॉल करते हैं तो कोई भी हाइड्रोजन अगर FON हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो तो वो किसी और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है कि नहीं रखता है। अगर ये हाइड्रोजन देखो नाइट्रोजन से जुड़ा है, दिस हाइड्रोजन कैन फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड विद द CO, यस और नो? तो कैन वी सिंपली से दैट कि यहां पे जो NH मैं शो करूं, मैंने NH में देखो सॉलिड लाइन शो किया, मतलब यहां पे कोवेलेंट बॉन्ड है, और यहां पे मैं CO को शो कर रहा हूं, तो कैन वी सिंपली से दैट कि NH जो है वो CO के साथ ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं? अरे हाँ या ना, कुछ पल्ले पड़ रही है? तो ये चीज मेन चेन में हो रही है कि साइड चेन में हो रहा है? मेन चेन में है, साइड चेन का तभी कोई पंगा नहीं है, तो CONH तो मेन चेन की कहानी, तो CO और इसके आगे अगर NH है तो इस O और N में गुफ्तगू हो सकता है, और यही तो कहानी है, यही तो ऑक्सीजन जो पार्शियल नेगेटिव होता है और ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव होता है, यही दोनों तो कहते हैं कि हम हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, हम बने तुम बने हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए, तो ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखेंगे। अब सवाल ये आता है कि ये जो CO है और जो NH है वो सेम अमीनो एसिड के है क्या, नेक्स्ट अमीनो एसिड का है क्या, या उससे नेक्स्ट का है क्या, या उससे नेक्स्ट का है क्या? तो अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही जो रिस्पॉन्सिबल होता है हेलिकल कॉन्फॉर्मेशन के लिए, अभी ये लीनियर चल रहा था, लेकिन जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ेगा तो ये कॉम्पैक्ट आएगा। जैसे सीधी सी बात है, अब अगर आप किसी जो है स्प्रिंग को खींचे रखिए तो वो क्या है, एकदम लीनियर नजर आएगा, लेकिन जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो कॉम्प्रेस करेगा, जब कॉम्प्रेस करेगा तो स्ट्रक्चर लीनियर की जगह अब ऐसे हेलिकल होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज इट इज गोइंग टू कॉम्प्रेस बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड अलोंग द मेन चेन। तो ये मेन चेन जैसे अब इस CONH का हो रहा है, इसका हो रहा है, तो ये कॉम्प्रेस करने की कोशिश करेगा और लीनियर स्ट्रक्चर ही आपको कैसा नजर आने लगेगा, हेलिकल, ठीक है। और बीटा स्ट्रैंड भी हेलिक्स ही है, कुछ है नहीं है। अब ये जो हेलिक्स ऐसे ऐसे बन जाएगा ना, इसी हेलिक्स ही बीटा शीट की बात आती है। बीटा शीट इज नथिंग, लोगों को लगता है बीटा शीट एक सिंपल ऐसे स्ट्रेट रॉड जैसा होता, नहीं ऐसा बनाते लेकिन होता नहीं है, मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा वाई। तो ये जो है केस बनता है आपके पास इन द केस ऑफ हेलिक्स। कैसे ये बना ये आपको समझ में आया, या कुछ बेसिक चीजें आपको समझ में आ रही? तो मैंने थोड़ा सा चीजें बताई, अभी एक एक लेवल ऊपर बढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले बात करा कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में द मेन चेन दैट इज एन सी अल्फा सी इज गोइंग टू इन्वॉल्व, और इसमें भी दो ग्रुप्स, वन is very very important that is CO and another one is a very very important NH. CONH is going to form a hydrogen bond. और ये hydrogen bond एक directional bond है. How can we say that directional bond? First of all, hydrogen bond is a dipole-dipole या permanent dipole-dipole interaction है. It is a कह सकते extension of van der Waals interaction है. तो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बताया जा चुका है सारी चीजें. अब इसमें ऑक्सीजन अगर यही तो अटैक करेगा हाइड्रोजन पे ना, अटैक का मतलब यही तो लिभाएगा, ठीक है। अरे हिमेश रेशमिया है ये, क्या कहेगा, एक बार आजा 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 हाइड्रोजन को कहना एक बार हाइड्रोजन बॉन्ड, तो जितना भी CO होगा अपने आगे वाले NH को अपनी तरफ लाने की कोशिश करेगा, अपने आने वाले जो है NH को अपनी तरफ लाने की कोशिश करेगा, मतलब ये CO जो उससे डाउन स्ट्रीम होगा उसकी बात होगी। विल डिस्कस की कैसे जो है ये एक डायरेक्शनल फॉर्म जो है बना रहा है, चलिए देखने की कोशिश करते हैं। तो मैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपको कई सारी चीजों को शो किया, अब इसमें हेलिकल कॉन्फॉर्मेशन की बात कर रहे थे, और हेलिकल कॉन्फॉर्मेशन सिर्फ एक तरीके का नहीं होता। आपने कितने तरीके के हेलिक्स पढ़े हैं? अरे हेलिक्स कितने तरीके के पढ़े हैं जो हेलिकल बन रहा था,
अल्फा हेलिक्स, बीटा हेलिक्स, गामा हेलिक्स, पाई हेलिक्स, देयर इज अ फाइव टाइप ऑफ हेलिक्स इन द नेचर, मोस्टली पांच तरीके के हेलिक्स आपके नेचर में पाए जाते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, पाई. दिस इज द फाइव टाइप्स ऑफ हेलिक्स इन द नेचर. लेकिन उसमें से सबसे मोस्ट कॉमनली जो पाया जाता है वो कौन है? अल्फा. द मोस्ट कॉमनली इज अल्फा. और अल्फा भी दो तरीके का होता है, राइट और लेफ्ट, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं. तो मैं अभी पहले आपको ये सिग्निफाई करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप कैसे डिफाइन करेंगे कि विच वन इज अल्फा, विच वन इज बीटा, विच वन इज गामा, विच वन इज डेल्टा एंड विच वन इज अ पाई वन, कैसे डिफाइन करेंगे. तो ये डिफाइन होता है एक्चुअली में हाइड्रोजन बॉन्ड के पैटर्न से. हाइड्रोजन बॉन्ड का पैटर्न मतलब CO कौन सा अमीनो एसिड है और वो किस अमीनो एसिड के NH के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है. अब अमीनो एसिड के जो सीक्वेंसेस है, अगर मैं इस पहले अमीनो एसिड को I बोलूं, मैंने पहले अमीनो एसिड को I बोला तो इसके नेक्स्ट वाला अमीनो एसिड क्या कहलाएगा? I प्लस वन. अगर मैं I को N भी तो लिख सकता हूं, N और N प्लस वन भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए. वी कैन से दैट ये N होंगे तो ये क्या हो जाएगा? N प्लस वन हो जाएगा. मैं I के हिसाब से आगे बढ़ रहा हूं लेकिन N के हिसाब से भी बढ़ा जा सकता है, कोई जो है डरने की बात नहीं है. अब यहाँ पे I प्लस वन के बाद ये वाला नंबर क्या शो करोगे इसको? I प्लस टू, उसके बाद I प्लस थ्री, फिर उसके बाद I प्लस, और फिर I प्लस एंड सो ऑन. मैंने यहां पे जो है इस तरीके से आई, आई प्लस वन, आई प्लस टू, आई प्लस थ्री, आई प्लस फोर, आई प्लस फाइव, यहां से मैंने इसको आई माना और इसके आगे जो है कहानी चलने की कोशिश की. अब हाइड्रोजन बॉन्ड का जो पैटर्न होता है वो इस बात पे डिसाइड करता है कि जो आई का सीओ है, आई रिपीट, ये जो हेलिक्स के टाइप्स है ये इस बात पे निर्भर करते हैं कि जो आई का मैंने आई वाले को सीओ फिक्स किया, मतलब आई इसीलिए रखा है क्योंकि इसका सीओ उसके आगे कौन से अमीनो एसिड के एनएच से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है. तो सबसे पहले अगर बात करें, मैं हाईलाइट कर रहा हूं कि अगर अगर ये आई का ये जो सीओ देख रहे हैं, दिस आई का सीओ, ये आई का सीओ, दिस आई का जो सीओ है, अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए आई प्लस वन के एनएच से, वैसे तो ये ट्रांस स्ट्रक्चर है और ट्रांस स्ट्रक्चर में जो है ये NH ऊपर होगा, CO नीचे होगा, जो कि बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है. लेकिन अगर बनाए, अगर 1% जो मैंने 1000:1 का रेशियो बताया था, अगर उस 1 में भी होगा, अगर NH इस साइड होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है. देयर इज अ वेरी वेरी लेस पॉसिबिलिटी. लेकिन अगर I का CO I प्लस 1 के NH के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, मैं यहां पे अगर इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनवाऊं तो ये जो केस कहलाएगा इसे बोलते हैं डेल्टा. क्या बोलते हैं इसे? डेल्टा. मतलब डेल्टा में क्या मैंने शो किया? सीओ कौन सा अमीनो एसिड है? आई. सीओ को मैंने फिक्स कर दिया कि सीओ है आई. आई का सीओ किस एनएच के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? आई प्लस वन के साथ. इसे क्या बोलोगे भाई? दिस इज डेल्टा. लेकिन क्या डेल्टा बहुत रेयर है या बहुत फ्रिक्वेंट है? थोड़ा बहुत रेयर है कि एक्सट्रीमली रेयर है? एक्सट्रीमली रेयर है. इसके पीछे रीजन ये है कि ये जो सीओ और एनएच है ये मोस्टली पार्शियल डबल बॉन्ड या तो सिस में होंगे या तो ट्रांस में होंगे. सिस और ट्रांस का मतलब यह है कि ये जो सी अल्फा है दो बेसिक तौर पर सीओ एनएच अपोजिट में है कि सेम है? सेम होंगे तो सिस होंगे, लेकिन सिस ज्यादा बनता नहीं है until and unless प्रोलीन यहां पे ना हो. और मैं प्रोलीन का केस भी आपको बता चुका हूं. ठीक है, ये बात समझ में आई? इसके आगे जरा से एक बात बताओ कि अगर ये I का CO, ये I का CO इस I प्लस टू के एनएच के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, किसके साथ? I प्लस टू. अगर ये देखो CO इस I प्लस टू के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है लाइक दिस वन हियर, तो ये कौन सा केस कहलाएगा? इसको क्या बोलते हो? जब I I प्लस टू के साथ, I I प्लस वन था तो इसको आप बोल लेते दैट इज डेल्टा. इसको बोलते हैं गामा. क्या बोलते हैं? गामा. जिसमें CO क्या था भाई? I. और NH क्या था? I प्लस
टू, ठीक है। अरे कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? यस। नाउ मूविंग अहेड, ये मैंने जो है डेल्टा और गामा को एक ही सांसों किया। डेल्टा बहुत रेयर है लेकिन गामा एग्जिस्ट करता है, इसलिए हमने थोड़ा सा आपको एक ही में दोनों शो कर दिया है। अब मैं अगले डायग्राम ले रहा हूं और इसमें हमने बात करने जा रहा हूं, सेम वही पैटर्न है, नथिंग एल्स, सेम वही डायग्राम है, सिर्फ कलर चेंज है और कुछ नहीं है। ये है आई, तो ये हो जाएगा आई प्लस वन, ये हो जाएगा आई प्लस टू और ये हो जाएगा आई प्लस थ्री। अब जरा ध्यान दो कि ये आई आई प्लस वन से बनाएगा, अगर आई का सीओ, आई रिपीट, आई का सीओ अगर आई प्लस वन के एनएच से सीओ जो है वो आई फिक्स किया है आपने, उसके बाद उसके आगे चेक कर रहे हैं, तो आई का सीओ आई प्लस वन के एनएच के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया तो दैट इज डेल्टा। आई का सीओ अगर आई प्लस टू के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया तो दैट इज गामा। अगर आई का सीओ आई प्लस थ्री के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, मतलब इसका जो एनएच होगा इसके साथ अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए तो आप इसको क्या बोलोगे? बीटा। क्या बोलते हैं इसे? बीटा। आई का सीओ हो, मतलब जो सीओ आपने शो किया वो आई का हो और आई प्लस वन का जो आई प्लस थ्री का जो है वो है एनएच, अगर ये हो तो इसको बोलते हैं बीटा, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ो, बड़ा इंटरेस्टिंग सा चल रहा है चीजें। अब मैं उसी डायग्राम को अलग कलर में रखा हूं, नथिंग टू वरी। आई आई प्लस वन, आई प्लस टू, आई प्लस थ्री। अभी तक आपको समझ में आ गया था कि अगर आई से आई प्लस वन का हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था, आई का सीओ आई प्लस वन के हाइड्रोजन बॉन्ड से था तो डेल्टा, आई का सीओ आई प्लस टू से था तो गामा और आई का सीओ आई प्लस थ्री के एनएच से था तो बीटा। अब आई का सीओ आई प्लस फोर के एनएच के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, क्या बोला मैंने? तो ये क्या बोलोगे आप? यहां से लेके यहां तक अगर इनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड बने तो दिस इज गोइंग टू बी अल्फा। यस, दिस इज गोइंग टू बी द अल्फा। ये हो जाएगा आपके अल्फा, यानी यहां पे आई का जो है वो सीओ है और आई प्लस फोर का एनएच है। ये केस बन गया आपके पास। अब अगर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताइए कि अगर मैं I से I प्लस फाइव पे पहुंच जाऊं तो, अगर I से I प्लस वन, फिर I प्लस टू, फिर I प्लस थ्री, फिर I प्लस फोर एंड I प्लस फाइव, कौन सा बचा है? फाइव। अगर I से I का CO I प्लस फाइव के NH के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए तो क्या हो जाएगा? ये पाई। समझ में आया कुछ? अब बोलो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ गया, ठीक है। अगर ये आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और भी अच्छी बात है। लेकिन ध्यान रहे कि ये है नॉमेनक्लेचर के हाइड्रोजन बॉन्ड का पैटर्न। तो नॉमेनक्लेचर के हाइड्रोजन बॉन्ड के पैटर्न के ऊपर जब बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड के बेसिस पे भी सिर्फ क्लासिफिकेशन बताया है, ठीक है। तो ये है आपके हेलिकल कॉन्फॉर्मेशंस के क्लासिफिकेशंस, हेलिकल कॉन्फॉर्मेशंस जो मैंने सारे नेचर में बताए, सारे नेचर में जो मैंने बताया उसका नॉमेनक्लेचर बेसिक तौर पे वो इस बात पे निर्भर करता है कि जो हाइड्रोजन बन रहा है सीओ और एनएच के बीच में, जो हाइड्रोजन बन रहा है सीओ और एनएच के बीच में उसके बेसिस पे कहानी है। अगर सीओ आई हो और एनएच आई प्लस वन का हो तो ऐसे हेलिक्स को आप क्या बोलते हैं? डेल्टा हेलिक्स बोलते हैं, ठीक है। और अगर सीओ आई हो और एनएच आई प्लस टू वाले अमीनोसिड का हो तो इसको क्या बोलते हैं? गामा हेलिक्स। और अगर सीओ आई का हो और एनएच आई प्लस थ्री का हो तो इसे क्या बोलेंगे? बीटा। और अगर सीओ आई का हो और एनएच आई प्लस फोर का हो तो इसे क्या बोलेंगे? अल्फा हेलिक्स। और अगर आई ये हो आपके सीओ आई का हो और एनएच आई प्लस फाइव का हो तो इसे क्या बोलते हैं? पाई हेलिक्स। समझ में आई कुछ बातें? ये नॉमेनक्लेचर। अब इस पर्टिकुलर केसेस के ऊपर जब थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करोगे तो इसमें क्या आ जाता है कि आपके पास एक इन्हीं हेलिक्स का, इनको अगर नेम के, मैंने तो सिंबल के साथ लिखा हुआ है, और जब आप नेम के साथ बोलते हो तो ये होता है अल्फा, सॉरी ये डेल्टा है, दिस इज गोइंग टू बी डेल्टा, ये है गामा, ये है बीटा
ये है अल्फा और ये है पाई, ठीक है। अब इनमें जो है इनका एटम और अमीनो एसिड की कहानी होती है। एक नॉमेनक्लेचर इन्हें ऐसे भी लिखा जाता है, आपने पढ़ा होगा कभी, अमीनो एसिड और एटम का, ऐसा देखा, डेल्टा को लिखा जाता है 0.64, गामा को लिखा जाता है 2.27, बीटा को लिखा जाता है 310, अल्फा को लिखा जाता है 3.613, पाई को लिखा जाता है 4.416। Have you heard about this? इसमें ये जो ऊपर की तरफ लिखा रहता है बड़े वाला, वो अमीनो एसिड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अल्फा हेलिक्स को पकड़ के थोड़ा इनलार्ज कर देता हूँ, तो इसमें अल्फा हेलिक्स को पकड़ के इनलार्ज करूं तो जो है here, यहाँ पे मैं नीचे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये जब ऐसे लिखा है 3.6 और यहाँ है 13, तो 3.6 रिप्रेजेंट्स द अमीनो एसिड एंड 13 रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एटम। अब नंबर ऑफ एटम ऑफ व्हाट? नंबर ऑफ एटम बिटवीन द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, या नंबर ऑफ एटम बिटवीन द CO एंड NH, CO और NH के बीच में जो नंबर ऑफ एटम्स है उसकी बात हो रही है। अब मैं अगर यहाँ पे मेंशन करूँ तो अमीनो एसिड जो होगा, जो डेल्टा में इन्वॉल्व होगा, कितना अमीनो एसिड है 0.6, जो गामा में होगा 2.2, जो बीटा में होगा वो 3, अल्फा में होगा 3.6 और पाई में होगा 4.4। अगर मैं एटम की बात करूं तो एटम कितना इन्वॉल्व होगा इसमें डेल्टा वाले में 4। अब 4 में 3 जोड़ो, 4 में 3 जोड़ो तो क्या आ जाएगा 7, 2.27, इसमें 3 जोड़ो तो 10, इसमें 3 जोड़ो तो 13, फिर 3 जोड़ो तो 16। यानी ये जो एटम है ना वो प्लस 3 के पैटर्न में चलेगा, ठीक है, डेल्टा से नीचे चलते चले जाओगे। अब बट हाउ एमसी अल्फा सी, तीन ही एटम तो बढ़ेगा। देखो आई और आई प्लस वन में एक अमीनो एसिड है, दूसरा अमीनो एसिड जब बढ़ रहा है तो उसमें तीन एटम ही तो बढ़ेंगे, एन सी अल्फा सी, तो मेन चेन की बात हो रही है, इसीलिए तीन एटम बढ़ जा रहा है हर बार। पहले में अगर चार था तो तीन एटम एन सी अल्फा सी इसमें बढ़ जाएगा तो 7, इसमें फिर एन सी अल्फा सी एक और अमीनो एसिड बढ़ गया तो 10, एंड सो ऑन। लेट्स काउंट इट, मैं अमीनो एसिड के बारे में भी चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे पहले काउंट करिए कि आखिर में जो ये एटम्स है ये हाइड्रोजन बॉन्ड में कैसे काउंट होते हैं। मैं इसको यहीं पे बता दे रहा हूं जो हमने स्ट्रक्चर्स देखे थे। लेट्स सी हाउ यू काउंट, कैसे काउंट करते हैं। तो यहाँ पे CO और NH के बीच में सबसे पहले मैं डेल्टा की बात करता हूँ। तो जब मैं डेल्टा की बात करूंगा यहाँ पे, तो डेल्टा में देखो ये जो CO NH इन्वॉल्व है वो ये वाला है। आपका जो CO और NH जो हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व है उसी के एटम को काउंट करना है, ऑक्सीजन से लेना है और H तक जाना है विथ मेन चेन। तो देखो ऑक्सीजन इज द फर्स्ट एटम, मैं यहाँ पे अगर काउंट करूं तो देखो ऑक्सीजन इज द फर्स्ट एटम जहां से आपको शुरुआत करनी है। ऑक्सीजन के बाद ये आएगा C, दैट इज द सेकेंड एटम, C के बाद N, दैट इज द थर्ड एटम, एंड उसके बाद H जो है वो फोर्थ एटम। हाउ मेनी एटम्स इन द डेल्टा बॉन्ड, डेल्टा हेलिक्स 4, कैन यू सी दिस, तो ये आपके पास आ जाएगा। यही आप गामा में चेक करो, ये देखो I और I प्लस वन का किस्सा था, लेट्स डिस्कस I एंड I प्लस टू के NH में। तो यहाँ पे जब नंबरिंग देखोगे तो देखो ये आपके पास O होगा, इस O से C, फिर N, फिर C अल्फा, फिर C, फिर N, फिर NH, यहाँ तक आना है आपको काउंट करते हुए। तो लेट्स काउंट इट, तो ये 1, 2, 3 तो रहेगा। अब 3 के बाद देखो 4, ये C अल्फा, फिर 5, और इसके बाद फिर ये 6 एंड हाइड्रोजन 7। तो कितने आ जाएंगे डेल्टा गामा में, 7 एटम्स आ जाएंगे। आ रहा समझ में? वैसे ही आप बीटा में काउंट कर सकते हैं जिसमें CO और NH I और I प्लस 3 में था। तो जब CO और NH पे काउंट करोगे तो देखो ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर उसके बाद 6, 7, 8, 9 और 10। दिख रहा है क्या? तो कुछ इस तरीके से CO, फिर ये पैटर्न को चलता रहेगा लाइक दिस वन काउंट करने के लिए। और यहाँ पे ये है आपके 10 एटम्स, तो 3, 10 ये हो जाएगा। इसके बाद फर्दर जब आप बात करते हैं तो ये है अल्फा में, काउंट करिए नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पे देखिए 1, 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13। 3.613 दैट इज अल्फा हेलिक्स, एंड ऐसे ही आप काउंट कर सकते हो किसके लिए, पाई के लिए। यू कैन काउंट हियर, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6,
सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन। काउंटिंग सीख लिया ना? देखो लाइफ साइंस सी एस आई आर और एलकेजी में कोई डिफरेंस नहीं है। क्या है ये काउंटिंग ही तो सीख रहे हो, ए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो ये है आपके पास पहला जो था डेल्टा। अब आपको ये टेबल में ये जो वैल्यू जेटन की लिखी गई थी समझ में आई क्या, क्यों ऐसे लिखी गई? अब नंबर ऑफ अमीनो एसिड के बारे में अभी थोड़ी देर में चर्चा हम करेंगे। तो कितने तरीके के हेलिक्स हो सकते हैं ये आपने पढ़ा क्या अभी? तो बहुत सारे हेलिक्स हो सकते हैं। इन हेलिक्स का एक टेबल मैंने यहाँ ऑलरेडी शो कर रखा है, मैंने दिखाया लिख के, लेकिन अब इस हेलिक्स में मैंने एक नेम जो एटम के वाइज वो शो किया है, उसके बाद उसमें नंबर ऑफ रेजिड्यू कितने होंगे, कितने एटम होंगे ये शो किया है। एंड आफ्टर दैट देयर इज लाइक CO II I सबका होगा, अगर NHI प्लस वन हो तो डेल्टा, I प्लस टू हो तो गामा, I प्लस थ्री हो तो बीटा, I प्लस फोर हो तो अल्फा, एंड I प्लस फाइव हो तो दैट इज फाइव। ठीक है, अब एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, मुझे इतना बताओ कि इनमें सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा होगा? अल्फा। ठीक है, और अभी बीच में एक मूवी आई थी जानवर है ना, और अरे एनिमल आई थी जिसके लेके काफी लोग स्वैग में थे। इतना घटिया मूवी, मतलब लाइफ में पहली बार ऐसी कोई मूवी थी जिसको देखते हुए मेरा सिर दर्द हो गया था। मतलब ऐसी कह सकते वाहियात मूवी देख के लोग बहुत हीरो बन रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे। ठीक है, उसमें एक चीज बस पॉजिटिव थी कि रणवीर कपूर की एक्टिंग थोड़ी ठीक थी, बस दैट्स इट। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नथिंग पॉजिटिव इन दैट मूवी। ठीक है, अब बॉबी देओल तो अलग से क्रेडिट ले गया, उसका तो अलग ही है, बट ठीक है। इतना बेकार, इतना जो है ऐसे सोसाइटी में क्या इंप्रेशन पड़ेगा? जो मैसेज उस मूवी से निकल रहा था बहुत बेकार निकल रहा था, बट वॉट एवर, आजकल यही चल रहा है, यही इसी को उसमें एक टर्म यूज किया था अल्फा मेल। ठीक है ना, और वही कैरेक्टर, इसलिए मैं अल्फा यहाँ पे याद दिलाया कि ये अल्फा उसी हेलिक्स जैसा है, सबसे यूनिक। आजकल वही चल रहा है, आजकल ये अल्फा भी चलेगा। अब अल्फा हेलिक्स जो है, वैसे तो सारे हेलिक्स है लेकिन अल्फा हेलिक्स इज द मोस्ट कॉमन। उसके पीछे रीजन है उसका आर्किटेक्चर, और उसके पीछे आर्किटेक्चर में यहाँ पे तीन दो चीजें पैरामीटर से, एक है पिच और एक है राइज पर रेजिड्यू। अब ये दो चीजें क्या है, इनको ध्यान देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, कि ये जो पिच और राइज पर रेजिड्यू, और इन्हीं के बेसिस पे आपसे जो ये अमीनो एसिड के नंबर होते हैं ये निकलेंगे। दैट अमीनो एसिड जो नंबर है वो पिच और राइज पर रेजिड्यू के कहेंगे। जब एक हेलिक्स ऐसे घूमता है तो एक टर्न कंप्लीट करता है। फॉर एग्जाम्पल जो है एक हेलिक्स ऐसे घूमेगा तो एक टर्न कंप्लीट करेगा ना भाई, इस टर्न से फिर ऐसे हेलिक्स घूमेगा, एक दूसरा टर्न कंप्लीट करेगा, फिर उसके आगे एक हेलिक्स घूमेगा, तीसरा, ऐसे तरीके से हेलिक्स जो है वो ऐसे 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 जो है चल रहा है। तो हेलिक्स जो है वो इस फॉर्म में चल रहा होता है। अभी जो हेलिक्स चल रहा है तो उसकी जो ये पूरी एक टर्न की हाइट होती है, जब कोई हेलिक्स ऐसे एक टर्न घूमता है, the height of one turn that is known as pitch. What I said, the height of one turn is pitch. एक जो कंप्लीट टर्न है उसकी जो हाइट होगी वही पिच होगी। पिच का मतलब अगर इस तरीके से हेलिक्स आप शो कर रहे हैं तो इस हेलिक्स में यहां से अगर हेलिक्स शुरू हुआ है तो यहां पर खत्म हो रहा है, तो the height of this one turn that is known as pitch. This is P. In the short form, हम इसको पिच बोलते हैं। बट इस टर्न में सिर्फ एक अमीनो एसिड तो होता नहीं, एक्चुअली में मल्टीपल अमीनो एसिड होते, हो सकता है कि एक अमीनो एसिड यहाँ पे हो, एक अमीनो एसिड यहाँ पे हो, एक अमीनो एसिड यहाँ पे हो। अब इसको थोड़ा अगर एक्सटेंड करूं इसी रीजन को, एक टर्न को ऐसे शो करूं, एक टर्न को बड़े लेवल पे, तो इसमें एक अमीनो एसिड आप यहां शो कर रहे हो और दूसरा अमीनो एसिड मान लो यहां पे आप शो कर रहे हो। तो जो वर्टिकल हाइट, अब इनमें देखो एक पूरे टर्न की हाइट अगर फिक्स थी तो एक रेजिड्यू अमीनो एसिड रेजिड्यू, देखो एक अमीनो एसिड रेजिड्यू यहाँ पे है, दूसरा अमीनो एसिड रेजिड्यू यहाँ पे, तीसरा अमीनो एसिड रेजिड्यू यहाँ पे है, तो ये अमीनो एसिड रेजिड्यू टू है, ये अमीनो एसिड रेजिड्यू थ्री है, तो इनके दो अमीनो एसिड के बीच में भी तो एक वर्टिकल हाइट है कि नहीं है? ऐसे वर्टिकल हाइट होंगे ना अमीनो एसिड रेजिड्यू के बीच में, लाइक दिस वन। तो अमीनो एसिड के बीच में जो वर्टिकल हाइट है इसी हाइट को बोलते हैं एक्सियल हाइट। क्या बोला जाता है? एक्सियल हाइट। और इसी एक्सियल हाइट को दूसरे शब्दों में बोला जाता है राइज पर रेजिड्यू। एक रेजिड्यू से कितना राइज हो रहा है, कितना ऊपर जा रहा है, सो दैट इज नोन एज राइज पर
रेसिड्यू। और इसी को किस फॉर्म से डिनोट करते हैं, डेल्टा जेड से। कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा जेड से। और ये मैं जो हेलिक्स बता रहा हूं ना, ये हेलिक्स ऐसा ही डीएनए में भी है, सेम कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो भी तो हेलिकल स्ट्रक्चर है, वो भी तो ऐसे एक टर्न बनाएगा, वैसे भी उसकी भी तो एक पिच वैल्यू होगी, उसकी भी तो एक राइज वहां पे अमीनो एसिड की जगह बेस पेयर होगा, दैट द ओनली डिफरेंस। वहां पे एक स्ट्रैंड की जगह दो स्ट्रैंड्स होंगे, यही तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में आता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट वहां भी एग्जैक्टली कॉमन होगा, वहां पे भी ये राइज और ये जो नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न, जो आप वहां पे नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ अमीनो एसिड पर टर्न करेंगे, तो एक टर्न की जो हाइट है वो है पिच, और उस टर्न में जितने भी बेस पेयर अमीनो एसिड होंगे उनकी वर्टिकल हाइट है राइज पर रेसिड्यू। सो नाउ यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन वन टर्न और नंबर ऑफ बेस पेयर इन वन टर्न। एक टर्न की हाइट, जैसे सिंपल शब्दों की बात करें, अगर एक टर्न की हाइट है पी, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे जो है अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं, एक हाइट की वजह से जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो है डेल्टा जेड, तो क्या नंबर ऑफ अमीनो एसिड नहीं पता चल जाएगा? जैसे एक सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास एक कॉलम है, इस कॉलम की हाइट है एच या एल, ठीक है, इसमें ऐसे छोटे छोटे जो सीढ़ियां लगी हुई है, एक सीढ़ी की हाइट है मान लेते हैं कि एच, तो मैं नहीं बता सकता कि कितनी सीढ़ी इसमें लगेगी, बता सकता हूं ना, टोटल हाइट में से एच कर देंगे तो मुझे नंबर ऑफ सीढ़ियां पता चल जाएंगी, सिंपल, यस और नो। तो ये टोटल जो एक हेलिक्स की हाइट है वो है डेल्टा, वो है पी, और अगर जो एक्सियल हाइट है वो है आपका जेड, डेल्टा जेड या जेड, तो वी कैन सिंपली से दैट कि पी बाई डेल्टा जेड अगर कर दे तो यही हो जाएगा नंबर ऑफ अमीनो एसिड पर टर्न, एक टर्न में कितना आएगा। अब इंटरेस्टिंगली ये जो पिच की वैल्यू होती है हर हेलिक्स के लिए अलग अलग है, कोई थोड़ा खिंचा हुआ है, कोई थोड़ा कॉम्प्रेस्ड है, तो इस हिसाब से अगर देखोगे तो आपके, मैं अल्फा हेलिक्स की बात करता हूं, इसमें ये जो वैल्यू है ये है 5.4, हर हेलिक्स में ये जो पिच की वैल्यू है ये 0.2 जो है वो वैरी कर रहा है, जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड की जब बात करते हैं वो नजदीक बन रहा है तो ये देखो घटता हुआ चला जा रहा है, पहले डेल्टा में 6.2 होता है इस पिच की वैल्यू, मतलब थोड़ा सा खींचा हुआ है, जैसे थोड़ा सा गामा में दो एंगस्ट्रॉम कम हो गया, ठीक है, जैसे ही थोड़ा सा और बीटा में आएंगे दो एंगस्ट्रॉम और कम हो गया, ठीक है, जैसे ही अल्फा में और देखो फिर थोड़ा सा और कम हो गया, और फिर उसके बाद थोड़ा सा और कम हो गया, इसी में बस आप सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस देख, तो इस तरीके से 0.2 या 0.4 के आसपास का गैप है, और जो अल्फा में ये वैल्यू है पिच की 5.4 है, एंड जो राइज पर रेसिड्यू है वो 1.5 एंगस्ट्रॉम है, तो कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ अमीनो एसिड, 5.4 बाई 1.5 कैलकुलेट करके देखो और बताओ कितना आ रहा है, बताओ जरा सा, 5.4 डिवाइड बाई 1.5 3.6, दैट्स द नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन वन टर्न, यस और नो। और यही सभी के लिए होगा, आप जरा सा ध्यान दो कि जो ये बीटा टर्न है इसमें 3 अमीनो एसिड पर टर्न है, 5.8 को 1.93 से डिवाइड करो कितना आएगा 3, आप यहां पे देखो तो 5.2 को 1.8 से डिवाइड करो 4.4, ये जो कहानी आपके केसेस बन रही है। अब आप बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट देख रहे हैं कि नंबर ऑफ जो एक टर्न में कितने अमीनो एसिड्स हो रहे हैं, अब यहाँ पे अमीनो एसिड सिर्फ एक भी नहीं हो पा रहा है, डेल्टा इसलिए पॉसिबल नहीं होता, गामा में दो अमीनो एसिड्स है सिर्फ एक टर्न कंप्लीट 2.2 के आसपास, बीटा में लगभग लगभग 3 है और अल्फा में लगभग 3.6 है और जो पाई है लगभग 4.4 है। इस पूरे हेलिक्स के लिए पूरे के पूरे इंटरनेट रिसर्च पेपर सब कुछ खंगाल लिया मैंने कि एक ऐसा डायग्राम मिल जाए जो इनके स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करके दिखा दे। जो मिल रहे थे डायग्राम वो सारे एनएमआर के स्ट्रक्चर्स थे, मतलब आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि वो क्या हो रहा है, पीडीबी वाले स्ट्रक्चर्स थे, जनरल स्ट्रक्चर्स थे ही नहीं, इसलिए अब मैं इनको जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं अपने हिसाब से डायग्राम बना के, ठीक है जनाब। चलिए तो हेलिक्स की बात कर लेते, जहां कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ठीक है, ऐसा कुछ कहानी होता है ना, तो वैसे जहां न पहुंचे स्टैंडर्ड बुक्स वहां तो मैं पहुंच ही जाऊंगा, जो चीज कहीं नहीं मिलेगी वो तो मैं बनाई दूंगा, वैसे तो कुछ है नहीं, सिर्फ कहानी है हेलिक्स की, और हेलिक्स की हाइट और चीजों के ऊपर थोड़ा सा डेटा याद रखोगे तो दिमाग में क्लियर रहेगा, ये समझने वाली बात है, ऐसा नहीं कि इससे क्वेश्चन बनेगा,
बनता जरूर है, अल्फा से तो जरूर बनेगा। और ये जो वैल्यूज है CUNH इससे तो हर मतलब इतना क्वेश्चन पूछा गया, अभी कराऊंगा तो आप कहोगे अरे सर यही से तो क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसके साथ इनको विजुलाइज करना जरूरी है जो मैंने आपको बताया, ये समझ जाओगे तो फिर शीट फिर टर्न आपके लिए हल्के लगेंगे, क्योंकि टर्न में भी यही कॉन्सेप्ट आता है। जब आप टर्न की बात करते हैं तो उसमें भी अल्फा टर्न, बीटा टर्न, गामा टर्न, पाई टर्न और डेल्टा टर्न होता है, और उसमें भी ये जो नॉमेनक्लेचर होता है इसी बेस पे होता है कि सी और एनएच का जो है पोजीशन क्या है। तो मैं वहां फिर नहीं बताऊंगा, फिर मैं आपको सिर्फ रेफरेंस दे दूंगा कि देखो ये वाला मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अभी जो टर्न हम करेंगे, और आज हम जो है पूरा प्रोटीन स्ट्रक्चर पढ़ने वाले, और मुझे तो पता है कि आप पूरी उम्मीद के साथ मेरे साथ लगे रहेंगे, है ना। अभी सर दर्द होने लगा क्या अभी से? ठीक है, तो डेल्टा के साथ जो पिच की वैल्यू थी थोड़ी थोड़ी घटती चली जा रही थी, तो मैं थोड़ा सा पिच को ऐसे कर लेता हूं। ये डेल्टा है, एक हेलिक्स की बात करो, एक टर्न शुरू हो यहां से हो रहा है, यहां पे खत्म हो रहा है, सिर्फ एक टर्न को शो किया जा रहा है। जो हेलिकल ऐसे फॉर्म है इसमें समझ लीजिए कि आप एक टर्न को थोड़ा सा एलाबरेट करके देख रहे हैं, एक टर्न है, ये थोड़ी सी कम कर देंगे तो लगभग क्या हो जाएगा आपके पास गामा, थोड़ा सा और कम कर देंगे तो बीटा, थोड़ा सा और कम कर देंगे तो अल्फा, और थोड़ा सा और कम कर दिया तो टर्न, समझ में आ रहा है ना। ये थोड़ा सा ज्यादा जैसे वेवलेंथ समझ लीजिए, वेव जैसा आप समझ सकते हैं। मैं ये वर्टिकल टर्न को जो इस तरीके से शो कर रहा हूं, अब यहां से यहां तक की जो हाइट आप मेंशन कर रहे थे, यहां से यहां तक की हाइट यही क्या थी? पिच थी। यही क्या थी जनाब? पिच। यहां से यहां तक की जो हाइट थी वही थी आपकी पिच। अब सभी के लिए पिच वैल्यू सेम थी कि अलग अलग थी? अलग अलग थी, ठीक है। तो अगर मैं ये डेल्टा शो कर रहा हूं, ये जो है गामा शो कर रहा हूँ, ये बीटा शो कर रहा हूँ, ये अल्फा शो कर रहा हूँ और पाई। वैसे भी डेल्टा का शो करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वो जनरली जो है एग्जिस्ट करता नहीं स्पेसिफिकली, बहुत रेयर कॉम्बिनेशन। तो मैं इन्हीं को शो कर रहा हूँ गामा से लेके बीटा, अल्फा और पाई के लिए, बाकी उसका भी वैसे ही चलेगा। अब जब इसकी बात करते हैं गामा में, तो पिच की वैल्यू कितनी थी अगर याद करो तो वैल्यू थी 6 एंगस्ट्रॉम थी ये। बीटा में कितना था? 5.8। अल्फा में वैल्यू, पिच की वैल्यू कितनी थी? 5.4। और पाई में कितना था ये? 5.2। ये हो गया कहानी। अब आगे बढ़ने से पहले इसमें अमीनो एसिड्स के नंबर कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला मैंने बताया था, पिच अपॉन डेल्टा जे, तो गामा में अगर दो नंबर याद हो तो इसको क्या बोलते हैं? 2.27 ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं 3.10, इसको बोलते हैं 3.613 और पाई को बोलते हैं 4.416। अब मुझे बताओ जरा दोस्तों कि इसमें गामा में जो अमीनो एसिड कितना है एक टर्न में? 2.2। बीटा में अमीनो एसिड कितना है? 3। अल्फा में कितना है? 3.6। और इसमें कितना है पाई में? अब आप बताओ कि ये कॉम्पैक्शन नहीं बढ़ता चला जा रहा है, मतलब आप सोचो कि बस इसका खुद पिच ज्यादा है पहले तो, उसके अलावा जो है अमीनो एसिड सिर्फ 2.2 है, मतलब लगभग एक अमीनो एसिड यहां पे होगा और दूसरा अमीनो एसिड यहां पे होगा, लगभग दो के करीब है, दो ही अमीनो एसिड है और ये एनसी अल्फा सी ऐसे चल रहा होगा, एक का सीओ और एक का एनएच होगा, कुछ इस तरीके से कहानी बनेगी। इसका कुछ ऐसे सीओ आप शो करोगे और इसके बीच में एक आगे चलेगा तो एक टर्न जब जाएगा तो NH जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, कुछ इस तरीके का केस बनाएगा। अब जरा सा इसको देखो, इसमें बीटा की जब कहानी बनती तो इसमें कितने अमीनो एसिड्स आते हैं? 3, मतलब लगभग लगभग एक अमीनो एसिड यहां पे होगा, एक अमीनो एसिड यहां पे होगा और एक अमीनो एसिड यहां पे होगा, है। अब इसके बाद जो है इसमें कितने अमीनो एसिड्स होंगे? 3.6 लगभग 4 की तरफ भाग रहा है, 3.5 से ज्यादा है। वैसे तो मैं 4 अमीनो एसिड शो करूंगा नहीं, लेकिन मैं लगभग इस तरीके से शो कर रहा हूं, एक का आधा हिस्सा शो कर रहा हूं कि वो कभी कभी हो सकता है, यस और नो? अरे बोलो भाई, ठीक है। यहां पे बात करते हैं, अब इसके ऊपर जब बात करोगे, ठीक है, तो ठीक है, इसमें कितना होगा? 4.4। तो अगर मैं एक अमीनो एसिड को यहां शो कर रहा हूं, दूसरे अमीनो एसिड को यहां शो किया, तीसरे अमीनो एसिड को यहां शो किया, फोर्थ को यहां शो किया और एक को यहां पे शो कर दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा अलग मैं ड्रॉ कर रहा हूं,
ठीक है, एक थ्री के लिए मैंने एक यहां शो किया, दो और थ्री यहां के आसपास है, और ये थोड़ा सा ऐसे शो कर दिया। पॉइंट अमीनो एसिड ऐसे काउंट नहीं होता, मैं उसको अभी बता रहा हूं, ठीक है, क्यों इस तरीके से चीजें जो है काउंट की जाती हैं, क्योंकि आप इसको जरा समझिएगा कि हाउ ये पॉइंट वाली अमीनो एसिड कैसे हो सकते हैं। तो आप इस जरा ध्यान दीजिए, तो एक जो कैलकुलेट करने वाले थे मैं उनको शो करूंगा, लीनियर स्पॉलिंग जो थे अल्फा हेलिक्स, अभी बताया नहीं मैंने। अब यहाँ पे जो है इस तरीके से देखोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ हेलिक्स कितने हैं, एक, ठीक है। अरे नंबर ऑफ टर्न बताओ ना, एक टर्न यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न दूसरा टर्न यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न थ्री, नंबर ऑफ टर्न फोर, फाइव, ठीक है, सिक्स, सेवन, एट, ऐसे कर करके इन्होंने एक ऐसा प्रोटीन बनाया जिसके पास कितने, या ऐसा एक स्ट्रक्चर लिया एग्जांपल के तौर पे जिसके पास कितने टर्न थे, दस, कितने टर्न थे, टेन, और उस दस टर्न वाले हेलिक्स में नंबर ऑफ अमीनो एसिड कैलकुलेट किया, तो नंबर ऑफ अमीनो एसिड पाए कितने, 360। तो अगर एक 10 टर्न वाले हेलिक्स का अमीनो एसिड 360 है तो एक टर्न में कितना आएगा, 360/10, दैट इज 3.6। तो एक्चुअली में ये जो है 3.6 जो है वो एक टर्न के हिसाब से जरूर है, लेकिन जो कैलकुलेट किया जाता है वो, क्योंकि जो टर्न हो सकते हैं वो एक ही थोड़ी होता है, वो लगभग लगभग कई सारे हो सकते हैं, उसमें जो है एवरेज ले लिया गया है। तो ये जो वैल्यूज है आप एक टर्न से देखोगे तो कंफ्यूज करोगे, ठीक है ना। अरे तो 36 बोल दिया ना, तो हम 3060 अमीनो एसिड ले लो अब, ठीक है, मैंने 36 ले, 360 ज्यादा ले लिया था, 36 मान लो, है ना, मैं डेटा मैंने ये तो एजम्पशन ही लेना था, तो ये जो है 36 ले लिया, 10 ले लिया, तो अब आपका 3.6 आ जाएगा, दैट यू गाइस आर राइट, ठीक है। तो ये एक टोटल हेलिक्स की बात की जाती है कि पूरे हेलिक्स में जितना होगा और जितना उसमें टर्न होगा उसको डिवाइड कर देंगे, काम कहानी हो जाएगी। अब सवाल यहाँ पे ये बनता है कि जो ये हेलिक्स आ रहे थे, अब देखो जरा सा, ये पहला अमीनो एसिड को अगर आई बोलोगे और ये फिर आई प्लस वन होगा और फिर ये क्या हो जाएगा, आई प्लस टू, इसका देखो सीओ इस आई प्लस टू के एनएच के साथ इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, इसमें देखो आई आई प्लस वन आई प्लस टू और ये क्या है आई प्लस थ्री, आई प्लस थ्री अगर बनेगा तो ये इसका सीओ इसके NH से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए तो ये क्या हो जाएगा बीटा, यही तो पढ़ रहे हो कब से। और यहां पे जो है ये देखोगे तो आपके पास I I प्लस वन I प्लस टू एक I प्लस थ्री आएगा और एक जो है I प्लस फोर आएगा, एक्चुअली में इसको थोड़ा सा और बेहतर बनाना चाहिए था। अब इसका CO इसके NH के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए तो ये क्या हो जाएगा अल्फा, ये देखो I I प्लस वन I प्लस टू आई प्लस थ्री आई प्लस फोर एंड आई प्लस इससे बनाएगा तो इसका CO इसके साथ इसके NH के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए तो फाइव, ठीक है। ये कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं जो मैंने यहां तक समझाने की कोशिश करी, ठीक है। आपने पिच की कंडीशंस भी देखी, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स की देखी, अब आप खुद बताओ कि जब दो ही तीन अमीनो एसिड तो इसमें जो नंबर ऑफ अमीनो एसिड का जो डेल्टा जेड है ऑब्वियस सी बात है कि वो इसके तुलना में ज्यादा ही होगा। देखो इसमें जो डेल्टा जेड होगा वो कम होगा क्योंकि इसमें कॉम्पैक्ट है, ये डेल्टा जेड बहुत छोटा होगा, ये बहुत कम होगा, अल्फा में थोड़ा सा बढ़ेगा, बीटा में थोड़ा और बढ़ेगा, गामा में और बढ़ेगा, डेल्टा में बहुत बढ़ जाएगा। यही तो टेबल था, यही तो पूरा गेम था, है ना। तो अगर याद आ रहा हो तो मैंने ये जो चीज शो करी थी, देखो अब आपके पास जो राइस पर रेजिड्यू है वो सबसे कम होता है आपके पाई में क्योंकि नंबर ऑफ अमीनो एसिड बहुत ज्यादा है इसमें, तो जो वर्टिकल गैप है बहुत कम है। और उसके बाद जो है फिर ये 1.5 हो जाता है अल्फा में, 1.9 हो जाता है लगभग बीटा में, 2.72 हो जाता है लगभग आपके गामा में, और 2.72 के आसपास होता है ये, 2.72 नहीं होगा लगभग कितना होगा इसको आपको कैलकुलेट करना रहेगा। ये वैल्यू कैलकुलेट करना, तो जरा सा कैसे कैलकुलेट करोगे, इस जो वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट करोगे क्योंकि P by Z में नंबर ऑफ अमीनो एसिड का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ अमीनो एसिड 0.6 है, तो उस हिसाब से सॉल्व करना तो ये वैल्यू आ जाएगी जो प्रैक्टिकली थोड़ा सा फिजिबल नहीं है। कितना आएगा, 5.7, ठीक है, देख लेना जो भी ये वैल्यूज आ जाए, यहाँ पे एक वैल्यूज आपकी रहेंगी दैट इसके लिए कैलकुलेट कर लेना, यहाँ पे पुट करके ये P की वैल्यू 6.2 रखोगे,
नंबर ऑफ अमीनो एसिड से डिवाइड करोगे तो डेल्टा जेड की वैल्यू आ जाएगी। डेल्टा बहुत अनकॉमन है, इसलिए वरी करना नहीं कि डेल्टा अगर अनकॉमन है तो मैं एकदम परेशान हो कि अरे सर जो है इसका तो बहुत इलॉजिकल आ रहा है, क्योंकि मैंने बस आपको समझाया है सारे हेलिक्स को लेते हुए। ये रही हेलिक्स की बेसिक चीजें जो आपके दिमाग में आई, आया या नहीं आया जी। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट यहां पे आता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कैन फॉर्म अ हेलिक्स, एक हेलिक्स कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। अब ये इसी के हाइड्रोजन बॉन्ड के पैटर्न पे निर्भर करता है। अगर अल्फा हेलिक्स होगा तो उसके लिए जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है N-4, जो बीटा हेलिक्स होता है उसके लिए होता है N-3, और जो पाई होगा उसके लिए होगा N-5। अब ये क्यों? क्योंकि आपको पता है अल्फा हेलिक्स में तीन आप चार इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि आई से आई का CO जो है चार अमीनो एसिड बाद हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो आई वाला जो है आई प्लस किससे बनाएगा, फोर से। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना, मैं अल्फा के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन आप बाकी के साथ समझ जाएंगे। लेट्स डिस्कस की नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड अल्फा में कितने बनेंगे। इट इज वेरी सिंपल, ठीक है, अल्फा हेलिक्स की बात करते हैं जो सबसे मोस्ट कॉमन है। तो अल्फा हेलिक्स में या कोई भी हेलिक्स में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा, यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट आता है। 2022 में इसी से क्वेश्चन आया था कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितना कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं सिंपल सा एक हेलिक्स शो कर दे रहा हूं, ठीक है, तो इस तरीके से हेलिक्स को शो कर दिया। अब इस हेलिक्स की बात करते हैं तो आपको पता है कि अगर मैं इस तरीके से शो कर रहा हूं, यहां से मान लेते हैं कि पहला अमीनो एसिड ये आई है, I+1, I+2, I+3 and I+4, ठीक है, या इस I+4 को ऐसे सोचते हैं, फिर ठीक है, अब ऐसे करके चीजें चलती रहेंगी। मैं यहां पे एक सिंपल सा केस शो कर रहा हूं, अगर मैं इसको I बोलूंगा तो ये I प्लस क्या होगा, 1 होगा, और ये I+2, I+3 और ये I प्लस, इस I की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो इस I की जब बात करते हैं तो I का जो CO है इस I प्लस के NH के साथ क्या बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो I वाला किसके साथ बना रहा है, I+4 के साथ, ठीक, I वाले का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा I+4 के साथ होगा, उससे चार बाद में, है ना। अब I+1 वाला किसके साथ बनाएगा, इसका CO I+5 के साथ, क्योंकि उससे चार जोड़ोगे ना, अगर I से चार जोड़े तो अगर I+1 किसके साथ बनाएगा, I+2 वाला किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, I+3 वाला किसके साथ बनाएगा, ऐसे चलता चला जाएगा, है ना, ऊपर की तरफ चलते चले जाओगे, लेकिन जैसे लास्ट में पहुंचोगे, तो यहां पे जो है चार अमीनो एसिड कहीं पे भी बनाई नहीं पाएंगे, क्योंकि फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना हुआ है और यहां पहुंचे आप, तो ये इस, अगर मैं इस वाले अमीनो एसिड को आई मान के चलू और ये देखोगे I+1 है, ये I+2 है और I+3 है, इस आई को हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए यहां पे क्या चाहिए था, I+4, यही तो चाहिए ना, इस आई को हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए यहां पे चाहिए I+4, लेकिन वो है ही नहीं, अमीनो एसिड तो खत्म, तो ये वाला नहीं बना पाएगा, ये भी अपना नहीं बना पाएगा, I+1 के लिए नीचे चाहिए वो भी नहीं है, I+2 भी नहीं बना पाएगा, I+3 भी नहीं बना पाएगा, तो यहाँ पे टोटल कितने अमीनो एसिड हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, 4 अमीनो एसिड्स, लास्ट 4 अमीनो एसिड्स कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये लास्ट 4 अमीनो एसिड ही क्यों बचे, क्योंकि ऊपर से जो हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच का गैप था वो 4 का ही था, अगर वो 3 का होता तो लास्ट के 3 अमीनो एसिड बचते, अगर वो 5 का होता तो लास्ट के कितने अमीनो एसिड बचते, 5, ठीक है। तो ये अल्फा की कहानी थी, अगर अल्फा में लास्ट के, जब मैं अल्फा की बात करता हूं तो अल्फा में कितने लास्ट 4 अमीनो एसिड्स जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते, बीटा में कितने नहीं बना पाएंगे, लास्ट 3, और पाई में कितने नहीं बना पाएंगे, लास्ट 5, ठीक। तो अब ये 5 यही तो माइनस करोगे आप, नंबर ऑफ अमीनो एसिड में माइनस कर दोगे तो आ जाएगा। तो अगर अब मैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करूं तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड
इन द केस ऑफ अल्फा हेलिक्स दैट इज गोइंग टू बी द एन माइनस फोर, बीटा हेलिक्स में हो जाएगा एन माइनस थ्री, एंड पाई हेलिक्स में हो जाएगा एन माइनस फाइव, होगा कि नहीं होगा? वाई आई लाइक मैंने माइनस फोर माइनस थ्री माइनस फाइव क्यों किया है, इसका लॉजिक समझ में आ गया है? तो मुझे अब एक सिंपल सी चीज बताओ, अगर कोई एक प्रोटीन है या पेप्टाइड है वो कितने अमीनो एसिड का बना है, कितने अमीनो एसिड का बना है? 15 अमीनो एसिड का, वेयर एन इज द नंबर ऑफ अमीनो एसिड हियर। तो कैन यू टेल मी कि अगर ये अल्फा हेलिक्स बनाएगा तो उसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे? 11। बीटा बनाएगा तो कितने होंगे? 12 होंगे। और अगर पाई बनाएगा तो 10 हाइड्रोजन बॉन्ड। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ कुछ ये क्वेश्चन आ सकता है लिटरेचर में, आपको अगर कहीं कुछ एक्सप्लेनेशन मिलेगा भी तो वो सिर्फ अल्फा का मिलता है, लेकिन यू कैन प्रेडिक्ट द बीटा एज वेल एज पाई जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, तो कि कभी अगर बीटा से पूछ दे तो कभी वरी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें अल्फा वाला तो कम से कम ध्यान होना चाहिए एन माइनस फोर और क्यों है इसका लॉजिक मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का नंबर का फॉर्मूला जो लिखा हुआ था जो उसका लॉजिक है कुछ इस तरीके से आ गया। यहां तक हेलिक्स की बातें समझ में आई है कि नहीं आई है? ठीक है, तो ये कहानी हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं हेलिक्स के थोड़ा सा एडवांस्ड या सबसे मोस्ट कॉमन हेलिक्स के बारे में, दैट इज नोन एज अल्फा हेलिक्स। ऑल्दो देयर इज लाइक फाइव टाइप्स ऑफ हेलिक्स, अल्फा बीटा गामा डेल्टा पाई, बट उनमें से सबसे मोस्ट कॉमन जो है वो है अल्फा, दैट अल्फा हेलिक्स इज मोस्ट कॉमन। इसको जो है आइडेंटिफाई या डिस्कवर करने वाले, इसको आइडेंटिफाई और डिस्कवर करने वाले दो साइंटिस्ट थे, एक थे लीनस पॉलिंग और दूसरे थे रॉबर्ट कोरी। दोनों ही बड़े इंटरेस्टिंग थे और जो है उन्होंने ही अल्फा हेलिक्स के बारे में कुछ कुछ बातें करी थी, तो जरा ध्यान दीजिए। तो एक अल्फा हेलिकल कॉन्फॉर्मेशन यानी जो मोस्ट कॉमन हेलिकल कॉन्फॉर्मेशन था, दैट वॉज प्रपोज इन द 1950 में बाई द लीनस पॉलिंग एंड द रॉबर्ट कोरी, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बात करी। अल्फा हेलिक्सेस मस्ट हैव वन अमीनो एसिड कॉन्फ़िगरेशंस। वन अमीनो एसिड कॉन्फ़िगरेशंस का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आप मालिक की बात करते थे, कहीं मालिक याद आ रहा है? उसमें जो है इनकी प्रोपेंसिटी से कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड होता है, ये एक्चुअली लिंक्ड होता है इस स्टेटमेंट के साथ। द प्रोपेंसिटी शुड बी लाइक लाइकलीहुड ऑफ अमीनो एसिड जो है वो अल्फा हेलिक्स में होनी चाहिए, और वो अगर एक भी है तो उससे डिसाइड हो जाता है कई कई बार, लेकिन मैंने आपको 50-60% परसेंटेज बताया था। अगर पांच अमीनो एसिड के स्ट्रेच में तीन होने चाहिए आपके मालिक या ऐसे जो अल्फा हेलिक्स को बना सके, तो आप उसको क्या बोलेंगे, वो होगा आपका अल्फा हेलिक फोल्ड शुरू हो जाएगा वहां से, और तब तक होता रहेगा तब तक ही वहां पे अल्फा हेलिक्स का जो है कोई ब्रेकर ना आए, जैसे कि प्रोलिन और ग्लाइसिन। ठीक है, इस तरीके का केस। अब यह है हमारे लीनस पॉलिंग और ये है हमारे रॉबर्ट कोरी। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों जो है इन्होंने मिलकर पूरा तूफान मचाया था, जिसके बारे में आज एक सिलेबस बढ़ा हुआ है। और आप भी जो है ऐसे कुछ काम करिएगा, मैं भी आपकी फोटो लगाऊंगा, क्योंकि मेरा तो काम वही है। ठीक है, और आप बहुत जगहों पे चले जाएंगे, मैं तो टीचिंग करता ही चला जाऊंगा, क्योंकि टीचर एक पुल की तरह होता है, कईयों को मंदिर तक पहुंचा देता है लेकिन खुद वहीं का वहीं रहता है। तो लीनस पॉलिंग जो है वो काफी कट्टर किस्म के आदमी थे। ठीक है, कट्टर का मतलब ये था, वैसे भी साइंटिस्ट तो थोड़े से अजीबोगरीब होते भी हैं, और जो है कट्टर ये था कि ये नहीं चाहते थे कि अल्फा हेलिक्स जो है या जो हेलिकल कॉन्फर्मेशन दिया जाए उस बेसिक तौर पे उसका क्रेडिट और कोई, इनके साथ दो और लोग थे लेकिन उनका नाम नहीं आया, लेकिन पॉलिंग थोड़े चलाक थे, रॉबर्ट कोरी, तो उन्होंने थोड़ा सा इंटरेस्टिंगली अपना नाम भी इसमें इंक्लूड कर लिया था, क्योंकि वो 50% कह रहे थे अब हम कंट्रीब्यूट किए तो नाम तो चाहिए। और ये नाम का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत जगहों पे क्रेडिट लेने वाला जो है बहुत चलता रहता है ना, और कई तो मीम आपने देखा होगा, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए वाला है ना, बट यहाँ सबको क्रेडिट चाहिए होता है, पेपर्स पैटेंट या समथिंग एल्स। फिलहाल के तौर पर अब मैं हेलिक्स में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड आपको बता चुका हूँ, मैं दोबारा बताऊँ या आपकी इन्फॉर्मेशन क्लियर है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो किस तरीके से बन रहे हैं, क्लियर है ये चीज? अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड था इससे पहले हेलिक्स में आप शो कर रहे थे,
हाँ बोलो, क्लियर है ना। इस हेलिक्स में जो हम हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर रहे थे, अब इंटरेस्टिंगली मुझे एक बात बताओ, CONH, अब अगर ये आई होगा तो उसका I+4 इस तरीके से होगा, तो इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, अगर इस हेलिक्स का एक सेंट्रल एक्सिस हो तो उस एक्सिस के क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है कि परपेंडिकुलर हो रहा है? पैरेलल, ठीक है। कुछ लोग इतने जो है वो इंटरेस्टिंग है, मेरे ऊपर कटाक्ष मार रहे हैं। मैं जैसे आप कट्टर हैं सर, मैं कट्टर होता तो फिर क्लास में होते ही नहीं, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि एक घंटा हो गया। कुछ लोग सोच रहा होगा कि ब्रेक दे दो सर, तो मैंने ब्रेक थोड़ा सा दे दिया था, बट डोंट वरी अबाउट दैट। एक एजुकेटर कभी कट्टर हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर एक एजुकेटर कट्टर है तो फिर वो किसी को एक अनबायस्ड चीज बता ही नहीं सकता। मैं तो सिर्फ एक ही चीज की बात करता हूँ, दैट इज एजुकेशन को वैल्यू मिलनी चाहिए, बाकी मुझे और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। बाकी को मिले ना मिले मुझे नहीं लेना देना, एजुकेशन और जिसकी जितनी वर्थ हो, जिसकी जितनी जो है वैल्यू हो, उसको उतना मिलना चाहिए। दैट्स द सिंपल थिंग। अगर कोई मेहनत करता है, चाहे किसी कंपनी में आप काम करते हो और आपको काम आप कर रहे हो और आपको इज्जत नहीं मिलेगा तो आपको कैसा लगेगा? सीधी सी बात वही। और टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है जो सबके दिमाग को शेप करता है, लेकिन जिसकी इज्जत सबसे कम होती है सोसाइटी में, ठीक है। बट ये तो अलग बात है, बट मैं अपने लिए सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, और बाकी तो आप जो चाहे मेरे बारे में बोल सकते हैं, आपका तो मुंह है, जब चाहे टेप उखाड़िए, खोलिए, फिर चिपका लीजिए, ठीक है। मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं अब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी बन चुका हूँ। अब हेलिक्स के ऊपर वापस आते हैं, ये जरा सा हाइड्रोजन बॉन्ड देखो यहाँ पे, ये जो CONH में ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर मैं इसके इस हेलिक्स के बीच में ऐसे एक सेंट्रल एक्सिस डाल दूं, ठीक है, तो ये जो बॉन्ड बना है उस एक्सिस के परपेंडिकुलर है कि पैरेलल है? पैरेलल है। और यही आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं वो पैरेलल हाइड्रोजन बॉन्ड टू द एक्सिस या टू द अमीनो एसिड्स, टू द सेंट्रल एक्सिस। क्या बोला मैंने? सेंट्रल एक्सिस, मतलब जो उस हेलिक्स के सेंटर से जो पास किया गया एक्सिस है, उस एक्सिस के पैरेलल हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बन रहा है, ठीक है, उस सेंट्रल एक्सिस के पैरेलल बन रहा है, और वो आप देख भी रहे हैं। एक चीज और है कि इसमें CO ऊपर की तरफ होगा और NH नीचे की तरफ होगा, ऐसा ही कुछ केस आप शो करते, तो इसमें जो डायरेक्शन होगा, अरे ऊपर वाला CO होगा ना, ऐसे ही आप इस तरीके से तो चीजों को इस डायग्राम में ज्यादा जो है बुद्धि मत लगाना, ये उल्टा चला हुआ है। तो जब आपका CO होगा तो CO से उसके I+4 में ही तो NH वाले से बनाएगा, इसके नीचे वाला CO अगले नीचे के NH से बनाएगा, उसके नीचे का CO उसके, ऐसे ही तो चलेगा भाई कि नहीं चलेगा? अरे हाँ या नहीं? तो ये जो NH चल रहा है, CONH जो चल रहा है, इसके नीचे वाला जो CO होगा वो और नीचे जाएगा NH, तो ये बॉन्ड जो है वो ऊपर से नीचे डायरेक्शनल है कि नॉट डायरेक्शनल है? डायरेक्शनल है, इसी के लिए इसको बोलते हैं डायरेक्शनल, क्योंकि सब CO और NH का डायरेक्शन नीचे की तरफ चलता चला जा रहा है। और मैं हाइड्रोजन बॉन्ड का नंबर भी फिक्स किया था कि सबसे लास्ट 4 बचेंगे अल्फा में, जब ऐसे बनता चला जाएगा, तो लास्ट 3 बचेंगे बीटा में, और लास्ट 5 बचेंगे पाई में, उसी के बेसिस पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मूला डेवलप। अब अल्फा हेलिक्स के दो सेंस शो किए जाते हैं, दैट स्क्रू सेंस। जैसे आप कभी जो है किसी स्क्रू को खोल बंद करना होता है तो आप क्लॉक वाइज उसको रोटेट करते हैं कि रोटेट होता चला जाए, और अगर उसको जो है खोलना हो तो आप उसको एंटी क्लॉक वाइज करते हैं। तो क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज स्क्रू सेंस पे जो है अल्फा हेलिक्स दो नेचर के होते हैं, राइट हैंडेड और द लेफ्ट हैंडेड। तो आप इस स्क्रू सेंस पे इस दो नेचर का जो है अल्फा हेलिक्स को शो कर सकते। अब इस दो अल्फा हेलिक्स में एक राइट हैंड थंब रूल का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कि विच हेलिक्स इज अल्फा एंड विच वन इज बीटा? तो व्हाट यू हैव टू डू, आप अपने राइट हैंड के थंब रूल का जो है वो केस लीजिए। अब राइट हैंड के थंब रूल में जो, क्योंकि अल्फा हेलिक्स जो भी बनेगा तो उसका एक एन और एक सी टर्मिनल होगा, क्योंकि ये पेप्टाइड ही है। तो अब एन टू सी जो है अपने थंब को उस डायरेक्शन में रखिए जिस तरफ से अल्फा हेलिक्स जैसे बन रहा है, ठीक है, और उसके बाद अपने उंगलियों को मोड़ने की कोशिश करिए। अब ये जैसे यहाँ पे देखेंगे तो हियर ये एग्जैक्टली इस तरीके का केस है। थंब को मैंने हेलिक्स के एन टू सी टर्मिनल डायरेक्शन में रखा, और जब जैसे ही मैं यहाँ पे इस तरीके से कर रहा हूँ
तो हेलिक्स देखो ऐसे जा रहा है लाइक दिस वन, और इस तरीके से हेलिक्स जा रहा है तो ये हेलिक्स राइट हैंड से मैच कर रहा है, तो ऐसे हेलिक्स को क्या बोलोगे, राइट हैंड हेलिक्स। ठीक, अब ये वाला हेलिक्स देखोगे तो ये राइट हैंड नहीं मैच कर रहा है, ये एक्चुअली में किस तरह से मैच कर रहा है, लेफ्ट हैंड। इसको देखो, ये इसका जो पैटर्न है फिंगर इस तरीके से हेलिक्स का डायरेक्शन, और ये ऐसे मुड़ रहा है, ये वाला जो पैटर्न है देखो इस तरीके से फिर ऐसे आ रहा है, इधर से इधर की तरफ आ रहा है, तो इस तरीके से जो है वो आपका है लेफ्ट हैंडेड। तो ये थंब रूल अप्लाई कर सकते हो राइट और हैंड का, तो इसको आप बोलते हैं राइट हैंडेड हेलिक्स या लेफ्ट हैंडेड, इट इज बेसिस ये जो है आपके स्क्रूसर्स को। अब आप चाहे जैसे भी कर सकते हो, बुड्ढी लगाओ, चाहे आप फ्लेमिंग का रूल अप्लाई करो, या आप जो है वो जैसा मैंने बताया क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज का रूल अप्लाई करो, या आप इसको थोड़ा लॉजिकली देखोगे तो ये देखो ऐसे जा रहा है इधर से इस तरीके से और ऐसे, तो कोई भी चीज अगर ऐसे जा रही है तो वो किधर की तरफ जा रही है, क्लॉक वाइज। ठीक है, और ये अगर कोई इधर से ऐसे जा रहा है तो वो किधर की तरफ भाग रहा है, एंटी क्लॉक वाइज। तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि कैसा पैटर्न उसका किधर भागने की कोशिश कर रहा है, क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती। तो अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी बात आ जाती है, एक डाउट आया है। एक तो ये बच्चा हमेशा ही परेशान रहता है हर क्लास में, सर थोड़ा कंफ्यूजन है, अगर हम वैल्यू के हिसाब से देखें तो 3.6 आर अमीनो एसिड्स आर इन्वॉल्व इन द हाइड्रोजन बॉन्ड, बट जब हम लॉजिकली देखते हैं तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्थ अमीनो एसिड के साथ बनता है। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली को काय कंपेयर कर रहे हैं, 3.6 अमीनो एसिड इन वन हेलिक्स है। ठीक है, लॉजिकली मोर अप्रोक्सीमेटली 4 के करीब जा रहा है, और यहाँ पे एक अमीनो एसिड का कुछ हिस्सा दूसरे में होता है और कुछ दूसरे में होता है, तो टर्न बनाने में जितना अमीनो एसिड है वो इन्वॉल्व है आपका 3.6। और जो टर्न बनाने की जब हम बात कर रहे हैं, तो इस टर्न के बाद जो आपके पास यहाँ पे अमीनो एसिड देखोगे तो तीन तो आ ही चुका है ना, चौथे अमीनो एसिड को 0.6 बोलोगे, तो अगर मैं यहां से बोलूंगा तो पहला अमीनो एसिड आई होगा, तो आई प्लस जो है 1 होगा, आई प्लस 2 होगा, और फिर आई प्लस 3 होगा, तीन अमीनो एसिड तो आई गया। अब ये चौथा वाला अमीनो एसिड आई प्लस 4 में ही तो जाएगा ना, 3.6 वाला 0.6 का जो पोर्शन इंक्लूड हो रहा है वो किसका हो रहा है, फोर्थ वाले का। तो अब इसके लिए जो है इसमें कंफ्यूजन कहां हो जा रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है। अब जब कभी कभी हम होता है कि जिंदगी को बहुत कठिनाइयों से ले लेते हैं, बट ऐसा नहीं है, 3.6 का मतलब है कि चौथा अमीनो एसिड यूज हो रहा है, और जब चौथा यूज हो रहा है तभी तो आप उसको आई प्लस 4 बोलोगे ना, 3 से कम होता तब आप बात कर रहे हो। और याद रखिए ये एक कॉन्फर्मेशन है 3 डायमेंशनल, सिर्फ आप एटम वाइज काउंट करोगे या सिर्फ अमीनो एसिड वाइज काउंट करोगे तो कंफ्यूज होने लगोगे। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि कैसे जो है वो हेलिक्स को निकाला जाता है, पिच और नंबर ऑफ अमीनो एसिड का जो एक्सियल हाइट है उसके रेशियो के बेसिस पे निकालिए, या तो 10 टर्न को काउंट कर लीजिए, 10 टर्न में कितने अमीनो एसिड आ रहे हैं उस अमीनो एसिड में 10 से डिवाइड कर दीजिए, वो आपका आ जाएगा। ये दो वे होते हैं, आप सिर्फ सीक्वेंस से जो है ऐसे अमीनो एसिड काउंट करेंगे तो आपको मैच नहीं होगा, क्योंकि वो एक कॉन्फर्मेशन कॉम्पैक्ट होता है, तो उस हिसाब से चीजें देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, और वो टॉपिक है प्रोपेंसिटी की। मैंने बताया था और ये चीज मैं डिस्कस कर चुका हूँ शुरू में भी, प्रोपेंसिटी मालिक वाली कहानी में बता चुका हूँ, हर एक अमीनो एसिड की, दैट ईच अमीनो एसिड हैज अ प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी का क्या मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी, कि हर अमीनो एसिड की जो है हेलिक्स में पाए जाने की प्रोपेंसिटी सेम होगी कि अलग अलग होगी, अलग अलग होगी। और ये किस बात पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है कि आर ग्रुप क्या है, आर मतलब साइड चेन क्या है, ये कहानी के ऊपर तात्पर्य है। इसके अलावा जो है एलिनीन के पास, दैट एलिनीन हैव द ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म अल्फा हेलिक्स, एलिनीन की प्रोपेंसिटी अल्फा हेलिक्स बनाने के लिए सबसे मैक्सिमम है, सबसे मैक्सिमम ग्रेटेस्ट। ठीक है, एलिनीन की मैं एक बार फिर बोल दे रहा हूं, ये लेनिंजर के जो है सबसे लेटेस्ट एडिशन में शो किया गया है, उनकी प्रोपेंसिटी की टेबल भी शो की गई है, जो मैंने टेबल नहीं रखा यहाँ पे, सिर्फ आपको कुछ बेसिक वैल्यूज बता दूंगा। प्रोपेंसिटी का मतलब क्या है, कि हर अमीनो एसिड को हेलिक्स शीट और टर्न में रख के चेक किया गया कि उसको डेल्टा जी यानी जो स्पॉन्टेनिटी है
किसकी कितनी है, किसकी पॉजिटिव है निगेटिव है उसके ऊपर। तो अमीनो एसिड के डेल्टा जी के बेसिस पे डिसाइड किया है, जिसका डेल्टा जी पॉजिटिव में बहुत ज्यादा होगा वो उतना ही नॉन स्पॉन्टेनियस होता है और उतना ही उसे एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो हेलिक्स या वो शीट या वो चीजें बनाने के लिए। जैसे प्रोलीन और ग्लाइसिन की जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा होती है, प्लस 7 किलो जूल पर मोल के आसपास होती है, ठीक है। तो 7 समथिंग होता है, मुझे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं, बट 7 के करीब होता है। तो अब 6 और 7 के करीब है, तो लगभग जो है वो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए वो हेलिक्स बनाते नहीं, इसलिए वो शीट नहीं बनाते, वो टर्न बनाते। तो यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज को शो किया हूँ और जिसके बारे में मैंने बात किया था, दैट ये जो वैल्यूज मैंने ब्रैकेट में मेंशन किया है ये एक्चुअली में फ्री एनर्जी है। एलिडीन की जो फ्री एनर्जी चेंज है वो है 0। मतलब आप सोच सकते हो कि एलिडीन हेलिक्स बनाने के लिए सबसे सुटेबल अमीनो एसिड है। अगर एलिडीन है तो हेलिक्स ताबड़तोड़ बना सकता है। साथ में उसके बाद है आर्जिनिन, फिर लाइसिन, फिर ल्यूसिन, फिर मेथियोनिन, और ये किलो जूल पर मोल में यूनिट है। और इसीलिए तो मैंने इसको एक शॉर्ट फॉर्म में बोला था MALEK और LERK भी बोला था, और ग्लूटामेट की जो है 1 से ज्यादा हो जाती है, बट स्टिल मैंने ये चीजें बोली थी। लेकिन ये जो वैल्यूज है इनकी वैल्यू सबसे कम है, देख रहे हो पॉइंट्स में है, और बिकॉज ऑफ दिस वैल्यूज ये जो है बना सकते हैं या इनकी प्रोपेंसिटी हाई होती है अल्फा हेलिक्स बनाने के लिए। यू नो नीड टू रिमेंबर ईच एंड एवरी डेल्टा जी वैल्यूज, आपको लॉजिकली एलेनिन का बस दिमाग में रखना है कि इसका जो प्रोपेंसिटी है वो मैक्सिमम क्यों होता है, क्योंकि उसकी जो ये वैल्यूज है डेल्टा जी वो 0 है, एंड अल्फा हेलिक्स बनाने के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत एफिशिएंट हो जाती है, ठीक है। साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज आता है, दैट इज द पोजीशन, एक इंपॉर्टेंट चीज आता है द पोजीशन ऑफ एन अमीनो एसिड रेसिड्यू रिलेटिव टू इट्स नेबर्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जो नेबरिंग अमीनो एसिड्स होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है एलेनिन होगा तो हेलिक्स बन जाएगा, अगल बगल कौन है, अगल बगल जो है उससे जो है मैटर करते हैं। याद रखिए आर्जिनिन हो चाहे लाइसिन हो चाहे ग्लूटामेट हो, ठीक है। अब ये जो होते हैं ये 1-2 हो तो चलेगा, लेकिन अगर नेबरिंग में यही ज्यादा प्रेजेंट हो जाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। समझिएगा इस चीज को जरा सा, कि अगर मैं एक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड को शो कर रहा हूं और सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड में अगर यहाँ पे भी ग्लूटामेट है, यहाँ पे भी ग्लूटामेट है, यहाँ पे भी ग्लूटामेट, अगर 2-3 ग्लूटामेट एक सीक्वेंस में आ गए तो इसके आर ग्रुप में भी एक नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड है, इसके आर ग्रुप में भी नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड, इसके आर ग्रुप में भी नेगेटिवली चार्ज। अगर नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड आपस में अट्रैक्शन शो करेंगे कि रिपल्सन शो करेंगे, और अगर ये रिपल्सन शो करेंगे तो मुझे बताइए कि क्या ये हेलिक्स बनाने की टेंडेंसी रखेगा कि हेलिक्स बनाने की टेंडेंसी नहीं रखेगा, नहीं रखेगा, तो डू नॉट फॉर्म हेलिक्स। तो ये चीज ध्यान रहे कि सिर्फ और सिर्फ एलिनिन मैटर नहीं कर रहा है, नेबरिंग अमीनो एसिड क्या है, और खासकर ये जो चार्ज्ड वाले हैं यही हिस्सा आर्जिनिन के साथ है। अगर आर्जिनिन जनरली इसकी देखोगे तो एलिनिन के बाद जो सेकेंड प्रोबेबिलिटी है वो आर्जिनिन का है प्रोपेंसिटी हेलिक्स बनाने के लिए, लेकिन आर्जिनिन भी अगर सिक्वेंस में 3-4 आ जाएंगे तो फिर जो आर ग्रुप है सिक्वेंस में पॉजिटिव हो जाएगा, और सिक्वेंस में पॉजिटिव हो जाएगा तो रिपेल करेगा। तो इसलिए द प्रोपोर्शन शुड बी लाइक दैट कि अल्टरनेट हो, या 2-2, 3-3 के बाद हो, या जो चार ग्रुप I+4 की बात करी थी उनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो थोड़ा सा सही हो, वो रिपेल ना करे। तो इसलिए नेबरिंग अमीनो एसिड्स का कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वही चीज यहां शो की गई थी, इफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन हैज लॉन्ग ब्लॉक ऑफ ग्लूटामेट रेसिड्यू, अगर इसके पास एक लॉन्ग ब्लॉक ऑफ ग्लूटामेट रेसिड्यू आ जाएगा तो इसके साइड चेन क्या हो जाएंगे, जनरली नेगेटिव होंगे और 7 pH पे खुद को रिपेल करेंगे, और नेगेटिवली साइड चेन जो होंगे वो खुद को रिपेल करने लगेंगे, जिसकी वजह से हेलिक्स का फॉर्मेशन प्रिवेंट हो जाएगा। और ये इन तीनों के लिए है, खासकर ERK के लिए, ग्लूटामेट के लिए, आर्जिनिन के लिए, लाइसिन के लिए, क्योंकि तीनों चार्ज है। बाकी आपके पास जो है मेथियोनिन, एलिनिन और आपके पास जो है ल्यूसिन, ये लगभग जो है नॉन पोलर अमीनो एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं, एंड एलिनिन तो ल्यूसिन तो है ही। इसीलिए जब आप अल्फा हेलिक्स की बात करते हैं तो मोर ऑफ प्रेजेंस इन्हीं हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स का होता है, एंड आप जब ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर तो उसमें जो अल्फा हेलिक्स होता है वो हाइड्रोफोबिक क्यों होता है, बिकॉज उसमें माल MAL इनका प्रेजेंस काफी ज्यादा होता है। समझ में आ रही कुछ चीजें, यस और नो, ठीक है।
और यही सेम कॉन्सेप्ट इन सब चीजों के लिए था। अच्छा, प्रोलीन और ग्लाइसिन मैं पहले भी बता रखा हूं और अभी भी बोल रहा हूं कि प्रोलीन और ग्लाइसिन की प्रोपेंसिटी हेलिक्स बनाने के लिए सबसे ज्यादा होगी कि सबसे कम होगी? मिनिमम होगी। ऐसा क्यों होता है? देखो, किसी भी जो है चेन को हेलिक्स बनाने के लिए एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ टर्न की रिक्वायरमेंट होती है, फाई और साई की। ग्लाइसिन इतना फ्लेक्सिबल है कि वो हेलिक्स को ऐसे ऐसे कुछ भी बनाने लगता है, और प्रोलीन इतना रिजिड है कि उसको बनाने नहीं देता। तो एक अपने रिजिडिटी की वजह से नहीं बना पाता और एक अपनी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से नहीं बना पाता। ज्यादा फ्लेक्सिबल होना भी अच्छा नहीं है और ज्यादा रिजिड होना भी अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से हेलिक्स नहीं बना पाते। तो ये क्या केस था? प्रोपेंसिटी ऑफ अमीनो एसिड का। एक बार फिर से मैं बता दूं कि मैंने क्या बताया अभी तक। मैंने ये बोला कि भाई साहब, 22 के 22 अमीनो एसिड, सभी की जो प्रोपेंसिटी है, सभी की जो प्रोबेबिलिटी है, सभी की जो लाइकलीहुड है हेलिक्स बनाने की, सेम नहीं है। कुछ अमीनो एसिड की प्रोबेबिलिटी, प्रोपेंसिटी, लाइकलीहुड ज्यादा है और कुछ की कम है। ये इस बात पर निर्भर करती है कि उसके साइड चेन में उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो डेल्टा जी है, वो कैसा है। और उसके लिए मैंने जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोपेंसिटी शो करते हैं उसको शो किया है, और उनके डेल्टा जी की वैल्यू को भी शो किया है। अब इनमें भी ये जरूरी नहीं कि सब सीक्वेंस में एलेडिन एलेडिन हो, या सीक्वेंस में ईई हो, या सीक्वेंस में आरआर हो। इस वजह से तो फिर हेलिक्स बनने की जगह बिगड़ने लगेगा, क्योंकि जो नेबरिंग अमीनो एसिड्स है उनका आर ग्रुप का इंट्रैक्शन कैसा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर रिपेल करने लगेंगे आर ग्रुप्स तो हेलिक्स बनने की जगह बिगड़ने लगेगा, प्रिवेंट होने लगेगा। सेकेंडली, प्रोलीन एंड ग्लाइसिन के डेल्टा जी की वैल्यू वेरी हाई होती है पॉजिटिव में, एंड बिकॉज ऑफ दिस दे हैव द लीस्ट प्रोपेंसिटी टू फॉर्म द हेलिक्स, और इसीलिए इन्हें हेलिक्स ब्रेकर बोला जाता है, ना कि हेलिक्स फॉर्मर बोला जाता है। यहां तक कहानी समझ में आई? ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शो किए गए हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में क्वेश्चन बन भी सकते कि स्टेबिलिटी ऑफ हेलिक्स किस बातों पर निर्भर करती है। सबसे पहला कि प्रोपेंसिटी ऑफ अमीनो एसिड क्या है, कौन से अमीनो एसिड से बना है। जितना एम ए एल ई के का प्रेजेंस ज्यादा होगा सही मैनर में, उतना ही हेलिक्स अच्छा बनेगा। इसके बाद जो आर ग्रुप का इंट्रैक्शन है वो कैसा है। अब पता लगा ग्लूटामेट 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 आर्जिनिन आर्जिनिन साइड साइड में हो गए तो भी दिक्कत है। एंड इसके बाद आर ग्रुप बल्कियर है या आर ग्रुप जो है वो छोटा है, बल्कियर होगा तो भी दिक्कत होगा, इसलिए ट्रिप्टोफैन का प्रेजेंस बहुत कम होता है। एंड फोर्थ पॉइंट, द अकरेंस ऑफ प्रोलीन एंड ग्लाइसिन। प्रोलीन और ग्लाइसिन का अकरेंस जितना कम हो सके उतना बेहतर है। ऐसा नहीं कि ग्लाइसिन और प्रोलीन नहीं हो सकते, हो सकते हैं, इक्का दुक्का हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा होगा तो वो जो है हेलिक्स को ब्रेक कर देंगे। एंड साथ में इंट्रैक्शन बिटवीन द अमीनो एसिड रेजिड्यू एट द एंड ऑफ हेलिकल सेगमेंट एंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल इनहेरिट द अल्फा हेलिक्स। अब ये डाइपोल कहां से क्रिएट हुआ? ऐसे एक तरफ एन टर्मिनल होगा तो अमीनो टर्मिनस होगा, एक तरफ सी टर्मिनल होगा तो नेगेटिव होगा, और इसमें चार्जेस होंगे, और जिसकी वजह से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कुछ इस तरीके का डाइपोल ही तो बना रहा है। पूरा का पूरा हेलिक्स के दो टर्मिनल्स हो गए ना, दो पोल्स हो गए, एक अमीनो टर्मिनस पोल पॉजिटिव, कार्बोक्सी टर्मिनस पोल नेगेटिव। तो ऐसे पोल को क्या बोलोगे? दिस हेलिक्स इज बिहेव या दिस हेलिक्स बिहेव्स लाइक डाइपोल। डाइपोल का मतलब दो एंड, यस और नो? ठीक है, कुछ नई चीजें पढ़ रहे हो कि सारी पुरानी चीजें पढ़ रहे हो? नहीं, कोई बोल रहा वही पुरानी बात है, ठीक है। तो हेलिक्स में अब दोबारा बताऊं कि आप हाइड्रोजन बॉन्ड पैटर्न एटम सब समझ गए हो कि कैसे ये चीज हो रही है, ठीक है। अगर आई है, आई से लेके जो है एनएच वाले से बन रहा है तो कितने एटम काउंट हो रहे हैं, समझे हो कि बताना पड़ेगा। यहां से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, ठीक है, ये सारी चीजें हो रही थी। एंड इस पूरे केस में अगर लॉजिकली देखो, वैसे तो ये सभी अमीनो एसिड के लिए वैरी नहीं करेगा, मतलब अप्लाई नहीं होगा, लेकिन अगर देखोगे तो एक अमीनो एसिड पूरा, दूसरा अमीनो एसिड पूरा, तीसरा अमीनो एसिड पूरा, तीन अमीनो एसिड हैं, एक हिस्सा इस अमीनो एसिड का, एक हिस्सा इस अमीनो एसिड का, तो लगभग ये 3.6 प्रोपोर्शन नहीं दिख रहा है। थ्री अमीनो एसिड एंड सम प्रोपोर्शन ऑफ दिस वन, 30% इसका, 30% इसका, यानी 0.6 जो है आप इसको मेंशन करेंगे 30-30। यही चीज बाकी के साथ होगा। जब आप इधर देखोगे, आप बीटा के लिए 310 के लिए, तो ये 310 यहाँ पे आएगा, तो उस हिसाब से देखोगे तो आपके पास लगभग दो अमीनो एसिड ये बनेंगे और 60%। तो लेकिन ये अब 2.6 आप नहीं बोलते, 3 बोलते, तो अब ये हेलिक्स के टर्न के बेसिस पे होता है कि कितना गैप बन रहा है।
तो ये ऐसे लॉजिकली देखोगे तो लगेगा कि हाँ भाई ये तो ऐसे ही चलेगा, लेकिन हेलिक्स में प्रेजेंस कैसा है, उसके जो है डेल्टा जेड कैसे है, ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और वो सब मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अल्फा हेलिक्स कैसा है, ये सब अब बच्चों वाले इंफॉर्मेशन से। अल्फा हेलिक्स एक रिजिड स्ट्रक्चर है, हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसका स्क्रू सेंस राइट हैंडेड भी हो सकता है और एज वेल एज लेफ्ट हैंडेड भी हो सकता है। अच्छा, मोस्ट कॉमन कौन है? राइट हैंडेड। अगर कुछ ना दिया हो तो क्या मान के चलोगे? राइट हैंडेड। अच्छा, फाई और साई वैल्यू याद है कुछ राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड के लिए? राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स के लिए फाई की वैल्यू कितनी थी? -57 और साई की वैल्यू। व्हाट अबाउट लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स? ये वैल्यू दिमाग में होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। राइट हैंडेड फेवरेबल ड्यू टू द लेस स्टेरिक क्लासेस। राइट हैंडेड ज्यादा फेवरेबल होता है क्योंकि इसका जो आर्किटेक्चर है राइट हैंडेड का, इस तरीके से बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि उसमें स्टेरिक क्लासेस या स्टेरिक हिंडर्स कम होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस इज मोर फेवरेबल और मोर स्टेबल से आप बोल सकते हैं। एंड ज्यादातर मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स में जो अल्फा हेलिक्स पाए जाते हैं, दे आर मोस्टली राइट हैंडेड। और अल्फा हेलिक्स का जो है 3.6 रेजिड्यू पर टन होगा, जो मैं बता चुका हूँ। इसमें इसका जो पिच लेंथ है, पिच लेंथ का मतलब दैट योर आपके जो है एक टर्न की हाइट, ये है 0.54 नैनोमीटर, और अगर एंगस्ट्रॉम में से करोगे तो 5.4 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। एंड ईच रेजिड्यू राइजेस, यानी राइज पर रेजिड्यू, और द एक्सियल हाइट दैट इज 1.5 एंगस्ट्रॉम, और इसीलिए इसको 3.613 बोलते हैं। ऐसा बता चुका हूं ना, यस और नो? अरे सब पढ़ चुके। तो अब जो अल्फा हेलिक्स बनता है, जो बनना शुरू होता है, जैसे जहां से एलिनीन या जहां से MALEK का प्रेजेंस ज्यादा है वहां से अल्फा हेलिक्स शुरू हुआ, और क्या शुरू होते होते पूरा का पूरा प्रोटीन अल्फा हेलिक्स बन जाता है? ऐसा तो है नहीं। तो एक टिपिकल रेंज होता है कि कितने अमीनो एसिड अल्फा हेलिक्स में हो सकते हैं। टिपिकल वो रेंज जो शो किया जाता है वो लगभग 10 से 15 शो किया जाता है। कितने टिपिकली हो सकते हैं? 10 to 15, लेकिन ऐसा नहीं कि 15 से ज्यादा नहीं हो सकते। आप अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन होता है उसमें 17 से 22 आप शो करते हैं, ठीक है, और ऑन एन एवरेज 20 अमीनो एसिड शो करते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैंने अगर 10 से 15 लिख दिया तो हर जगह, टिपिकली का मतलब मोस्टली, ठीक है, नॉट ऑलवेज। और आप एक चीज मान लीजिए कि चाहे कोई भी साइंस हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, चाहे कोई भी बोल रहा हो, उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 99 तक हो सकती है, 100 कभी नहीं हो सकती। देयर इज अ स्टैटिस्टिकल कॉन्फ्रेंसेस जिसके हम बोलते हैं कि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वो 99% सही है कि 95 है, उसमें आप एरर का चांस लगाते हैं, प्लस वो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस की कॉन्सेप्ट आती है। तो बायोलॉजी में जो कुछ भी पेपर लिखा जाता है उसमें स्टैटिस्टिक्स को हमेशा डेटा को स्टैटिस्टिक इवेल्युएट किया जाता है, और उसमें बोला जाता है कि मैं कितने परसेंट बात ये सही बोल रहा हूं, ठीक है। तो आप ऐसे को कभी भी ऑलवेज जैसा टर्म मत पढ़िएगा, ऑलवेज बहुत रेयर होता है साइंस में, बायोलॉजी में, ठीक है, मोस्टली की बात है। अब इसके बाद जो है इसका एवरेज लेंथ अगर देखा जाए तो 10 रेजिड्यू का होता है, मतलब जनरली 10 अमीनो एसिड खींच के हेलिक्स बना। अगर इस तरीके से हेलिक्स जो बन रहा है तो आप बता सकते कि अगर मैं 15-20 अमीनो एसिड, 30 अमीनो एसिड, व्हाट एवर आई एम सेइंग दैट, हम नंबर ऑफ टर्न को भी तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कर सकते कि नहीं कर सकते? अगर एक कोई भी, समझिए, अगर एक कोई भी अमीनो एसिड जो है वो, या कोई भी आप प्लाज्मा, अच्छा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही ले लो, दूसरा क्यों, कोई भी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़े हो क्या कभी? अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ इस तरीके से ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिक्स जो प्रोटीन्स होते हैं ऐसे एन और सी टर्मिनल, ये रीजन कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक रीजन होता है कि नहीं होता? अब ये हाइड्रोफोबिक रीजन क्यों होता है, इसके लिए पीछे अभी मैंने शो किया, क्योंकि ज्यादातर अल्फा हेलिक्स जो बनता है उसमें MAL का प्रेजेंस ज्यादा है। अब ये हाइड्रोफोबिक रीजन तो तैयार हो रहा है, और ऐसा नहीं कि और कोई अमीनो एसिड हो ही नहीं सकते, ठीक है, और जब ये हो सकता है तो अब इसका जो हाइड्रोफोबिक रीजन है कि अमीनो एसिड कितना शो करते हो, 20 अमीनो एसिड कितना शो करते हो भाई, एक अमीनो एसिड से कितना राइज होता है,
1 point. Yes, that rise per residue कितना होता है? Rise per residue is 1.5. अगर एक अमीनो एसिड से 1.5 एंगस्ट्रॉम हो रहा है तो इस हाइड्रोफोबिक रीजन का हाइट कितना होगा? 20 into 1.5 एंगस्ट्रॉम, that is going to be 30 एंगस्ट्रॉम. अरे पढ़ते हो यही ना, जो 75 एंगस्ट्रॉम में पढ़ते हो उसमें यही तो होता है 30 एंगस्ट्रॉम, है ना? और लगभग लगभग जो है इधर और इधर इस तरीके से आप शो करते हैं, कुछ पोलर रीजन होते हैं. पढ़े हो कि नहीं, सब भूल जा रहे हो, ठीक है? अब ये चीज आप बता रहे हो. अब इसमें हेलिक्स के कितने टर्न्स हो गए वो भी बता सकते हो आप. टर्न्स मतलब कितनी बार घुमाओगा. अगर एक टर्न के लिए कितने अमीनो एसिड चाहिए होते हैं? वन टर्न के लिए अल्फा हेलिक्स के लिए 3.6 अमीनो एसिड चाहिए होते हैं. 25 अमीनो एसिड में नहीं बता सकते. या इसको अगर मैं यूनिटरी मेथड से बोलूं तो 1 अमीनो एसिड कैन फॉर्म 1/3.6 टर्न. 1 अमीनो एसिड में इतने हैं तो 20 अमीनो एसिड में कितने होंगे? 20/3.6 दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5.5 टर्न. यानी जो अल्फा हेलिक्स होगा उसमें कितने टर्न हो सकते हैं? लगभग 5 या 5.5. और ये लगभग मैंने 500 किया हुआ है. कुछ दिख रहा है? लॉजिकली एवी नहीं बना सकते कोई भी चीज, उसके पीछे कुछ लॉजिक होता है. और क्यों होता है वो लॉजिक आप सब ठीक है. अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है. तो लेकिन टिपिकली 10-15 रेजिड्यू से काम बन जाता है और 3-4 जो टर्न से हेलिक्स बन जाते हैं. यानी कि 10-12 टर्न हो सकता है. इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा 3-4 या 5 ही हो, 10 टर्न भी हो सकते हैं डिपेंडिंग की कैसा पैटर्न चल रहा है. लेकिन ये टिपिकली मतलब मोस्टली बात होती है. इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं जो इनको स्टेबलाइज करते हैं वो उसी चेन में बनते हैं कि किसी और दूसरे चेन के साथ बनते हैं? तो इसको क्या बोलोगे, इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्ड या इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड? इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड बोलोगे. क्या बोलोगे? इंट्रा चेन. इंट्रा चेन का मतलब होता है विद इन चेन. इसको क्या बोलते हैं? विद इन चेन. जब अगर चेन एक ही चेन में हाइड्रोजन बॉन्ड बने तो आप उसको बोलते हैं विद इन चेन इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है? नाउ एंड यहां पे जो CO और NH का पोजीशन है, CO ग्रुप और NH का पोजीशन कितने रेजिड्यूज अहेड होते हैं? 4. और ये मैं बता चुका हूं कि CO को अगर आप I बोलोगे तो NH क्या होना चाहिए? मैंने ये बॉन्ड का डायरेक्शन फिक्स किया है कि NH I हो जाएगा और CO I प्लस 4 हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है क्या? नहीं होता है. डायरेक्शन फिक्स है, आपका CO I होगा और NH I प्लस 4 होगा. NH को I और CO को I प्लस 4 मत कर देना. कई बार ऑप्शन में ऐसे घुमाता है आपको देखे तो कुछ लोग ऑप्ट मार के चले जाते हैं, मेरा तो 4 नंबर मिल गया और बाद में पता चलता है कि 4 नंबर गयो, 1 नंबर और एक्स्ट्रा लेके गए, ठीक है? तो स्टेटमेंट्स को क्लियरली पढ़ना. नाउ इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड जो है एक्सिस से कैसा था? परपेंडिकुलर की पैरेलल? पैरेलल था. और ऐसे केसेस में जो साइड चेन होते हैं मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड के वो किस तरफ निकले रहते हैं हेलिक्स के? आउटवर्ड, बाहर की तरफ, ठीक है? एक्सेप्ट कौन है? ये प्रोलिन का साइड चेन निकलने लायक है? ये तो खुद साइक्लिक है. क्या निकलेगा इसका साइड चेन? सीधी सी बात है, ठीक है? तो ये सारे के सारे केस आप इस तरीके से हेलिक्स को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं. अब इस हेलिक्स में ये जो आप देख पा रहे हो यहां से लेके यहां तक का जो टर्न ये है, यही इसको क्या बोलते हो? पिच, ठीक है? एक अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड के बीच की हाइट क्या होती है? एक्सियल हाइट. इसी से टर्न का पूरा कॉन्सेप्ट जो है चलता है. देखो जरा सा, मैं हेलिक्स बता ही चुका हूं, यहां पे भी वही चीज है. तो जब आप इस पे देखते हो तो आप यहां पे देखिए, जहां से टर्न यहां से शुरू हो रहा है यहां पे खत्म हो रहा है, तो ये है आपके 0.54 नैनोमीटर या 5.4 एंगस्ट्रॉम. दिस इज योर पिच, दैट हाइट ऑफ द वन टर्न. एंड ये जो वैल्यू है एक अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड के बीच की जो वर्टिकल हाइट है इसको क्या बोलते हैं? दैट राइज, ये होता है 1.5 एंगस्ट्रॉम. और अगर मुझे इस टर्न में नंबर ऑफ अमीनो एसिड निकालना हो तो ये जो है क्या हो जाएगा? पिच को बोलते हैं पी और राइज पर रेजिड्यू को बोलते हैं जेड. तो P by delta Z हो जाएगा.
दैट इज गोइंग टू द 5.4 डिवाइडेड बाई 1.5, ऊपर बिंग स्टोन है नीचे बिंग स्टोन है, दैट इज 3.6 होगा कि नहीं होगा जनाब? ठीक है, ये केस बन जाएगा। और यही चीज आपको ऐसे भी शो की गई, देखो ये उसी हेलिक्स के अलग अलग केसेस को मेंशन किया गया है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो एक जो है ये पिच है आपके पास 5.4 एंगस्ट्रॉम, 3.6 ये एक पिच है, इसके बाद दूसरा फिर तीसरा फिर फोर्थ फिर फाइव, ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स आपको पता चल जाएंगे। दिस इज वन टर्न, सेकेंड टर्न, थर्ड टर्न, फोर्थ टर्न एंड फिफ्थ टर्न, ये नंबर ऑफ टर्न पता चल गया। अच्छा, इस पूरे लेंथ की इतना जो है इसमें अगर 3.6 एक टर्न में है तो चार फिर पांच टर्न में कितने अमीनो एसिड्स होंगे? अगर एक टर्न में 3.6 है तो कैलकुलेट करके बताओ 3.6 इंटू 5 कितना आ रहा है? 18। यहां से यहां तक कितना आएगा? 18 रेजिड्यूज आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? एक रेजिड्यू से कितनी हाइट बढ़ रही थी? 1.18 से कितना बढ़ेगा? 18 अगर है तो इसकी हाइट कितनी होगी इस हेलिक्स से? 1.5 × 18 कितना आ रहा है? 27 आएगा, ठीक है, 27 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना। तो क्या ये हेलिक्स का, उसकी हाइट का, नंबर ऑफ टर्न का, एक्सियल हाइट, पिच, हाइड्रोजन बॉन्ड, I+4, CO, NH, ये सब इंफॉर्मेशन क्लियर है राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड या अभी भी कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो, मैं थोड़ा देर रुका हुआ हूं, कोई बता दूंगा, क्योंकि अल्फा हेलिक्स से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसके बाद मैं बीटा और पाई वाला थोड़ा सा बेसिक डिस्कस करूंगा। रोना तो नहीं आ रहा है ना? स्टेबिलिटी, डाइपोल, डाइपोल एक देखो, जब भी कोई पेप्टाइड होता तो उसके पास एक एन टर्मिनल होगा और क्या होगा? सी टर्मिनल होगा। एन टर्मिनल का नेचर कैसा शो करते हो? पॉजिटिव, और सी टर्मिनल का नेगेटिव। तो ये एक एंड पॉजिटिव होगा और एक एंड नेगेटिव, तो दोनों पोल, एक एक पोल का मतलब एंड होता है, तो एक पोल अलग चार्ज का, दूसरा पोल अलग चार्ज का, तो दो पोल क्रिएट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? इसी को क्या बोलोगे? डाइपोल। डाइपोल का स्टेबिलिटी से ज्यादा लेना देना नहीं है, डाइपोल को बस बताने का है कि वो क्रिएट करता है, और जितना ज्यादा जो है डाइपोल क्रिएट होंगे, मतलब इस तरीके से बनते रहेंगे, जितने पॉजिटिव निगेटिव बनते रहेंगे, क्योंकि बीच में भी कई कई आर ग्रुप में भी चार्जेस होते हैं, लेकिन जो डाइपोल है वो इसी दोनों से ज्यादा सिग्निफाई होता है, जितना ये बनता रहेगा उतना ज्यादा, क्योंकि आयनिक इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगी, लेकिन वो 3D वाले कॉन्सेप्ट में चला जाएगा। डाइपोल का स्टेबिलिटी से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता, ये ध्यान रहे, थोड़ा बहुत जो है कंट्रीब्यूशन करते। चलो, कोई बोल रहा है कि बाय द वे सर मुझे रोज कंफ्यूजन नहीं होता। अरे बेटा, मैं सब क्लासेस देखता हूँ, और कौन किसको कितनी कंफ्यूजन होता है कहो तो मैं एग्जांपल के साथ जो है वो मेरे से मत खेला करो यार, मैं कोई बोलता हूँ ना, चलो मैं अब अगली बार टोक दिया करूंगा, एग्जाम्पल भी बता दिया करूंगा कहाँ पे कौन किसका होता है। 2 घंटा होता है किसी क्लास में तो जैसे ही सब टाइप करने लगते हैं, सर मैम, मेरे तो नहीं बोल पाते मैम, बस अब नहीं सीखना है ना, बच्चे इतने इंटरेस्टिंग होते हैं तो सब चीजें होती, बट चलो आगे देखने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट और राइट किस बेसिस पे होता है अल्फा? अरे अभी तो बताया, उसके जो है हेलिक्स का टर्न कैसा है, क्लॉक वाइज में जा रहा है कि एंटी क्लॉक वाइज? जो है ये थंब आपको बता रहे ना, राइट हैंडेड अगर जा रहा है इस तरीके से आगे की ऐसे घूम रहा है तो राइट हैंडेड, और लेफ्ट वाला फिर ऐसे करके देखोगे तो ये किस बेसिस पे होता है? उसके स्क्रू सेंस पे होता है, कैसे वो हेलिक्स घूम रहा है। ठीक है सर, आप टेलीग्राम पे आंसर क्यों नहीं करते प्लीज टेल? मेरे से ज्यादा भी कोई आंसर करता है क्या टेलीग्राम पे भाई? देख रहे बच्चों का क्या मतलब, क्या बोलू मैं बोल भी नहीं सकता कि क्या फूक के बैठे रहते हैं। ठीक है, नहीं तो कहेंगे कि सर ऐसी बातें कर, मेरे से ज्यादा कोई रिप्लाई नहीं करता है टेलीग्राम पे। ठीक है, चाहे किसी भी बात की हो तो वो चीजें हैं, बट ठीक है, जितना हो सकता है उतना मैं कर देता हूँ। और अब आप हर क्वेश्चन पे डाउट पूछोगे तो मैं कुछ पे जानबूझ के नहीं करता हूँ, इवन मैं दूसरों के क्वेश्चन, जैसे अब सेल बायोलॉजी पूछ रहा है, कोई और पूछ रहा है, जो मुझे आता है मैं उसका जवाब दे देता हूँ। ठीक है, लेकिन अब आप ये सोच रहे हो कि जो है मैं हर डाउट टेलीग्राम पे लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि और भी काम करने रहते हैं,
कंटेंट्स को मॉडिफाई करना है, ऐड करना है, बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में। आप जितना पढ़ाना आसान है, कंटेंट बनाना बहुत डिफिकल्ट है। और एक बार मैंने ये चीज रिक्वेस्ट भी करी थी, मतलब ऐसे कंसर्न उठाया था कि हमारे कुछ प्यारे जो है रहे हैं स्टूडेंट्स, जिन्होंने हमारे कंटेंट को डायरेक्टली उठा के पढ़ाना, ए टू जेड चेंज नहीं करते। अगर गलती से मैंने थ्री हेलिक्स को जो है पाई हेलिक्स लिख दिया है, तो वही वो पूरा स्लाइड स्नैप करके पढ़ा डालते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पहले प्लेटफॉर्म पे कहीं जुड़े हुए थे, वहां से पीडीएफ ले लिया था। अब मैं उसी पे बोलता हूँ कि ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, लेकिन लोग बोलते हैं क्या करोगे सर, अब इसके लिए भी हमसे रोकोगे, ये वो फलाना ढिंगाना। बट दिस इज जो बनाता है, अगर खुद एक दिन की पीपीटी को 30-40-50 जो भी स्लाइड आप पढ़ते हो, आप जैसा कंटेंट बनाया जाता है जितना रिसर्च करके, जितने जो बुक पढ़ के या चीजें पढ़ के वो बनाओगे बैठ के ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक कंटेंट बनाने के लिए मिनिमम अगर एक फ्रेश टीचर हो, एक फ्रेश बंदा हो, मैं तो चलो मुझे पता चल चुका है कहाँ पे क्या मिलेगा, लेकिन अगर कोई फ्रेश बना रहा है तो सिर्फ एक दिन का 30-40 स्लाइड का कंटेंट बनाने के लिए उसे कम से कम 6-8 घंटे लगेंगे, कम से कम। पढ़ना अलग दूर है, पढ़ाना अलग दूर है। ये मैं जनरली, जब आप कभी एक जेन्युइन टीचर बनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑफलाइन में ये चीजें नहीं होती, ऑफलाइन में कौन सा कंटेंट बनाना है, आओ व्हाइट बोर्ड पे कुछ भी लिखते हुए पढ़ाते हुए चले जाओ, बच्चे कमाने लिखे नहीं लिखे काम खत्म। यहाँ पे सबको पीडीएफ भी तो चाहिए होता है, ठीक है। कुछ लोग मुझे पता है कि ब्रेक के लिए यूज कर रहे हो कि सर ब्रेक ले लेते हैं, 1.5 घंटा हो गया है ना, आई कैन अंडरस्टैंड, 1.5 घंटे से ऊपर हो गया थोड़ा सा। लाइव पढ़ाना नहीं, लाइव रिकॉर्ड, मुझे तो लाइव ही मजा आता है, मैं रिकॉर्डिंग से बड़ा वो हो रहता हूँ। मुझे लगता है कि मैं क्योंकि इतना कैमरे के सामने ही पढ़ाया हूँ, ऑफलाइन भी पढ़ाया हूँ, लेकिन ऑफलाइन का अपना अलग मजा है। और मैं मोस्ट प्रोबेबली, अगर भगवान ने सब कुछ सही रखा और सब कुछ सही चली, तो मोस्ट प्रोबेबली अगले साइकिल या अगले मतलब अगले साल तक मैं ऑफलाइन ही जो है, ऑनलाइन चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन मुझे ऑफलाइन शुरू करना है। अभी थोड़ी सी हाथ तंगी है, समय की तंगी है, फाइनेंशियल आप जानते ही कि इतना तो है नहीं कि करोड़पति बैठे हुए, बट कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा मैं ऑफलाइन पढ़ाऊँ। वो अलग चीज़ है, क्योंकि मुझे वो चीज़ जो मैं डिलीवर करता हूँ वो अलग मजा आता है, और बाकी ऑनलाइन तो अपनी जगह पे है। लेकिन हाँ, ऑनलाइन पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट इसलिए ऑफलाइन की तुलना में, क्योंकि ऑफलाइन में लोग मुंह पे कुछ नहीं बोल पाते, जो बोलना होगा क्लास एंड होगी और एंड होने के बाद आपस में बोल पाएंगे, टीचर को नहीं कुछ बोल पाते कि पसंद आया नहीं पसंद आया, अच्छा लगा बुरा लगा, आपस में भले कुछ भी बिचिंग करते रहे कि अरे यार क्या पढ़ा के गया, कैसा पढ़ा के गया, बहुत एटीट्यूड था, बहुत ऐसी चीजें थी। ऑनलाइन के साथ सबसे बुरी चीज है, और फीमेल एजुकेटर के साथ और ज्यादा, क्योंकि कोई भी इतना नॉनसेंस वर्ड लिख देगा, इतना नॉनसेंस वर्ड कि उस एक वर्ड से आपके पूरे के पूरे दिन का टेम्परामेंट खराब हो सकता है। अगर कोई मेच्योर इनफ ना हो अपने मूड को रेगुलेट करने के लिए, तो फिर वो तो पढ़ाई नहीं पाएगा ढंग से, ठीक है। लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग कुछ भी एक लाइन बोल के चले जाएंगे, अब आप सोचते रहो, होता है मेरे साथ तो पहले, मैं भी थोड़ा वो था, मैं भी थोड़ा रिएक्टिव था, मतलब ऐसी बातों पे, क्योंकि थोड़ा पहले ही मैच्योर था, अब समझ में आया, ठीक है। तो कहते हैं कि कुछ चीजें सहनी होती है, कुछ चीजें कहनी होती है, और बहुत सारी चीजें नजरअंदाज करनी होती है अगर जिंदगी अच्छी जीनी है। तो नजरअंदाज करना जिसने सीख लिया, उस वो जिंदगी को और बेहतर जी पाएगा, बाकी तो कहनी और सुननी या सहनी लगी पड़ी रहती, ठीक है। हाँ बोलिए, हाँ डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा। मैं अभी पोलैरिटी और सॉल्युबिलिटी पे थोड़ा बात करूंगा फ्यूचर में, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक। कोई फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों है, सुनने में मैं आया कि प्लेटफॉर्म अच्छा खासा पैकेज देता, अच्छा कुछ लोग मजे ले रहे हैं। कुछ 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 के अंदर वो आंटी वाला कैरेक्टर, लड़के भी होते हैं ना तो पता है लड़कियों वाले कैरेक्टर लेके बैठे रहते हैं, इन्हें कुछ भी करवा लो, ठीक है ना। इन्हें अभी पढ़ा रहा था तो अभी कुछ बोलता कि सर बस करो हो गया, लेकिन जैसे आप कुछ भी, मैंने हर क्लास में देखा है कोई भी टीचर थोड़ा सा इधर उधर बातें कर ले, ठीक है ना, इन्हें ऐसा लगता है कि इनके अंदर की जो एकता है ना, कपूर नहीं बोलूंगा मैं,
नहीं तो वो डिफेमेशन का वो हो सकता है, लेकिन जो एकता है वो तुरंत जाग जाती है। ये अब उसमें चुगली करने के लिए इतना उत्साहित हो जाते हैं, इनके अंदर की जो आत्मा होती है झकझोर देती है कि अब तो मजा आएगा, चलो चुगली करते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर वो आ जाता है और लोग नाम नहीं ले रहा है और मुझसे बुलवाना चाह रहा है, और फिर इसका कहेगा कि ये क्लिप लेके जो है हम डाल देंगे कि देखो सर ऐसा बोल रहे थे। अच्छा खासा पैकेज के साथ अच्छी खासी जिम्मेदारियां भी होती हैं, ठीक है। एक सीधी सी बात है कि देयर इज लाइक टू डिफरेंट थिंग्स। एक मतलब इसको मैं अगर लॉजिकली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो जो जून में सबसे पहली बारिश होती है, चाहे जितनी भी झमाझम बारिश हो, लेकिन वो धरती की प्यास को नहीं बुझा पाती, क्योंकि धरती बहुत दिनों से सूखी हुई और तड़प रही होती है, ठीक है। लेकिन वही अगर बारिश अगस्त सितंबर के महीने में होती है तो थोड़ी ही बारिश जो है वो ऊपर पानी दिखने लगता है। लाइफ में एक्चुअली यही होता है कि कौन कितना अंदर सूखा पड़ा है। अगर एक पहले से फाइनेंशियली स्टेबल या जिसकी फैमिली में किसी इंसान की जरूरत नहीं हो, वो अगर 25-30 हजार भी दिल्ली में कमा के खुश है, क्योंकि उसे वो 30 हजार रुपए खुद कमाने हैं और खुद पे ही खर्च करना है, बहुत सो कॉल्ड अपनी बीवी या गर्लफ्रेंड होगी, ना उसे घर भेजना है ना उसे किसी और चीज की परवाह है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मेरी लाइफ बहुत अलग है, मैं बहुत अलग तरीके का इंसान हूँ और मैं इन जिम्मेदारी मेरे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत है, और कह सकते हो कि मैं बड़ा बेटा हूँ, मेरे से बड़ी 3 सिस्टर्स थी और पिताजी शायद उतने तरीके से एफिशिएंट उस टाइम पे, या उनकी अलग लाइफ रही है जो वो नहीं कर पाए, तो मुझे कहीं ना कहीं स्टेप लेना था और मैंने जिम्मेदारियां जब उठाई तो कब मैं जो है 18 साल से जो है आज लगभग 30-32 साल का हो गया पता ही नहीं चलता, पलंग झपकते जिंदगी बीत गई। तो जिनके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं उनके साथ समय अलग चलता है और वो काफी सूखे होते हैं, उनपे बारिश पैसों की होती है लेकिन पता नहीं चलती कहाँ गई, ठीक है। हाँ जी क्या बनाया था, एक बार फिर क्वेश्चन रिपीट करिए। वो 4 का ही होगा तभी तो अल्फा रहेगा ना, तभी तो फाई और साई एंगल इक्विवेलेंट रहेंगे, वो हम पूरे हेलिक्स भर 4 का रहेगा, ठीक है। ओके चलो ब्रेक हो गया, आगे बढ़े आप, ठीक है। ठीक है चला जाए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। जिसको खाना वाना लेना है लेके बैठ जाना, खाते रहना, पढ़ने की कोशिश करते, ठीक है। अब मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। देखो अब कोई भी, जब मैं शुरू में बोल चुका हूँ तो मैं कोई भी ऐसी फालतू की चीजें एंटरटेन नहीं करूंगा कि सर अब रहने दो, ये कर दो वो कर दो, चुपचाप मार के पढ़ते रहो। जिसको नहीं भी मन है आराम से बंद कर देना, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना आप जो है अपना। अब क्या करोगे, मैं 2 घंटे रुकूंगा फिर 9 बजे यहीं से शुरू करूंगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, एक बार ट्राई करते हैं वही मजा आएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। तो 310 हेलिक्स में पहले ही बता चुका हूँ कि 310 हेलिक्स है क्या, और 310 हेलिक्स के ऊपर जब बातचीत करी थी हमने तो मैंने बताया था कि एक बीटा हेलिक्स है। अब बीटा हेलिक्स में जो है 10 डोनर और एक्सेप्टर एटम्स के बीच की बात होती है, और डोनर और एक्सेप्टर बीच ये कैसे कैलकुलेट करना है ये मैं बता चुका हूँ आपको। इसके साथ ही इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो COI और NHI+3 का होता है, और इसमें हम मैंने सब कुछ बता रखा है, ऐसा नहीं कि कुछ नया बता रहा हूँ, सिर्फ उसका एक रिवीजन जैसा आप समझ सकते हैं। इसमें फाई और साई एंगल जो होता है वो -49 डिग्री और -26 डिग्री है। फाई एंड साई माइनस और माइनस ही है, और जब ये माइनस ही माइनस है तो मुझे बताओ कि ये रामाचंद्रन प्लॉट के किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। उसको अगर मैं नाम के हिसाब से बोलूं तो कौन सा आएगा, लोअर लेफ्ट में आएगा। लोअर लेफ्ट में जहां पे क्या था, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स या लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स फॉर विच अमीनो एसिड, एल टाइप और डी टाइप अमीनो एसिड, एल टाइप। ये दिमाग में होना चाहिए कि आप जो है एल टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स के लिए जो है लेफ्ट लोअर लेफ्ट में शो करे तो वहीं पे ये होता है, ठीक है। एंड द राइज
पर वन रेजिड्यू यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली कितने के बराबर होता है, लगभग 2 के बराबर होता है, 1.93 मैंने शो किया था, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.93, और जिसकी वजह से जो है आपको 310 हेलिक्स आपको देखने को मिलते हैं। याद रखिए 310 हेलिक्स डू अकर, यानी बीटा हेलिक्स नेचर में देखने को मिलता है, लेकिन दे आर नॉट वेरी लॉन्ग, बहुत लंबे नहीं होते, क्योंकि बहुत स्टेबल नहीं होते, एंड बिकॉज ऑफ दिस ये कभी कभी जो है दे आर समटाइम्स फाउंड एट द एंड ऑफ अल्फा हेलिक्स। अगर कोई अल्फा हेलिक्स बन रहा होता है उसके एंड पे कभी कभी बीटा हेलिक्स पाया जाता है, बिकॉज ऑफ द ओरिएंटेशन ऐसी चीजें हो सकती है। तो ये चीजें जो है बीटा हेलिक्स की कहानी थी, और शुरुआत में मैंने काफी कुछ चर्चा कर दिया था, और इसके बाद जो है एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट किया जाता है कि 310 हेलिक्स इज नैरोअर, थोड़ा सा नैरो होता है इन कंपैरिजन टू द अल्फा हेलिक्स, पतला होता है क्योंकि ये थोड़ा सा खींचा हुआ है, और जब भी कोई स्प्रिंग जब आप उसको कंप्रेस करते हैं तो उसका विड्थ बढ़ेगा, सीधी सी बात है, अगर आप ऐसे किसी चीज को कंप्रेस करें तो वो साइड से फैलेगा, और अगर उसको खींचेंगे तो साइड से घटेगा। तो स्प्रिंग को आप विजुलाइज करके देख सकते हैं कि अगर मैं ऐसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचूंगा तो ये इधर वाला जो हिस्सा होगा वो नैरो की तरफ बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी जो है वो हो सकती है। इसके बाद जब हम बात करने की कोशिश करें तो ये आपके पास 4.416 हेलिक्स, दैट इज अ पाई, इसमें जो सी और एनएच का जो कॉम्बिनेशन आप शो करते हैं वो आई और आई प्लस फाइव का शो करते हैं, एंड देयर आर 4.4 रेजिड्यूज, 4.4 रेजिड्यूज पर टन होते हैं, जिसमें 16 एटम्स आप शो करते हैं। इसके जो पिच की वैल्यू लगभग 5.06 एंगस्ट्रॉन के आसपास, 5.2 के आसपास है, ये पुराना डेटा है इसलिए इस तरीके से, और ये राइस पर रेजिड्यू की बात हो रही है। फाई और साई देखो -57 और -70, यानी ये भी कहां पाया जाएगा, लोअर लेफ्ट में, ठीक है, सभी वही रीजन में है जहां राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है, और इसीलिए ये चीज पाई जाती है। एंड पाई हेलिक्स इज मोर कॉम्पैक्ट, देखते थे ना इसमें नंबर ऑफ अमीनो एसिड ज्यादा था, तो ये मोर कॉम्पैक्ट होता है, ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है, मोर कॉन्डेंस्ड होता है, ज्यादा कॉम्पैक्ट, ज्यादा कॉन्डेंस्ड होता है। लेकिन याद रहे कि द हाइड्रोजन बॉन्ड इन इट हेलिक्स इट इज नॉट स्ट्रेट, ये ज्यादातर स्ट्रेट नहीं होता, उसमें साइड चेन जो है वो इंटरफियर करने लगता है, क्योंकि बहुत कॉम्पैक्ट होने की वजह से वो स्ट्रेट नहीं बन पाते, जैसा कि अल्फा हेलिक्स में आपने देखा था कि पैरेलल टू द एक्सिस स्ट्रेट बन रहा था, जो कि यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये कहानी आपके पास आ जाती है, और इसके बाद जरा सा एक इंटरेक्शन शो करने, ये देखो जरा क्वेश्चन बताओ जरा सा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पॉलीपेप्टाइड विद 80 अमीनो एसिड, अगर 80 अमीनो एसिड होगा तो लेंथ क्या होगा पॉलीपेप्टाइड का, क्या होगा, यू नो दैट कि ये अगर अल्फा हेलिक्स है एक हल जो है अमीनो एसिड रेजिड्यू जो बेसिक तौर पे कितना करता है 1.5 करता है, यही तो आप जानते हो, तो अगर 80 अमीनो एसिड होगा तो 80 into 1.5 दैट इज 120 एंगस्ट्रॉन, इस पूरे हेलिक्स का लेंथ कितना हो जाएगा 120, और मैंने 20 वाला आपको बता दिया था, 20 वाले के लिए कितना होगा 20 into 1.5 दैट इज 30, ठीक है। ये कहानी है, ये सारा किस्सा जो है अल्फा हेलिक्स का खत्म हो चुका है, अब हम चलने वाले हैं बीटा शीट के लिए। अब बीटा शीट के लिए मेरे पास स्प्रिंग अभी तो नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा पाता कि कैसा जो है वो विजुलाइज होगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड विद सम ऑफ द डायग्राम्स। अगर एक हेलिक्स ऐसा है नॉर्मल हेलिक्स, इसको अगर स्प्रिंग की तरह आप यहां से पकड़ के खींचो तो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस वन एक्सटेंडेड हेलिक्स, यस और नो, विजुलाइज कर पा रहे। तो बीटा शीट या बीटा प्लीटेड शीट आर नॉट द ओनली लीनियर स्ट्रक्चर, दे आर द एक्सटेंडेड हेलिक्स। अगर हेलिक्स को खींच दीजिए ना तो वही एक एक्सटेंडेड हेलिक्स हो जाता है, और एक्सटेंडेड हेलिक्स को ही बीटा स्ट्रैंड बोलते हैं। अब यहां पे दो टर्म हमेशा गड़बड़ होता है, गड़बड़ का मतलब लोग क्लियर नहीं रख पाते हैं एक बीटा स्ट्रैंड में और बीटा शीट में या प्लीटेड शीट में। बीटा स्ट्रैंड और बीटा शीट दोनों ही जो है वो अलग टर्म्स हैं। अलग टर्म्स इसलिए हैं क्योंकि स्ट्रैंड जो है वो सिंगल जो है वो एक, अगर बीटा स्ट्रैंड बन रहा है तो सिर्फ सिंगल अगर स्ट्रक्चर है बीटा का तो वो बीटा स्ट्रैंड कहलाता है, और मल्टीपल बीटा स्ट्रैंड्स या दो बीटा स्ट्रैंड्स आपस में कैसे अरेंज्ड है तो आप उसको बोलते हैं बीटा शीट।
और कई सारे बीटा सीट मिल जाए, मिनी बीटा सीट हो जाएगा, तो वो हो जाता है बीटा प्लीटेड सीट। क्या बोलते हैं उसको? बीटा प्लीटेड सीट। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर कोई एक बेसिक ऐसे हेलिक्स है, हेलिक्स को खींच दिया, ये देखो ये हेलिक्स है, हेलिक्स को अगर आपने एक्सटेंड कर दिया तो ऐसे को क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड हेलिक्स। क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड हेलिक्स। एक्सटेंडेड हेलिक्स को ही बोला जाता है बीटा स्ट्रैंड। क्या बोला जाएगा? बीटा स्ट्रैंड। ऐसे ही बीटा स्ट्रैंड जो है, अगर इनका एक एन टर्मिनल हो और एक सी टर्मिनल हो, अब दो बीटा स्ट्रैंड अगर दोनों का सी टर्मिनल एक तरफ हो और एन टर्मिनल दोनों का एक तरफ हो, तो ऐसे को बोलते हैं पैरेलल बीटा स्ट्रैंड या पैरेलल बीटा शीट हो जाएगा, पैरेलल बीटा शीट। और ऐसे ही अलग अलग सीट आपको नजर आए तो उसको क्या बोलते हैं? बीटा प्लीटेड सीट्स। तो ऐसे कहानी जो है वो आपको देखने को मिलती है। पैरेलल में सी टर्मिनल दोनों का सेम साइड होगा, और अगर ऐसा हो कि एक्सटेंडेड बीटा सीट जो आप देख रहे हैं उस केसेस में एक का सी टर्मिनल और दूसरे का एन टर्मिनल एक साइड हो, मतलब एन और सी टर्मिनल अपोजिट साइड में हो, तो ऐसे को क्या बोलोगे आप? एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल बीटा सीट। बीटा शीट कब बोलेंगे? जब दो स्ट्रैंड एक दूसरे से प्लीटेड फॉर्म में या पैरेलल फॉर्म में इस तरीके से अरेंज हो। और अगर स्ट्रैंड कब एक सिंगल के लिए बोलेंगे? शीट्स तब बोलेंगे जब दो स्ट्रैंड्स इस तरीके से और ये एक्सटेंडेड होते हैं। अच्छा, हेलिक्स में दो चीजों के बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पहला चीज कि हेलिक्स में जो पिच की वैल्यू थी वो कितनी थी? अल्फा हेलिक्स में 5.4 इंच स्ट्रांग, और जो डेल्टा जेड एक्सियल हाइट की वैल्यू कितनी थी? 1.5। अच्छा, जब इस हेलिक्स की पिच 5.4 थी, इसको जब खींचोगे तो पिच बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। और कितना बढ़ जाता है? बढ़ के 7 एंगस्ट्रॉम। कहां पहुंच गया? 7 एंगस्ट्रॉम पिच। और डेल्टा जेड कितना होता है भाई? 2 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 2 एंगस्ट्रॉम। डेल्टा जेड जो है 2 एंगस्ट्रॉम होता है। और अगर डेल्टा जेड 2 एंगस्ट्रॉम है तो एक बात बताओ कि यहां पे कितने अमीनो एसिड, सॉरी डेल्टा जेड होता 3.5, डेल्टा जेड 3.5, कितना मैंने बोला? 3.5 एंगस्ट्रॉम। अब बताओ कि यानी कि इसमें जो ये टर्न आप एक देख रहे हैं जिसकी पिच वैल्यू आपने 7 एंगस्ट्रॉम बोली, तो इसमें एक टर्न में कितने अमीनो एसिड होंगे? 2 होंगे। एग्जैक्टली, ये होगा 2 अमीनो एसिड। तो सीट या स्ट्रैंड इज नथिंग, इट इज जस्ट द एक्सटेंडेड हेलिक्स हैविंग द 2 अमीनो एसिड पर टर्न। ये गामा हेलिक्स के भी पीछे चला गया है, जो डेल्टा वाला केस था ना वैसा नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये कहानी है बीटा प्लीटेड की। 1951 में पॉलिंग एंड कोरी ने जो है बीटा कन्फर्मेशन के बारे में भी बात करी, 1950 में अल्फा हेलिक्स की बात करी, 1951 में जो है वो बीटा सीट की बात करी या बीटा कन्फर्मेशन की बात करी। दे आर द मोर एक्सटेंडेड कॉन्फर्मेशन ऑफ अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स के मोर एक्सटेंडेड कॉन्फर्मेशन है, यानी वी कैन सिंपली से दैट कि द पी वैल्यू इज गोइंग टू बी 7 एंगस्ट्रॉम, and that axial height delta z is going to be the 3.5 angstrom, and number of amino acid ya amino acid per term is 2। theek hai, ye kahani aa jayegi, and iska jo backbone hota hai wo extend kar diya jata hai। ab agar bahut zyada backbone ko extend kar doge to kya hydrogen bond main chain mein ban sakta hai kya? bahut mushkil hai। are bahut zyada kar diya apne 7 angstrom, to jo हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इंट्रा चेन पॉसिबल नहीं हो पाता, इस वजह से कैसा बनता है वहां पे? इंटर चेन बनेगा, है ना? इंटर चेन नहीं, इंटर सेगमेंट आप उसको बोलेंगे। क्यों इंटर चेन नहीं बोलेंगे अभी भी? क्योंकि बीटा सीट दो अलग अलग प्रोटीन का थोड़ी बन रहा है, ये ध्यान रखना। कई सारे लोग जो है फिर से कंफ्यूज हो गए यहीं पे, जो मैं सोचा था कि थोड़ा दिमाग में आएगा। फिर देखो, एक अमीनो एसिड का सीक्वेंस ऐसे है, बहुत बड़ा है। इस अमीनो एसिड में जो है कुछ अल्फा हेलिक्स बन रहे हैं, कुछ एक्सटेंडेड बीटा स्ट्रैंड बन रहे हैं,
फिर एक ऐसे इसका जो है एक्सटेंडेड बीटा सीट का कुछ और एक्सटेंडेड बना, फिर ऐसे करके जो है वो एक इस तरीके से जो है एक्सटेंडेड, फिर अल्फा हेलिक्स है, फिर ऐसे टर्न है, फिर अल्फा हेलिक्स है, लाइक दिस वन स्ट्रक्चर ऐसे बन रहे हैं। तो इसमें जो ये रीजन है ये अभी भी तो एक ही चेन है कि एक से ज्यादा चेन हो गया, सेम चेन है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा शो करोगे, इंटर चेन या इंट्रा चेन, इंट्रा चेन होता है, चेन तो वही है लेकिन सेगमेंट वही है कि अलग अलग सेगमेंट्स है, अलग अलग है, तो ये इंट्रा चेन जरूर है लेकिन इसको बोलते हैं इंटर सेगमेंट, क्योंकि दो अलग अलग स्ट्रैंड है, इसको आप दो अलग अलग, एक स्ट्रैंड अब दूसरा स्ट्रैंड पैरेलल है कि एंटी पैरेलल, इट डिपेंड्स, तो ये दो स्ट्रैंड्स के बीच में, या इसको बोलते हैं इंटर स्ट्रैंड बोल सकते हैं, दो स्ट्रैंड्स के बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अब देखें कि पैरेलल और एंटी पैरेलल, सिंगल बीटा स्ट्रैंड में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, इसीलिए बीटा स्ट्रैंड सिर्फ अकेले नहीं पाया जाता, वो सीड्स के फॉर्म में होते, ताकि इन दो स्ट्रैंड्स के बीच में क्या हो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो सके, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस बीटा स्ट्रैंड जो होने की जगह क्या मिलता है आपको, बीटा शीट मिलेगा, या बीटा प्लीटेड शीट बोलोगे आप उसको, तो ये आपको देखने को मिलता है। तो बीटा शीट आर मेड अप ऑफ मोर देन वन स्ट्रैंड और उनके बीच में इंटर स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड होगा या इंटर सेगमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, बट स्टिल दिस इज इंट्रा चेन, क्योंकि आप एक ही चेन की अभी बात कर रहे हैं, ठीक है, ये कहानी मुझे। तो अब बीटा प्लीटेड कॉन्फॉर्मेशन के ऊपर जब बात करते हैं, तो इसमें जो है बीटा प्लीटेड में कुछ अलाइन सेगमेंट्स होते हैं, हर सेगमेंट जो अलाइन सेगमेंट्स का हर सेगमेंट होता है वो बीटा स्ट्रैंड कहलाता है, और बीटा स्ट्रैंड एक फुल्ली एक्सटेंडेड फॉर्म है जिसमें डिस्टेंस 3.5 एंगस्ट्रॉम आपने शो किया था दो अमीनो एसिड्स के बीच का, और ये सब चीजें मैं शो कर चुका हूँ, जरा ध्यान दीजिए। तो ये स्ट्रक्चर जो है थोड़ा आपको क्लैरिटी देगा, ये स्ट्रक्चर में आप देखें तो साइड चेन कुछ ऐसा चल रहा है, या आप साइड व्यू के हिसाब से देखते हो तो साइड में कुछ ऐसा नजर आएगा। जब आप सिर्फ एक चेन की बात कर रहे हैं खींचे हुए एक चेन की, तो ये कहलाता है आपका बीटा स्ट्रैंड, लेकिन ऐसे ही एक जो स्ट्रैंड है उसके साथ एक दूसरा स्ट्रैंड ऐसे आ जाए, फिर तीसरा ऐसे आ जाए, ठीक है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ऐसे को क्या शो करते हैं आप, शीट। ये पैरेलल है कि एंटी पैरेलल है, अब मैंने एंटी पैरेलल क्यों शो किया, क्योंकि अगर इसका एन, इसका सी टर्मिनल इधर है तो एन टर्मिनल इधर से है, तो एन से इधर का सी है और ये एन इधर है, फिर अगर फिर एन इधर हो जा रहा है सी इधर, दिस इज समथिंग जो आप शो कर सकते, तो ये जो है वो आपके लिए कैसा अरेंजमेंट है, एन सी अपोजिट साइड में है, तो आप इसको क्या बोलोगे, एंटी पैरेलल। व्हाट अबाउट दिस वन, सभी के देखोगे तो सी टर्मिनल किस तरफ है, सेम साइड में, और एन टर्मिनल, तो ऐसे केसेस को, ऐसे प्लीटेड सीट को क्या बोलोगे आप, पैरेलल। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको देखने को नजर आएगा कि जब आप एक चेन की बात करते हैं तो आप उसको बोलते हैं कि वो बीटा स्ट्रैंडेड, व्हेन यू चेन नहीं बोल सकते, आप एक सेगमेंट की बात करते हैं, जब एक सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो वो सेगमेंट जो है वो आपका बीटा स्ट्रैंड कहलाता है, और ऐसे ही सेगमेंट जब पैरेलली अरेंज हो जाते हैं तो वो आपका हो जाता है पैरेलली या एंटी पैरेलली, वो होता है प्लीटेड शीट। अब इसमें जो है ये जो डॉट डॉट आप देख रहे हैं दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, कैन यू टेल मी कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये वाले रीजन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक एंगल पे बनते हुए नजर आ रहे हैं, या अगर मैं इस बेसिक तौर पे शो करूं कि ये आपका एक एक्सिस हो शीट का, प्लीटेड शीट का, उसके परपेंडिकुलर नजर आ रहे हैं, अगर ऐसे शीट है तो हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे बनता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है वो सीट से कैसा बन रहा है, परपेंडिकुलर या पैरेलल, परपेंडिकुलर बन रहा है, ठीक है। ये एंटी पैरेलल की बात करूं कि पैरेलल की बात करूं, और एंटी पैरेलल देखो परपेंडिकुलर, एग्जैक्टली स्ट्रेट बन रहा है एकदम, परपेंडिकुलर दूसरा बोल सकते हैं, स्ट्रेट बन रहा है, स्ट्रेट बन रहा है और वो भी परपेंडिकुलर। व्हाट अबाउट दिस पैरेलल वन, इसका जरा देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेट बन रहा है कि एट एन एंगल बन रहा है, देखो ये आप शो करोगे कि यहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड आप शो करते हो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड परपेंडिकुलर नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड एट एन एंगल, अभी एंगल कुछ भी हो सकता है लेकिन 90 तो नहीं होगा, ये बात समझ में आ रही, किसी एंगल पे 60 40 30 व्हाटएवर इट इज,
लेकिन इट शुड नॉट बी 90, क्योंकि 90 तब होगा जब ये एंटी पैरेलल अरेंजमेंट होता। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? आप पढ़ रहे कि नहीं, यहाँ पे इंक्लाइंड है, इसको बोलते हैं इंक्लाइंड हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इंक्लाइंड हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि ये इंक्लाइंड है। व्हाई इट इज इंक्लाइंड? व्हाई द एंटी पैरेलल इज परपेंडिकुलर और स्ट्रेट, ये इंक्लाइंड क्यों है? इसके लिए आपको थोड़ा सा एटॉमिक लेवल, यानी कि जो एनसी अल्फा सी लेवल पे चीजों को समझना पड़ेगा। तो वो उसका डायग्राम मैंने यहाँ पे शो किया है, इस चीज को देखो। तो मैं सबसे पहले ऊपर की तरफ एंटी पैरेलल को यहाँ पे रखने की कोशिश कर रहा हूँ। एंटी पैरेलल का देखिए, सी टर्मिनस इधर है और एन टर्मिनस इधर है, ये आप मेंशन कर रहे हैं। अब इसमें जब शो करते हैं तो ये एन टर्मिनस है, ये सी टर्मिनस। अब जब ये शो कर रहे हैं तो एन सी अल्फा इस तरीके का केस जो है बनेगा। अब इसको समझने के लिए मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ, तभी जो है वो आपको थोड़ा और क्लियर आएगा। कोई तो कहेगा अरे बना हुआ है बुक में तो थोड़ी हो जाता है, ठीक है, ऐसे थोड़ी कहते हैं। मैं कहा ठीक है भाई बना लेते हैं। मैं सबसे पहले एंटी पैरेलल की बात कर लेते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट द एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर, जब आप एंटी पैरेलल की बात करते हैं तो जरा ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि आपके पास शुरुआत करते हैं इधर से एन टर्मिनल से, तो ये हो जाएगा एन सी अल्फा सी, एक अमीनो एसिड। इसके बाद फिर आप शो करोगे एन, फिर सी अल्फा, फिर सी, फिर एन, फिर सी अल्फा, फिर सी, एन सी अल्फा सी, ऐसे चल रहा है। ये आपने शो कर दिया एन से लेके सी टर्मिनल। अब इसमें देखो आप सी ओ इधर शो कर रहे हो, इसके बाद एन एच यहाँ पे शो कर रहे हो, फिर इस तरीके से सी ओ आप यहाँ पे शो कर रहे हो, लाइक दिस वन, ठीक है। अब मैं इधर से जो है एन टर्मिनल की बात कर रहा हूँ, अगर एंटी पैरेलल है तो यहाँ पे देखोगे इसी सी के रिस्पेक्ट में मैंने लिखा एन, ठीक है, फिर आप शो करते हैं सी अल्फा, फिर आप शो करेंगे सी, फिर उसके बाद जो है एन सी अल्फा सी, फिर हो जाएगा एन, फिर हो जाएगा सी अल्फा, फिर हो जाएगा सी, फिर हो जाएगा एन सी अल्फा सी, और सी के साथ आप सी ओ शो करेंगे, एन के साथ एच शो करेंगे। कुछ इस तरीके से केस बन गया। अब अगर बड़ा इंटरेस्टिंगली आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा बहुत मुझे जो है चीजें अलग नजर आएंगी, अलग का मतलब थोड़ा साइड हो जाएगा क्योंकि मैंने मैन्युअली बनाया है, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से दो तो देखो ये ओ और एच कैसा नजर आ रहा है, इंक्लाइन नजर आ रहा है कि परपेंडिकुलर नजर आ रहा है? परपेंडिकुलर नजर आ रहा है। ये सी ओ एन एच देखो कैसे नजर आ रहे हैं लगभग, ये जो है सी ओ एन एच देखो, जितने भी यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं? परपेंडिकुलर। और ये एन टर्मिनल इधर था और सी टर्मिनल इधर था, इसलिए ऐसा बन रहा था। मुझे एक बात बताओ कि हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कब होता है? जब H के अलोंग ये एंगल कितना हो, 180 डिग्री। यानी यहां पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होगा, पहली बात तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पे जो बना एंटी पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन, आप इसको स्ट्रेट शो करोगे तो इंक्लाइन शो करोगे, स्ट्रेट शो करोगे, पैरेलल की परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहां पे जो एंगल है वो आपके O, H और N का ये 180 डिग्री होगा, और 180 डिग्री है तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा शो करोगे, स्ट्रॉन्गर या वीकर? स्ट्रॉन्गर शो करोगे। तो स्टेबिलिटी एंटी पैरेलल की हायर स्टेबल होगी या लो स्टेबल, लेस स्टेबल होगी? हायर स्टेबल होगी। ये किसकी कहानी थी एंटी पैरेलल की? मैं पैरेलल भी ड्रॉ कर देता हूं, चल मुझे क्या है, मुझे तो मजा आता है, पैरेलल ड्रॉ कर लो। अब पैरेलल जब ड्रॉ करोगे तो कहानी और क्लियर हो जाएगी। देखो मैं अगेन एन, फिर सी अल्फा सी, फिर उसके बाद आप शो करोगे एन सी अल्फा सी, फिर एन सी अल्फा सी, फिर एन, फिर सी अल्फा, फिर सी, क्या हो गया? अब मैं फिर से पैरेलल ही करना है, यानी देखोगे एन फिर सी अल्फा सी, एन सी अल्फा सी, एन सी अल्फा सी, एन C
सी अल्फा सी, ठीक है। अब मैं इस पैरेलल स्ट्रैंड की जब बात करता हूं तो मैं अगर शो करता हूं यहां पे, इसका अगर सीओ देखो ये आएगा और इसका एनएच देखो यहां पे आएगा, फिर इसी तरीके से आप अगर शो करो तो इसका सीओ यहां आएगा और इसका एनएच यहां पे। अभी जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है ये देखो ये कैसा बन रहा है, पैरेलल बन रहा है कि इंक्लाइन बन रहा है, ये थोड़ा सा मुझे नीचे रखना चाहिए था, मैंने बहुत करीब रख दिया इसलिए आपको ऐसा लग रहा है वो कि एक्सिस जैसा दिख रहा है, लेकिन अगर नीचे रखेंगे तो ये ऐसा बनता हुआ नजर आएगा, है ना। मैं एनएच को अगर ऊपर ना शो करूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मैं इसको सिर्फ एनएच ऐसे लिखूं तो ये देखो इंक्लाइन बन रहा है, ये देखो क्या बन रहा है, इंक्लाइन बन रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड आप कैसा शो करोगे, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्लाइन शो करोगे, इंक्लाइन का मतलब परपेंडिकुलर है कि एट एन एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा, लेस देन 90 डिग्री, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड के हाइड्रोजन के अलोंग जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा या लेस देन 180 डिग्री होगा, लेस देन 180। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड वीकर होगा कि स्ट्रॉन्गर होगा, वीकर होगा, तो पैरेलल ज्यादा स्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा या मोर स्टेबल होगा, लेस। इसीलिए आपको अगर मैं जैसे हेलिक्स में अल्फा हेलिक्स सबसे कॉमन था क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा थी, और उस अल्फा हेलिक्स में राइट हैंडेड सबसे ज्यादा स्टेबल था, सबसे ज्यादा कॉमन था, तो सीट में आप पैरेलल को ज्यादा शो करोगे या एंटी पैरेलल को, वाई एंटी पैरेलल, क्योंकि एंटी पैरेलल ज्यादा स्टेबल है, समझ में आ रही बात है। वही चीज यहाँ पे भी डायग्राम में शो की गई है। अब इस डायग्राम को देखोगे तो कहोगे कि हाँ ठीक है भाई समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे एंटी पैरेलल में ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे हैं, वो आपके परपेंडिकुलर या स्ट्रेट पूरा नजर आ रहा है, तो इसलिए ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। लेकिन इन द केस ऑफ योर पैरेलल यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बन रहे हैं, आपके एट एन एंगल बन रहे हैं, जिगजैग जैसा बन रहा है, इसलिए लेस स्टेबल हो जाएगा। तो ये रही आपकी कहानी किसकी, बीटा प्लीटेड शीट की। इसकी फाई और साई की वैल्यू कुछ याद है पैरेलल एंटी पैरेलल की, एंटी पैरेलल शीट के, एंटी पैरेलल शीट और पैरेलल शीट फाई और साई, फाई की वैल्यू नेगेटिव होती है दोनों में, एल अमीनो एसिड के लिए ये होगा -139 डिग्री और ये +135, और पैरेलल क्या होता है -119 डिग्री और ये होता है +113 डिग्री। ये पढ़े हुए हो कभी कि नहीं, उसका टेबल मैंने यहाँ पे शो भी किया हुआ है, ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, ठंडन पाल मदन गोपाल क्वेश्चन आ जाएगा, हो जाओगे बेहाल। अब आगे बढ़ने की कोशिश करें तो डोमेन के बाद एक टर्शियरी स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ये मोटिव के साथ ही मैंने डोमेन बता दिया, लेकिन जब कोई भी प्रोटीन होता है तो किसी भी प्रोटीन के जो फंक्शनल पार्ट होते हैं सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, अगर मैं थोड़ा सा इसको मेंशन करूं तो जो कुछ भी हम पढ़ रहे थे यहाँ पे, जैसे आपके पास कुछ हेलिक्स होंगे, कुछ जो है वो उस तरीके से सीट होंगे, या कुछ जो है वो टर्न या लूप होंगे। अब लूप है तो वो स्टेम लूप भी हो सकता है या जो है वो हेयर पिन लूप भी हो सकता है। ये सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स मिलके, ये सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स मिलके जो है वो क्या बनाते हैं जनाब, ये बनाते हैं आपके मोटिफ। क्या बनाएंगे, मोटिफ। अब ये मोटिफ जो है वो आपके हेलिक्स टर्न हेलिक्स भी हो सकते हैं, हेलिक्स लूप हेलिक्स भी हो सकते हैं, बीटा मिंडर भी हो सकते हैं, ठीक है, ग्रीक की भी हो सकते हैं, या आपके बीटा अल्फा बीटा जैसे भी हो सकते हैं। अब ऐसे बहुत सारे हेलिक्स मिलके क्या बनाएंगे, डोमेन। और ये डोमेन्स मिलके क्या बनाते हैं, पूरा का पूरा प्रोटीन। तो यानी अगर मैं किसी प्रोटीन की बात करता हूं तो कोई एक ऐसा प्रोटीन जो आपको नजर आता है ये कुछ ऐसे टर्मिनल्स में, तो इसमें क्या होता है कि ये जो छोटे छोटे रीजन आप शो कर रहे हैं, ये जो रीजन है ये क्या है, एक डोमेन है, ये क्या है, एक डोमेन है, ये क्या है, एक डोमेन है, अलग अलग डोमेन्स होते हैं ना, तो ऐसे ऐसे रीजन को आप क्या शो करते हैं, डोमेन्स, मल्टीपल डोमेन्स। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर्स को आप शो करते हैं डोमेन वन, इसको शो करेंगे डोमेन टू, अलग अलग डोमेन,
किसी में लिगेंड बाइंड कर रहा है, किसी में एटीपी बाइंड कर रहा है, किसी में न्यूक्लियोटाइड बाइंड कर रहा है, अलग अलग डोमेन्स हो सकते हैं, डोमेन वन, डोमेन टू, डोमेन थ्री, अलग अलग फंक्शंस के लिए हो सकते हैं, कोई आयन से बाइंड कर रहा है, कोई जो है किसी चीज से बाइंड कर रहा है, तो ये क्या है पूरा का पूरा एक जो है स्ट्रक्चर। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है, प्रोटीन फोल्डिंग बना है, इसमें सबसे बड़ा जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो आर ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट होता है। जब प्रोटीन के आर ग्रुप्स होते हैं, अब वो इंटरेक्ट करेंगे, किसी के पास आर ग्रुप के तौर पे OH है, किसी के पास भी OH है, तो ये आपस में क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। किसी के पास पॉजिटिवली चार्ज है और किसी के पास नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड ग्रुप से आर में, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन शो करेंगे। एक सिस्टीन है, दूसरा सिस्टीन है, तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड शो करेगा। उस तरीके से आर ग्रुप जो होते हैं उनमें जब इंट्रैक्शन होने लगता है तो ये पूरा टर्शियरी स्ट्रक्चर बनके तैयार होता है। एंड दिस टर्शियरी स्ट्रक्चर में सिर्फ मेन चेन में बॉन्डिंग नहीं शो होती, आर चेन में भी बॉन्डिंग आ जाती है, जिसको यहाँ पे शो किया गया। जरा ध्यान दो, अगर आपके पास जो है कहीं पे जैसे इस तरीके से देखो COOOH है और कहीं पे OH है, तो ये O और ये हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर रहे हैं। ये देखिए आपके पास जो है ल्यूसीन है, इधर ल्यूसीन है, तो ये दोनों जो रीजन है वो हाइड्रोफोबिक रीजन है, तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होगा। ऐसे जगहों पे जो इंटरेक्शन हो रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है। इसके बाद जो है बैकबोन में पेप्टाइड बॉन्ड तो चलेगा ही चलेगा, साथ में अगर दो थायोल ग्रुप या सिस्टीन है तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, डाइसल्फाइड। एंड किसी के पास जैसे पॉजिटिव ग्रुप है, नेगेटिव ग्रुप है, तो वो क्या होंगे, आयनिक बॉन्ड। और मैं क्या मेंशन करूं कि ये बाय डिफॉल्ट आपके माइंड में इंफॉर्मेशन क्लियर है कि वान डर वाल तो होगा ही होगा। मैंने ये बोला था ना, मोलर स्केल पे सबसे ज्यादा जो इंटरेक्शन लगता है वो कौन सा लगता है, मोलर स्केल पे वान डर वाल। और हाइड्रोजन बॉन्ड तो उसी का एग्जांपल है, वान डर वाल का ही। एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ परमानेंट डाइपोल डाइपोल है, यहाँ पे इंड्यूस होते हैं लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस जिसे बोला जाता है, याद आ रहा हो तो दीज काइंड ऑफ केसेस जो है ये सभी के सभी फोर्सेस आर ग्रुप में लग रहे हैं। तो नाउ द फोर्सेस जो है अब टर्शियरी स्ट्रक्चर में यहाँ पे शो किए जाते हैं। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर इज नथिंग, दे हैव द यूनिक 3D कॉन्फर्मेशन, इनमें 3-dimensional कॉन्फर्मेशन किसी प्रोटीन का देखने को मिलता है। और इस 3-dimensional कॉन्फर्मेशन में जो इंटरेक्शन होते हैं वो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में होते हैं या सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में हो सकते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में इंटरेक्शन के बाद ये कहानी बनती है, और इंटरेक्शन दे स्टेबलाइज द टर्शियरी स्ट्रक्चर्स। अब इंटरेक्शन के तौर पे कुछ इंटरेक्शन आपके हाइड्रोफोबिक हो सकते हैं, कुछ इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक है, कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड है, कुछ वान डर वाल है, और कुछ जो है वो आपके इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्योंकि अगर मैं सिंगल पॉलीपेप्टाइड की बात करता हूँ तो सिंगल पॉलीपेप्टाइड जो है वो उसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेगा। तो ये केसेस है। अब ये सारे इंट्रैक्शन जो है वो आर ग्रुप में आप शो कर रहे हैं, क्या मेन चेन में कोई बॉन्ड नहीं चल रहा होगा, बैकबोन में साइड बैकबोन में कोई बॉन्ड नहीं बन रहा होगा, वो तो होगा ही ना कि पेप्टाइड बॉन्ड फट जाएगा भाई, पेप्टाइड बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा। कोई भी प्रोटीन है उसमें जो COOH का बॉन्ड चलता है वो तो होगा ही होगा, और साथ में जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड बना था सिंगल अल्फा हेलिक्स या शीट बनाने में वो भी होगा। तो याद रहे कि इंट्रैक्शन जो है वो मेन चेन में भी हो सकता है और साइड चेन में भी हो सकता है, ऐसा नहीं मेन चेन का जो है वो हो चुका है, कहने का ये मतलब है मेन चेन में पेप्टाइड बॉन्ड पहले बन चुका है प्राइमरी स्ट्रक्चर में ही। सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड होगा तो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड के साथ मेन चेन में हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाए तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो जाएगा दोनों। अब आते हैं साइड चेन में, तो साइड चेन में अब इंटरेक्शन शुरू होता है टर्शियरी में, और साइड चेन में जो है सबसे पहला जो होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक के बाद जो होते हैं आयनिक हो जाएंगे, आयनिक के अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएंगे। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड साइड चेन में और ये मेन चेन में, हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हो गए, उसके अलावा जो है आपके लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस वान डर वाल हो गए, इस तरीके की चीजें हो जाती हैं। इन सभी में एक इकलौता ऐसा है डाइसल्फाइड बॉन्ड जो कोवेलेंट है, बाकी सभी नॉन कोवेलेंट होते हैं। कोवेलेंट इंटरेक्शन डाइसल्फाइड होता है, और मैं डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन आपको शो कर चुका हूं, चाहे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, उसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो, इस तरीके के इंटरेक्शन तो आप देख ही रहे हैं और पहले भी देख चुके हैं। और ये भी चीज मैंने आपको मेंशन कर दिया फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, कि जब भी आपके पास जो है दो सिस्टीन होते हैं, याद रखे दो सिस्टीन कहीं पे भी प्रेजेंट हो डजंट मैटर, उनमें जो ये SH ग्रुप होता है जिसे आप बेसिक तौर पे थायोल ग्रुप या सल्फाइड्रल ग्रुप के तौर पे बोलते हैं,
और ये थायोल ग्रुप जो होता है वो रिड्यूस फॉर्म में होता है तो उसको आप सिस्टीन बोलते हैं, और ये दोनों सिस्टीन जो होते हैं आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब ये दोनों सिस्टीन इंटरेक्ट करेंगे तब जब वहां पे एक ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट क्रिएट किया जाए और साथ में एक एंजाइम दिया जाए जिसका नाम है पीडीआई, और पीडीआई का फुल फॉर्म क्या बोलते हैं आप लोग, फॉस्फोडाइस्टरेज आइसोमेरेज है ना, दिस इज प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमेरेज। और मेरे को कभी मौका मत दिया करो नहीं तो मैं जिंदगी भर जो है वो एक याद रहे कि मैं वैसे तो डेली सोप नहीं देखता, नहीं किडनी तो तोड़ेंगे मैं डेली सोप तो नहीं देखता, लेकिन मेरी एक बहुत खतरनाक आदत है ताने मारने की, जिसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं छन्नी छन्नी करने की, वो फूफा टाइप के लोग होते हैं ना अभी तक तैयारी कर रही है बार बार वो ताने मारते रहते हैं अगर आप कुछ नहीं करते, वैसे बार बार मैं ताना मारता रहता हूँ कि आप पीडीआई को क्या बोले थे याद चलता रहे, प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमेरेज। और किडनी तो तोड़ना मैंने छोड़ दिया है, अब मैं थोड़ा सा जो है सभ्य इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों पाप सर पे लेना है ना, नहीं तो फिर गंगा में जाके धोना पड़ेगा। अब इसके बाद जब बात करने की कोशिश करते हैं तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट में पीडीआई इन दोनों डाइसल्फाइड से जोड़ के थायोल ग्रुप से जोड़ के ये बना देगा एसएस, और ये स्ट्रक्चर जब दो सिस्टीन जुड़ जाते हैं तो ये हो जाता है सिस्टीन, और स्पेलिंग में बता चुका हूं याद आया कि नहीं है, है ना, ई हटा दो तो वो हो जाएगा सिस्टीन। अब कमाल की बात यह है कि ऑक्सीडेशन का मतलब है कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है और वो आपको भी करते हैं। अभी जो डाइसल्फाइड बनता है इस पे पैटर्न आता है और पैटर्न बड़ा इंटरेस्टिंग है, और जो पेप्टाइड के कॉन्फर्मेशन है 3D स्पेस है उस पर भी इंटरेस्टिंग आता है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इन दोनों चीजों के सिनारियों को प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात करने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई एक पेप्टाइड है और पेप्टाइड में जो है ऐसे करके कई सारे अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, देयर इज लॉट्स ऑफ अमीनो एसिड्स, इनमें कुछ ना कुछ जो है वो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स हो सकते हैं, और अगर हर नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड अगेन जैसे अमीनो एसिड का प्रपोर्शन मैंने बताया था वैसे ही ये केस होता है कि अगर हर जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं अगर इन हर नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स के पॉसिबल ओरिएंटेशन कितने हैं, पॉसिबल ओरिएंटेशन मतलब वो कितने फाई और साई एंगल हो सकते हैं या अलाउड है, पॉसिबल ओरिएंटेशन इज 3, और ये 3 या कुछ भी हो सकता है, मैंने एन रख दिया, या इसको ओरिएंटेशन को आप बोल सकते हैं दैट इज योर एक्स, और नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स को बोल सकते हैं या नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स इतने हैं, और नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड को मैंने बोल दिया एन, अमीनो एसिड्स को बोल दिया ए। तो जितने अमीनो एसिड्स होंगे अगर वो लीनियर पेप्टाइड होगा तो क्या पेप्टाइड बॉन्ड नहीं निकाल सकते हो ए माइनस वन करके, एन की वैल्यू या तो ए माइनस होगी फॉर लीनियर वन और ए होगा फॉर सर्कुलर। ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर अमीनो एसिड दिया रहे तो आप उसमें पेप्टाइड बॉन्ड सर्कुलर और लीनियर का दोनों का निकाल सकते हैं, यस और नो, निकाल सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर हर एक पेप्टाइड बॉन्ड 3 ओरिएंटेशन में जा सकता है और कोई अमीनो एसिड या कोई पेप्टाइड 100 पेप्टाइड बॉन्ड का बना हो तो उसकी प्रॉब्लम उस कितने ओरिएंटेशन वो रख सकता है, क्योंकि जब वो फोल्ड करेगा तो उसके कितने 3D स्पेस में पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो क्या होगा जनाब इसका, देखो पहले पेप्टाइड के लिए जो पॉसिबिलिटी होगी 3, दूसरे के लिए भी 3 होगी, और ये कब तक चलती रहेगी, जब तक आपका पेप्टाइड है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स टू पावर एन, कैन यू सो दिस, यही होगा एक्स टू पावर एन, एक्स इज द नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन, मैं अगर जनरल बोलूं तो नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन कितना है, पावर एन मतलब नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कितना है। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे थी 3 और पेप्टाइड बॉन्ड का नंबर था 100, ये हो जाएगा 3 to 3। This is the example. ऐसे questions आपके market में available है। अब ये possibility इसका use मैं folding में कराऊंगा, same calculation, लेकिन मैंने आपको orientation की probability बताई। अब कुछ ऐसे बुद्धिजीवी पैदा हुए जो कहे कि सिर्फ सारे orientation की बात छोड़ो, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड का formation है इसमें बताओ कि अगर दो सिस्टीन है, 10 सिस्टीन है तो कितने पॉसिबल डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेंगे, और कुछ तो इतने कमाल के निकले कि उन्होंने जो है पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी बात करी। मैं बात करता हूँ, टेंशन मत लेना अभी, तो आप मुझे एक चीज बताओ यहाँ पे, तो नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इन बिटवीन द एन नंबर ऑफ सिस्टीन के ऊपर बात की, कि अगर किसी पेप्टाइड में बॉन्ड रोटेशन छोड़िए
जो बॉन्ड रोटेशन मैंने बताया चलो ठीक है उन्होंने आपने एक्स टू पावर वाई कर दिया, लेकिन इन्होंने कहा कि अगर एन नंबर ऑफ सिस्टीन हो तो हाउ मेनी पॉसिबल डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। अब इसमें दो केस आते हैं, सबसे पहला केस कि व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड, जब रिपीटिशन अलाउड हो मतलब एक सिस्टीन एक से ज्यादा बार यूज हो सकता हो, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जिसको बोलते हैं, यही केस डिफॉल्ट होता है। मतलब अगर क्वेश्चन में आपसे कुछ ना मेंशन रहे कि रिपीटिशन अलाउड है कि नहीं है तो आप यही मान के चलेंगे कि रिपीटिशन अलाउड है, उस केसेस में जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मूला होता है लाइक दिस वन, ये n माइनस वन प्लस n माइनस टू प्लस n माइनस थ्री प्लस n माइनस फोर, n ये प्लस प्लस करते करते वन तक जाएंगे, वेयर n इज द नंबर ऑफ सिस्टीन, याद रहे ये सिस्टीन मोनोमेरिक सिस्टीन है डाइमेरिक नहीं है, नंबर ऑफ सिस्टीन इन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा डोंट वरी। लेकिन दूसरा केस ये बनेगा कि व्हेन द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब अगर एक बार सिस्टीन किसी के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड बना लेगा तो दूसरी बार वो नहीं बनाएगा, ये है आपके रिपीटेशन नॉट अलाउड का। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n बाई टू, वेयर n इज द नंबर ऑफ सिस्टीन, ठीक है। अब सवाल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसके थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो चलिए एग्जाम्पल ले लीजिए और देखिए कितने सिस्टीन लेना चाहते हो, छह या आठ, 10, मैंने दो ऑप्शन में दिया, कोई बोल रहा है 6 और 8, इनसे पूछा जाएगा कैसा जो है हीरो चाहिए, शाहरुख खान के आमिर खान, तो कहेंगे ऋतिक रोशन, ठीक है। आप लोग करो कौन बनेगा करोड़पति जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, कब हट जाएगा रोडपति हो जाएगा, है ना, और सनी देओल जी तो गुस्सा आ जाएंगे। फिलहाल के तौर पर अब बात करने की कोशिश करते हैं, नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड हम करेंगे, मैंने एक पेप्टाइड ले लिया और इसमें मैंने 8 सिस्टीन को रख दिया, कितने सिस्टीन को 8, मैं 10 वाला भी बता दूंगा डोंट वरी, 10 का आया हुआ है, मैंने 8 लिया है अभी। अब 8 केसेस में जो है एक सिस्टीन यहाँ पे है, दो सिस्टीन, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे 8 जगहों पे सिस्टीन है। अब कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेंगे, एक पॉसिबल केस है, मैं इसको थोड़ा लीनियर करके शो करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैंने लीनियरली एक सिस्टीन दूसरा सिस्टीन तीसरा, मैं सिर्फ सिस्टीन को शो कर रहा हूं अमीनो एसिड को नहीं, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, सिस्टीन है, ठीक है। अब अगर रेपिटेशन अलाउड हो द फर्स्ट केस, ठीक है, अगर रेपिटेशन अलाउड हो द फर्स्ट केस, तो इस फर्स्ट केस की बात करें तो एक पहला वाला जो सिस्टीन होगा क्या ये इसके साथ भी बाइंड कर सकता है, सेकेंड वाले के साथ, ये थर्ड वाले के साथ भी बाइंड कर सकता है, फोर्थ के साथ भी कर सकता है, फाइव के साथ भी कर सकता है, सिक्स के साथ भी कर सकता है, ऐसे कर करके कितने हैं आपके, इस तरीके से आप शो कर सकते हैं है कि नहीं। अगर मैं इसमें सिस्टीन के नंबर को शो कर रहा हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो अगर पहला वाला जो सिस्टीन होगा द फर्स्ट सिस्टीन, इसके पास जो पॉसिबिलिटी है कि वो अपने से तो बाइंड नहीं करेगा डाइसल्फाइड, अपने अलावा कितनी पॉसिबिलिटी इसके पास, 7, ठीक है, मैं 7 को ऐसा लिख सकता हूं 8 माइनस 1, ठीक। अगर मैं बोलू थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो वी कैन सिंपली से दैट कि यहां पे 8 सिस्टीन है तो n का नंबर कितना है 8, और तो क्या ये वैल्यू एक्चुअली में n माइनस 1 है कि नहीं, ठीक है। अब इसने इस सिस्टीन ने डाइसल्फाइड बॉन्ड बना लिया है, अब ये दोबारा इन्वॉल्व नहीं होगा, देखो रिपीटेशन का मतलब ये सब आपने सबकी सबसे पॉसिबिलिटी ले ली है, लेकिन अब तो ये बना लिया है, अब इसके पास जो है एक ये और चाहे जिससे इनमें से जिससे भी बनाया होगा तो 2 सिस्टीन कम हो जाएंगे एक बार में, होगा कि नहीं होगा भाई। अब मानो इससे अब अगर चलो ठीक है इसके बाद जरा इसकी बात करूं तो क्या हो जाएगा, ये कितने से बना सकता है, इसको छोड़ दो आप, ये कितने से बना सकता है, 6 से बनाएगा, तो ये हो जाएगा, अरे ध्यान दो ना, किसी का माइक ऑन है जरा बंद कर लो, ये मुझे एक बार बताओ कि आपने इसकी पोजीशन को इसकी पॉसिबिलिटी को 7 ले लिया, इसके पास 7 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जिससे वो डाइसल्फाइड बना सकता है, इसके पास कितनी पॉसिबिलिटी है, 6, 3 ये, ठीक है, इसके पास कितनी होगी, 5, इसके पास कितनी होगी, 4,
इसके पास तीन, इसके पास दो, इस तरीके से चलेगा कि नहीं? तो मैं ये बोल सकता हूं कि पहले के पास सात है, फिर छह, फिर उसके बाद इसके लिए पॉसिबिलिटी पांच, फिर इसके पास चार, इसके पास तीन, इसके पास दो, और इसके पास एक, और ये जीरो, इसके पास कुछ बचा ही नहीं। तो मैं इसको लिख सकता हूं एट माइनस वन, दिस इज द एट माइनस टू, दिस इज एट माइनस थ्री, ये एट माइनस फोर, एट माइनस फाइव, एट माइनस सिक्स, एट माइनस सेवन, और प्लस एट माइनस एट, और वो जीरो हो जाएगा। यही तो फॉर्मूला था, एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू प्लस एन माइनस थ्री प्लस एन माइनस फोर प्लस एन माइनस फाइव एंड सो ऑन, जब तक जीरो ना आ जाए। यही तो था किस, तो अगर इसको जोड़ो तो कितनी वैल्यू आ रही है, 38। सात छह तेरह, पांच अठारह, चार बाईस, तीन पच्चीस, दो सत्ताईस, एक अट्ठाईस, 28 है। ठीक है, 28 आ गया, यस और नो? 38 आ रहा है कुछ लोगों का। अच्छा, यहां पे रेपिटेशन अलाउड था कि रेपिटेशन नॉट अलाउड था? अलाउड, तभी तो आपने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन को लिया। अब एक चीज मुझे बताओ कि अगर दूसरा केस है जहां पर रेपिटेशन नॉट अलाउड हो, क्या हो? रेपिटेशन नॉट अलाउड हो। जब रेपिटेशन नॉट अलाउड हो तो केस क्या बनेगा, केस क्या बनेगा? रेपिटेशन नॉट अलाउड का किस्सा समझो, फिर वैसे ही अगर ड्रॉ करूं मैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, यानी अगर पहली बार पहला वाला जो है इनसे छह में से जो है वो किसी ना किसी से, एक से डाइसल्फाइड बनाया, फिक्स हो गए ये दोनों। दूसरा वाला जो है किसी और से बनाया, मान लीजिए फिक्स हो गए। ये वाला जो है इससे बनाया और ये वाला इससे बनाया। ये समझ में आ रहा है? यहाँ पे पेयर के फॉर्म में चीजें चलेंगी, क्योंकि आप रेपिटेशन की बात ही नहीं कर रहे, एक बार से पॉसिबिलिटी ले ले। यू आर नॉट टेकिंग ऑल पॉसिबिलिटीज, बिकॉज आपने रेपिटेशन को अलाउ वाला केस नहीं रखा है। यहाँ पे अगर मान लेते कि पहला वाला 16 चौथे वाले से डाइसल्फाइड बॉन्ड बना रहा है तो बना रहा है, दूसरा वाला 16 जो है वो छठवें वाले से बना रहा है तो बना रहा है, तीसरा वाला जो है वो सातवें से बना रहा है, और पांचवा वाला जो है वो आठवें वाले के साथ बना रहे। तो यहाँ पे पेयर बनता है, और ये पेयर जो बेसिक तौर पे लेके चल रहे हैं, ये है आपके पास 1-4 का पेयर होगा, उसके बाद 2-6 का पेयर होगा, फिर उसके बाद जो है वो 3-7 का है एंड 5-8 का है। कैन यू टेल मी कि इसमें कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड बन सकते हैं जब एक फिक्स पोजिशन की बात करें तो? चार, तो चार को हम ये भी लिख सकते हैं कि चार कैन बी रिटेन एज 8/2, दैट इज ऑल्सो नोन एज n/2। फॉर्मूला कैसे आया समझ में आ गया, कि रेपिटेशन अलाउड है कि रेपिटेशन नॉट अलाउड है? दोनों के साथ सकते हैं कि रेपिटेशन अलाउड और रेपिटेशन नॉट अलाउड। जब कुछ ना दिया हो तो क्या मान के चलोगे, अलाउड है। अगर कुछ ना दिया हो तो ये मान के चलना कि रेपिटेशन अलाउड है, वो सब कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है। जब रेपिटेशन नॉट अलाउड की बात आएगी तो वो फिक्स बोलेगा कि भैया एक ही बॉन्ड बना रहा है, 116 कैन फॉर्म वन बॉन्ड। ऐसे केसेस को नॉट अलाउड अगर नहीं भी लिखेगा तो वहां पे स्टेटमेंट में ऐसा लिखा रहेगा कि 116 कैन फॉर्म वन बॉन्ड, वन डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बोल सकता है, ऐसा है। ऐसे केस का मतलब है कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है, क्योंकि एक ही बना सकता है ऐसे। ठीक है, ये केस आपके साथ है। अब इसी को आप अगर एक एग्जांपल के साथ सॉल्व करने की कोशिश करो, रेपिटेशन अलाउड नॉट अलाउड दोनों, एक एग्जांपल ले लो। अगर जितने लोगों को समझ में आया दैट्स वेल एंड गुड। एग्जांपल ले लिया कि आपके पास नंबर ऑफ 16 है 10, हाउ मेनी डाइसल्फाइड बॉन्ड विल बी फॉर्म? ठीक है, ये होगा, दो केस बनेगा, रेपिटेशन अलाउड एंड रेपिटेशन नॉट अलाउड। तो अगर रेपिटेशन जो है वो अलाउड होगा तो आप इसको क्या बोलोगे, रेपिटेशन अलाउड होगा तो ये हो जाएगा 9 + 8 + 7 + 6 + 5 = 4, 3, 2, 1, दैट इज 45। और अगर रेपिटेशन नॉट अलाउड होगा तो अगर रेपिटेशन नॉट अलाउड है तो यू कैन से दैट
10/2 दैट इज, ये दो क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं। और इस तरीके के क्वेश्चन किसी ने 10 वाला पूछा था वैसे याद रहेगा। और इंटरेस्टिंग केस ये है कि किसी ने बोला कि व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड इफ द नंबर ऑफ सिस्टीन इज ऑड। एक अच्छा क्वेश्चन किसी ने पूछा कि ये तो मैंने इवन के लिए बताया, व्हाट इफ द नंबर ऑफ सिस्टीन इज ऑड। अगर नंबर ऑफ सिस्टीन ऑड होगा ना तो फिर आपके लिए दोनों केस का फॉर्मूला जो है वो वही रहेगा। सिर्फ फर्क क्या रहेगा, फर्क ये रहेगा कि आपको जो पॉइंट वैल्यू आएगी एक्चुअली में, जब रेपिटेशन नॉट अलाउड की जब बात करेंगे तो ये वैल्यू आपको आएगी पॉइंट्स में, x पॉइंट y y समथिंग इज। तो आपको जो नंबर ऑफ डाइसल्फाइड होगा वो पॉइंट के पहले वाले मतलब डिजिट्स में लेना है, वो पॉइंट वाले को काउंट नहीं करना है, क्योंकि ये पॉइंट वाला 1 होता तब काउंट करते, वो 0.6 है मतलब उसके बनने की पॉसिबिलिटी 60% है सिर्फ, इसलिए आप पॉइंट वाले वैल्यू को छोड़ देंगे। बात सिर्फ इतनी सी है, मैं एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल कि मेरे पास 7 सिस्टीन होते, आई रिपीट 7 सिस्टीन, सो हाउ मेनी द डाइसल्फाइड बॉन्ड पॉसिबल इफ द रेपिटेशन इज अलाउड। तो आप बोलते 6+5+4+3+2+1, ये कितना हो जाता है 6, 5, 11, 4, 13, 16, 2, 18 18 डाइसल्फाइड बॉन्ड विल बी पॉसिबल इन द केस ऑफ 7 सिस्टीन्स इफ रेपिटेशन इज अलाउड। बट इफ इट इज नॉट अलाउड दैट 7/2 दैट इज गोइंग टू बी योर 3.5, आप 0.5 को कंसीडर नहीं करेंगे, यानी यहां पे आप क्या लोगे 3, 21 होगा। हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, 21 होगा ठीक है। आप लोगों की गणित ज्यादा स्ट्रांग है, मेरी थोड़ी वो है, ये केस बनेगा ठीक है ना। समझ में आया कुछ? अरे हाँ या ना। अब एक केस ये आता है कि कुछ बड़े इंटरेस्टिंग सी केस बोल देते हैं, प्रोबेबिलिटी पूछ लेते हैं, बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगा ठीक है। अभी तो मैंने ये आपको सिर्फ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से बताया कि जब रेपिटेशन अलाउड है तो कितना बनेगा और रेपिटेशन नॉट अलाउड है तो कितना बनेगा। दिस इज द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नंबर, दिस इज नॉट द प्रोबेबिलिटी। कुछ बड़े इंटरेस्टिंग से साइंटिस्ट और कुछ बड़े इंटरेस्टिंग से योद्धा पैदा हुए। ये एक पेप्टाइड शो किया गया है जो कि एक स्पेसिफिक एंजाइम है जिसका नाम आपने सुना होगा आरएनएज ए, राइबोन्यूक्लिक ए, जिसके ऊपर एक साइंटिस्ट ने काम किया था जिनका जो बेसिक तौर पे आप शो करते हैं एनफिंसन एक्सपेरिमेंट। सुना है कभी? प्रोटीन फोल्डिंग पढ़ोगे ये ठीक है। एनफिंसन एक साइंटिस्ट था जिन्होंने फोल्डिंग प्रोसेस को एस्टिमेट किया था, उन्होंने इसको लिया था, मैं उसी का बस एग्जांपल लिया हूं। ये इस केस में जरा जो है सिस्टीन को काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो है सिस्टीन। अब 8 सिस्टीन में मैं क्या अब बताऊं कि पॉसिबल कितना हो सकता है और पॉसिबल कितना नहीं हो सकता, ये चीज आप बोल सकते मतलब पॉसिबल नॉट पॉसिबल के दूसरे शब्द में बोले कि रेपिटेशन अलाउड के केसेस में कितना बनेगा। अरे कितना बनेगा, 28 था, यही था ना। और अगर नॉट अलाउड होगा तो रेपिटेशन 4 बनेगा, ये तो ठीक है। चलो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये आ जाता है कि इसमें से व्हाट शुड बी द प्रोबेबिलिटी। जैसे अब आपने कहा कि नहीं ये वाला जो है 26 वाला, इसके पास कितने पॉसिबल जगहों पे बनाने के चांसेस है 7, ये कहां कहां बना सकता है, एक इस पोजीशन पे, एक इस पोजीशन पे, एक इस पोजीशन पे, एक इस पे, एक इस पे, एक इस पे और एक इस पे। तो फॉर 26 हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, 7 ठीक। अगर अब इसके बाद मान लो कि इसने जो बॉन्ड बनाया वो 95 से बनानी है फॉर एग्जांपल, तो अब जो है जब 26 ने 95 से बना लिया तो अब 40 के पास बनाने के लिए कितने अमीनो एसिड बचे, इसके पास 5 बचे, देखो 40
58, 65 और ये देखोगे तो यहाँ पे 72, 65, 58, 85 and 102। इसको मैं लिख रहा हूँ पोजीशंस को और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या मैंने बताया? ठीक है, ठीक है। तो 26 ये यहाँ पे जो है मेंशन किया गया है कौन किससे बना रहा है, मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ। 26 है, फिर उसके बाद 40 है, फिर उसके बाद 58 है, फिर उसके बाद है 65 है, फिर 72 है, फिर 84 है, 95 है, 110 है, इतने 16 है हमारे पास। अब मैं सबसे पहली पॉसिबिलिटी लेता हूं, वो है आपके 26 की। 26 जो बना रहा है वो किससे बना रहा है यहाँ पे? 84 से, 84 से बना। तो बताओ कि 26 का 84 से डाइसल्फाइड बनाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 7 ऑफ प्रोबेबिलिटी, 1/7। ये जब 84 से बनाएगा तो 7 में से बना रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/7। अब ये तो बन गए 26 और 84 बन गए, डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गया भाई, चलो ठीक है। व्हाट अबाउट द अनदर केस? अब मैं मान के चलता हूं 40 किससे बना रहा है? 40 बना रहा है 95 से, तो 40 अब उसके पास कितनी पॉसिबल चीजें? 1, 2, 3, 4, 5। अब उन 5 में से 95 से बना रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5। अब 40 और जो है आपके 95 भी बना लिए, मैं अलग कलर से बोल देख कर दे रहा हूं। अब बचे क्या? बचे आपके 58 बना रहे 110 से। अब 58 के पास कितनी पॉसिबिलिटी है? 1/3 होगी। और उसके बाद फिर क्या बचा? 65 और फिर 72। अरे 1 हो जाएगा भाई। अब इनके पास कोई केस थोड़ी बचा, 1/1 1 ही आएगा, कुछ बचा तो है नहीं। सॉरी, व्हाट शुड बी द प्रोबेबिलिटी? अच्छा, इसमें और लग रहा है कि एंड लग रहा है? इस केस में जो ये चार पॉसिबिलिटी बनी है, इसमें और लग रहा है कि एंड लग रहा है? मुझे बस इतना बता दो। और एंड जानते हो प्रोबेबिलिटी में? नहीं जानते तो मैं बता दूं कि यहां पे प्रोबेबिलिटी जो है या लग रही है कि और लग रही है, मतलब एंड या और। इसमें और लग रहा है मतलब 20, सुनो मेरी बात को ध्यान से समझना, 26 84 से डाइसल्फाइड बनाए या 40 95 से बनाए, ये या लग रहा है कि एंड लग रहा है? तो 26 84 से होना चाहिए एंड 40 95 से होना चाहिए एंड 58 110 से होना चाहिए एंड 65 72 से होना चाहिए। ये एंड लग रहा है कि और लग रहा है? एंड लग रहा है ना, ये सभी अपनी अपने जगह पे होने चाहिए। दिस शुड बी एंड, और एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन, यानी प्रोबेबिलिटी यहां एड करोगे कि मल्टीप्लाई करोगे? फिर सभी की मल्टीप्लाई होगी, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इस अनबाइंडेड या अनबाइंडेड राइबोन्यूक्लियस ए का इस तरीके से इतने पोजीशन पर बाइंडिंग हो, व्हाट शुड बी द प्रोबेबिलिटी? दैट 1/7 इंटू 1/5 इंटू 1/3 इंटू 1। दिस कितना आ रहा है? ये 105 यही आएगा। ठीक है, केस समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? अच्छा, 10 अमीनो एसिड होता तो क्या करते? व्हाट शुड बी द प्रोबेबिलिटी? अगर मेरे पास 10 अमीनो एसिड है और 10 अमीनो एसिड के लिए चार एक बनाने के लिए जो है वो पहला वाला 1/7 से बनाएगा या कैसे बनाएगा, क्या बताओ क्या होगा इसके लिए प्रोबेबिलिटी? यही होगा, पहले के लिए 9, फिर 7, फिर 3, 5, फिर 3, फिर 2 घटते हुए चले जाएंगे 1/945। ग्रेट, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? अरे हाँ या ना? ठीक है, चलो
तो कर लोगे तो ये क्वेश्चन बता दो दोस्त, 2006 में आया हुआ था। रट के नहीं बोलना होता है, काहे रट रहे हो? आठ सिक्सटीन, क्या आंसर होगा? 105। एक चीज तो बड़ी तय है कि जब आपको पता है कि जब भी चाहे इवन और जिस तरीके से नंबर आ रहे हैं उसमें जो ये पॉसिबिलिटीज थी उस हिसाब से अगर इवन नंबर है तो 5 के मल्टीपल्स में जाएगा, क्योंकि उसमें एक तो 5 होगा, समझ रहे हो ना? 7 5, 5 के मल्टीपल्स में तो उसका लास्ट डिजिट या तो 0 होगा या तो 5 होगा, यही हो सकता है ना? पता है कि नहीं? लघुत्तम समापवर्तक पढ़े हो, एलसीएम एचसीएफ जैसा चीज, अगर किसी वैल्यू को अगर उसके लास्ट डिजिट में 0 या 5 हो तभी वो 5 से डिवाइड हो सकता है। तो ये दोनों वैल्यू तो कतई नहीं हो सकते, ठीक है? तो मैं तो ऐसे ही थोड़ा सा गणित गुड़ा लगा के सॉल्व कर लेता, ये बताने की जरूरत नहीं ना है, ठीक है? ये बताओ, ये भी मैंने कराया अभी। क्या होगा आंसर? थ्री टू पावर 100 होगा, क्योंकि कितने पेप्टाइड बॉन्ड यहां पे दिए हुए हैं, यहां पे जो पेप्टाइड बॉन्ड दिए, देखो 51 रेजिड्यूज है एंड उनके पास कितने बॉन्ड्स है? टोटल 100 बॉन्ड्स है और जिनके अलोंग रोटेशन पॉसिबल है, तो अज्यूम दैट थ्री ओरिएंटेशन जो है यहां पे है, तो आप इस हिसाब से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना? आगे चलो, ये बताओ, फोर्टी फाइव होगा, 987 ऐसा कुछ करके बताया था अभी मैंने, 10 बार बता चुका हूं मैं। ये बताओ, क्या आंसर होगा इसका? 5। क्यों? क्योंकि इसमें कीवर्ड क्या रख दिया कि इफ ओनली 116 कैन माइंड टू द अनदर, इसका मतलब है कि रेपिटेशन अलाउड, ठीक है? और चैट बॉक्स में जो लोग आंसर दे रहे हैं, बेटा आप लोग के आंसर मैं पढ़ रहा हूं, ऐसा टेंशन मत लेना कि आपका आंसर पढ़ा ही नहीं जा रहा है। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर कंप्लीट, डाइसल्फाइड बॉन्ड की पॉसिबिलिटी कंप्लीट, प्रोबेबिलिटी कंप्लीट, यस और नो? अच्छा, टर्शियरी स्ट्रक्चर में जो डाइसल्फाइड बॉन्ड बन रहा था वो डाइसल्फाइड बॉन्ड इंट्रा चेन था कि इंटर चेन था? इंट्रा चेन होगा। ये चीजें थोड़ी सा दिमाग में रखो। अब देखो, सिंगल पॉलीपेप्टाइड क्वार्टनरी के ऊपर हम बात करने की कोशिश करते हैं, वैसे क्वार्टनरी जैसी कोई बात होती नहीं है, ठीक है ना? मेरा एक दोस्त था, उसका जो है जब स्ट्रक्चर, वो प्रोटीन स्ट्रक्चर पढ़ता था तो उसका फेवरेट जो है, फेवरेट जो क्लासिफिकेशन था ये फोर्थ वाला था। पता है क्यों? नहीं पता है? क्योंकि इसमें क्वार्टर आता है, समझ गए? कुछ लोग समझ, देखा, ये वही लोग समझे होंगे जो क्वार्टर जानते होंगे ना। चलो ठीक है, जोक सपाट। तो अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं ऐसे दोस्त बना लेता हूं जब भी मुझे जोक क्रिएट करना होता है, ऐसे ही कई लोग बना लेते हैं कहानियों के तौर पे बताने के लिए, बट ऐसा कोई मेरा दोस्त नहीं है, ठीक है? सब क्वार्टर नहीं, सब हाफ फुल पूरा लेके चलते हैं फिलहाल के तौर पर। अब क्वार्टनरी स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, तो जब अगर सिंगल पेप्टाइड हो आपके पास, सिंगल पेप्टाइड, तो जब सिंगल पेप्टाइड की बात करते हैं तो सिंगल पेप्टाइड का हाईएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रक्चर क्या हो सकता है जनाब? टर्शियरी स्ट्रक्चर। हाईएस्ट लेवल जो हो सकता है वो टर्शियरी हो सकता है। और अगर मोर देन, मतलब वन पेप्टाइड हो, अगर मोर देन वन पेप्टाइड हो तो उसका हाईएस्ट लेवल क्या हो सकता है? क्वार्टनरी। समझिए जरा सा कि अगर एक सिंगल पेप्टाइड है, अब प्राइमरी स्ट्रक्चर से जो है फोल्ड करके सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे जाएगा और सेकेंडरी स्ट्रक्चर से जो है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट फोल्ड करके टर्शियरी स्ट्रक्चर पे,
अब इस टर्शियरी स्ट्रक्चर में जो है उसके पास हाइड्रोजन हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन भी होगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा, होगा, क्या हाइड्रोफोबिक है, इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो साइड चेन मेन चेन दोनों में होगा, इसके अलावा आयनिक इंट्रैक्शन भी होंगे आर ग्रुप में, इसके अलावा वॉन्डर वॉल इंट्रैक्शन भी होंगे, इसके अलावा डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होगा, लेकिन जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, इंट्रा चेन, कैसा होगा, इंट्रा चेन। अब दो पेप्टाइड जो जुड़े, अब ये एक पेप्टाइड की बात, हो सकता है कि यहाँ पे एक पेप्टाइड ए है, दूसरा पेप्टाइड बी है, अब इससे जो बनेगा वो आपके पास पेप्टाइड ए है और यहाँ पे जो है वो पेप्टाइड बी है। अब ए और बी की जब बात करें तो इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बन सकता है, दे कैन बी। अब जो दो पेप्टाइड हैं, ये दोनों पेप्टाइड जो है ये कोवैलेंटली लिंक्ड भी हो सकते हैं, दे कैन बी कोवैलेंटली लिंक्ड, हो सकता है कि कैसे हो, ये कोवैलेंटली लिंक्ड हो, या हो सकता है कैसे हो, नॉन कोवैलेंटली लिंक्ड हो। अब कोवैलेंटली लिंक्ड हो गए तो इनमें जो डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जाएगा वो होगा SS बॉन्ड, लेकिन अब ये जो SS बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, इंटरचेन या इंट्राचेन, इंटरचेन होगा क्योंकि इन बिटवीन टू चेन है, और अगर नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन होंगे तो उनमें ज्यादातर कैसे इंट्रैक्शन हो सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे कि आयनिक इंट्रैक्शन, और जैसे कि आपके हाइड्रोफोबिक, वॉन्डर वॉल भी होगा लेकिन हाइड्रोफोबिक एक बड़ा ही कॉमन इंट्रैक्शन है। आपने अमोनियम सल्फेट प्रेसिपिटेशन का नाम सुना होगा, सॉल्टिंग आउट का फिनोमेना सुना होगा, दो प्रोटीन आपस में एग्रीगेट बनाते हैं बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोफोबिक, तो दो सब यूनिट नॉन कोवेलेंटली हाइड्रोफोबिक से भी जुड़ सकते हैं, तो ये चीज हो जाती है। अब फिलहाल के तौर पे जो है हम इस तरीके की चीजों को मेंशन करते हैं। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में सारे बॉन्ड अवेलेबल होंगे जो टर्शियरी में हैं, सिर्फ क्या है कि आपके पास डाइसल्फाइड बॉन्ड एक एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा जो कि इंटर चेन होगा, मतलब दो चेन के बीच में होगा, बस इतनी सी बात है। तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर को जो एक सेकंड दीजिएगा मुझे, तो अपन जो बात कर रहे थे क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में उसमें क्या था कि दीज आर द मल्टीमेरिक प्रोटीन, ठीक है। तो जब मल्टीमेरिक प्रोटीन की बात करते हैं तो मल्टी का मतलब मेनी और मेरी का मतलब होता है सब यूनिट, जिसमें मोर देन वन सब यूनिट हो, मल्टी का मतलब होता है मेनी और मेरी का मतलब होता है सब यूनिट, जिसमें मोर देन वन सब यूनिट हो आप उसे मल्टीमेरिक कंसिडर करते हैं, एंड हर एक चेन एक सब यूनिट जैसा होता है, एवरी चेन कंसिडर एज अ सब यूनिट, हर एक चेन जो है वो एक सब यूनिट जैसा जो है यहाँ पे फील होता है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये आ जाते हैं कि जब भी सब यूनिट्स की बात करते हैं तो वो होमो हो सकता है या वो जो है हेट्रो भी हो सकता है। होमो क्यों, क्योंकि अगर वो सिमिलर सब यूनिट से बना, जैसे दो एक चेन अल्फा है दूसरा चेन भी अल्फा हो गया, तो अल्फा और अल्फा सेम हो गए तो ऐसे केसेस को आप होमो बोल देंगे, और अगर वो डिफरेंट सब यूनिट से बने तो ऐसे को आप बोलते हैं हेट्रो। तो कोई भी प्रोटीन होमो हो सकता है या हेट्रो हो सकता है, इसके ऊपर जो है बातचीत करते हैं। एंड सब यूनिट्स जो है फॉर्म क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, जो सब यूनिट्स होते हैं वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जो है बनाते हैं, ठीक है ना। तो जो सब यूनिट्स होते हैं वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जो है बनाते हैं। इसके बाद बातचीत करने की कोशिश करते हैं, हेल्ड टुगेदर बाय द नॉन कोवेलेंट एंड द कोवेलेंट इंट्रैक्शंस। ये जो सब यूनिट्स है ये कोवेलेंट और नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शंस दोनों से ही जुड़ा हो सकता है, जो कि मैंने बताया। और नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन में जैसे हाइड्रोफोबिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने मेंशन किया था, या कोवेलेंट इंट्रैक्शन में जैसे आपने इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड को शो किया, ये कहानी जो है वो आपको देखने को मिलती है। अब इसके बाद जब हम बात करने की कोशिश करें तो फिलहाल के तौर पे ये कुछ क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स के केसेस हैं। अब क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जैसे कि अगर दोनों सिमिलर सब यूनिट्स के हैं तो आप होमो सब यूनिट शो करते हैं, होमोडाइमर, और अगर जो है ये आपके डिफरेंट सब यूनिट्स के हैं तो आप इसे हेट्रोडाइमर मेंशन करते हैं, अलग अलग के हैं। अगर ये तीन सब यूनिट्स के हैं तो आप इसको ट्राइमर बोलते हैं, जैसे ट्रिपल कोलिजन केसेस में आता है।
इसके बाद टेट्रामर के केसेस में जैसे आप हीमोग्लोबिन की बात करते हैं जिसमें दो बीटा और दो अल्फा होता है, अब देखो दो अल्फा चेन, अल्फा और अल्फा, ये बीटा और बीटा, तो आप जो है हीमोग्लोबिन को हेटरो टेट्रामर के तौर पे बुलाते हैं, हेटरो टेट्रामर, टेट्रा का मतलब चार सब यूनिट्स और वो डिफरेंट है तो आप हेटरो टेट्रामर बुलाते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। अब जहां जहां पे क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर आएगा उसका नेचर आपको वहीं पे बताते चलेंगे कि कौन सा होमोमर है, कौन सा हेटरोमर है, कौन सा मल्टीमर है, कौन सा नहीं है, क्योंकि अब इसमें ज्यादा कुछ खास पढ़ने को रह नहीं जाता। तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी बहुत चीजें समझ में आ गई या नहीं आई?